हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम लोग मार्च 2019 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आप में से जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी मार्च 2019 के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इसके अलावा गाइस, जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है वो न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं गाइस, उनके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सेक्शन ए में प्रिलिम्स के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो प्रिलिम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस, यानी कि सिलेबस जो है प्रिलिम्स का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ना ही सिर्फ प्रिलिम्स बल्कि सेक्शन बी में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। और मेंस के अंदर भी जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 तीनों को हम लोग कवर कर रहे हैं, और बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक वाइज पूरे करंट अफेयर्स को जो है वो अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए प्रीलिम्स करंट अफेयर्स से। तो पहला हमारा पिलर है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पहली न्यूज में बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट, जो कि बड़ी एयरलाइन कंपनी है, इसने ग्लोबल एयरलाइंस ग्रुप IATA को ज्वाइन कर लिया है। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसमें पूरी दुनिया भर की 290 से ज़्यादा एयरलाइन कंपनीज जो है वो मौजूद हैं। और इस IATA के ग्रुप में एयर इंडिया, जेट एयरवेज और विस्तारा जैसी बड़ी एयरलाइन कंपनीज भी शामिल हैं। अब स्पाइस जेट ने इस IATA को ज्वाइन कर लिया है, तो उससे स्पाइस जेट को फ़ायदा ये होने वाला है कि उसको और भी ज़्यादा इंटरनेशनल रूट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी बात करते हैं IATA के बारे में, तो ट्रेड एसोसिएशन है ये पूरी दुनिया भर की एयरलाइन कंपनीज का। पूरी दुनिया भर में 117 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और जिनकी एयरलाइंस जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और टोटल 290 से ज़्यादा एयरलाइन कंपनीज जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। यहाँ पर डिस्कशन होता है कि इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पर एयरलाइंस को जो है, यानी कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो उस पर ये बात करती है, डिस्कशन करती है, और उन चैलेंजेस को कैसे खत्म करना है उस पर फोकस करती है। और कई सारे रूल्स रेगुलेशंस भी इनके द्वारा, IATA के द्वारा, या फिर गाइडलाइंस वगैरह जो है वो एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट कंपनीज को जो है वो बताया जाता है। अब देखिए गाइस, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 की बात करें तो इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। हर 2 सालों में एक बार ये सर्वे जो है वो रिलीज होता है। अब सर्वे के नाम से समझ में आ रहा है वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, की पूरी दुनिया भर में कौन सी सिटीज़ जो हैं वहाँ पर रहना कितना एक्सपेंसिव है या कितना चीप है, ये हम लोग को इस सर्वे में देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ पर कपड़े महंगे हैं, खाना पीना महंगा है या सस्ता है, तो उसके बेसिस के ऊपर, यानी कि बिल्स वगैरह है, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस वगैरह है, तो उसके बेसिस पर पूरा ये सर्वे जो है वो बनाया जाता है, और अलग अलग सिटीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो पूरी दुनिया भर की सबसे महंगी सिटीज़ कौन सी है गाइज रहने के लिए, अगर आप इस सिटी में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर लगातार 5 सालों से वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। और उसके बाद फिर पेरिस आती है, फिर ज्यूरिच, फिर हांगकांग हम लोग को देखने को मिलती है, फिर ओस्लो, फिर जेनेवा, सियोल, कोफेनहेगन, टेल अवीव और सिडनी। तो ये टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है पूरी दुनिया भर की। और अगर चीपेस्ट सिटी की बात करें जहाँ पर जाकर आपका बहुत कम खर्चा होगा, तो गाइज टॉप 10 के अंदर इंडिया की 3 सिटीज़ हैं, इनका नाम सबसे पहले याद रखिएगा, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। पूरे दुनिया भर में टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज़ में से 3 हमारी इंडिया की सिटीज़ शामिल हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और हालांकि ये चीपेस्ट तो नहीं है हम इंडियंस के लिए, बट फिर भी यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर ये चीपेस्ट सिटीज़ जो है वो बताई जा रही हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली का यहाँ पर जिक्र है, तो आप जितने भी UPSC सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होंगे आप लोग, या फिर आपके कोई दोस्त वगैरह सिविल सर्विसेज की तैयारी करने न्यू दिल्ली गए होंगे, तो आपको पता होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कितना महंगा कमरा मिलता है किराए का, राइट? एक छोटा सा कमरा, हमारे किचन से भी छोटा कमरा होता है घर के किचन का, वो 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार के रेट में वहाँ पर मिलता है, राइट? तो ये तो वर्ल्ड लेवल पर ये टॉप 3 चीपेस्ट, यानी ये टॉप 10 में से 3 हमारी चीपेस्ट सिटी जो है वो पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। और टॉप 10 चीपेस्ट सिटी की बात करें, सबसे सस्ती सिटीज़ कौन सी है पूरी दुनिया में, सीरिया की कैपिटल डमस्कस, इसके अलावा वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस, कजाकिस्तान की बिजनेस सेंटर अलमीटी, इसके अलावा लागोस, बेंगलुरु, कराची, अलजियर्स, चेन्नई, बुचारेस्ट और न्यू दिल्ली, राइट? तो ये टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज़ हम लोग को पूरी दुनिया भर की देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें, वर्ल्ड लीडर इन ग्लोबल बिजनेस इंटेलिजेंस ही हम लोग को देखने को मिलता है। वेरियस सर्वेज, वेरियस डेटाज जो है वो इसके द्वारा निकाले जाते हैं, बट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो है ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। जन औषधि दिवस की बात करें तो 7 मार्च 2019 को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था।
आपको एक स्कीम के बारे में पता होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इस स्कीम के थ्रू सस्ते रेट में मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं जन औषधि केंद्र से, राइट। काफ़ी सस्ते रेट में जेनरिक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जन औषधि दिवस को जो है वो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था। थोड़ी सी आप ये योजना के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़ा सा पढ़िएगा। अब बात करेंगे इस क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे के बारे में। तो देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के बारे में, राइट, कि कौन सी सिटी में कितना खर्चा करना पड़ता है रहने के लिए। अब हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में कि कौन सी सिटी के अंदर क्वालिटी वाइज यानी कि फ्रूटफुल तरीके से जो है आप रह सकते हो, या वहाँ पर क्राइम रेट कम होगा, वहाँ पर सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा, पॉल्यूशन लेवल कम होगा। तो ऐसी सिटी यानी कि क्वालिटी ऑफ लिविंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो गाइज, ये सर्वे जो है वो रिलीज किया जाता है ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मर्सर के द्वारा, मर्सर याद रखिएगा, राइट। तो ये हर साल जो है ये क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे जो है वो रिलीज करती है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 231 सिटीज जो पूरी दुनिया भर की है उनको एनालाइज किया गया, सर्वे किया गया उनका, और उनको रैंक ऑफर करी, और ये इनका 21st एडिशन है। और इसमें बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में वियना जो है ये लगातार 10 सालों से टॉप क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे की लिस्ट में आ गई है, यानी कि लगातार 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि वियना जो है वो रहने लायक काफ़ी अच्छी सिटी है क्वालिटी परस्पेक्टिव से, राइट। और उसके अलावा आ जाता है ज्यूरिच, ज्यूरिच का नाम हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में ज्यूरिच का नाम था। तो ये चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ज्यूरिच जो है वो आपको स्विट्जरलैंड में एक सिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मर्सर ने एक सेपरेट रैंकिंग निकाली है पर्सनल सेफ्टी को लेकर, राइट, एक अलग से रैंकिंग निकाली है। इसके अलावा इस पर्सनल सेफ्टी की रैंकिंग में बताया जा रहा है कि लक्समबर्ग जो है वो सेफेस्ट सिटी बताई जा रही है पूरे दुनिया भर में, और लंदन जो है वो यूनाइटेड किंगडम में सबसे बेहतरीन सिटी है क्वालिटी वाइज रहने लायक। और इंडिया सिटीज की बात करें तो इंडिया के अंदर दो सिटीज का नाम इसमें मेंशन है, एक है चेन्नई, दूसरी है बेंगलुरु। चेन्नई की रैंक आई है 105 और बेंगलुरु की रैंक आई है 149 आउट ऑफ 231। बोलो ऐप की बात करें, इस एप्लीकेशन को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो छोटे बच्चे हैं जो कि गांव क्षेत्र में रहते हैं उनके अंदर रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स जो है ये डेवलप करेगी एप्लीकेशन। और प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स, तो उनको इस एप्लीकेशन का बेनिफिट मिलेगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू जैसे ही वो बच्चे या चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में बोल रहे होंगे, यानी कि पढ़ते हैं जब हम लोग, जैसे आप स्कूल में होंगे तो टीचर जो है वो खड़ा करके आपको रीडिंग करवाती होगी, तो उस समय ये बच्चे जब पढ़ेंगे तब ये एप्लीकेशन बताएगी कि बच्चों ने कौन से वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया है, या फिर किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी। तो काफ़ी शानदार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड ये बोलो ऐप हम लोग को गूगल की देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि जापान जो है वो G20 समिट को हेड करेगा। पहली बार जापान जो है वो G20 समिट को हेड करने वाला है, और ये समिट जो है ये June 28th और 29th को हम लोग को देखने को मिलेगी। और G20 ओसाका समिट जो है, यानी कि ओसाका में हो रही है जापान में ये वाली समिट G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशन की। हालांकि जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं ये समिट ऑलरेडी हो चुकी है, बट मैं आपको जून वाले मंथली लेक्चर में जो है वो इसके बारे में बताऊंगा। फिलीपींस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दिया है। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो कि द हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है इसकी लोकेशन, और इंटरनेशनल कोर्ट ये माना जाता है, यानी कि कोई भी दो कंट्रीज के बीच में जब कोई विवाद वगैरह होता है तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके पास जाती हैं, ICC के पास। कुछ समय पहले ये मॉरिशियस और यूनाइटेड किंगडम को लेकर न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा मॉरिशियस और यूनाइटेड किंगडम का जो है वो क्या मामला था, राइट। वो एक बेसिकली मॉरिशियस आइलैंड को लेकर था, और अभी आपको बताया होगा मॉरिशियस आइलैंड का एक हिस्सा है जिसको यूनाइटेड किंगडम ने लीज पे दे दिया था यूनाइटेड स्टेट्स को, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल बेस है डियागो गार्शिया नाम का। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा आप, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी वीडियो जो है वो थोड़ा अपना लेंदी हो जाएगा। तो बस मैं आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है गाइस, कभी कभी जैसे इंटर रिलेटेड होती हैं स्टैटिक पोर्शन से या और भी कुछ चीज़ों की, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट आपका ये काम रहेगा उस चीज़ को सर्च करना, राइट। बाकी अभी हम लोग मार्च 2019 की न्यूज़ पर फोकस करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि फिलीपींस ने जो है गाइस ये ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दिया है, और फिलीपींस पहली कंट्री नहीं है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ा है। इससे पहले बुरुंडी, रशिया, साउथ अफ्रीका और गाम्बिया, तो ये भी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस कोर्ट को छोड़ दिया, विड्रॉ कर दिया है इस कोर्ट को। और याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, हालांकि इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो माना जाता है, यानी कि इंटरनेशनली मतलब जैसे इसके जो जजमेंट वगैरह होता है, हालांकि इसके जजमेंट भी बाइंडिंग नहीं है, यानी कि अगर ये कोर्ट जो है जैसे कि कोई जजमेंट देती है, किसी को बोल देती है कि नहीं आपने गलत किया है, तो कोई कंट्री जो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसको मतलब ऑफिशियली जो है वो कुछ ऐसा बाइंडिंग प्रोसीजर नहीं होता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका केस कोई होता है, खुदा ना खास्ता आपका कभी केस हो इन फ्यूचर,
बट अगर होता है तो उसमें जो भी इंडिविजुअल जो है, अगर आप केस लड़ रहे हो किसी के साथ और किसी सामने वाले को जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये गिल्टी है, तो उस इंडिविजुअल को सजा होती है. बट यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केसेस के बीच में जो भी जजमेंट आईसीसी के द्वारा दिया जाता है, उस जजमेंट में कोई ऐसी सजा का प्रावधान नहीं है, प्रोविजन नहीं है, राइट, और ना ही कुछ ऐसा लीगल एक्शन लिया जाता है. बट हाँ, इंटरनेशनली इसको जो है वो, जैसे कि अगर किसी कंट्री के खिलाफ आईसीसी ने जो है वो कोई जजमेंट दे दिया, गिल्टी साबित कर दिया किसी कंट्री को, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को, तब क्या होता है कि उस कंपनी की इमेज जो है वो इंटरनेशनली थोड़ी सी गिरने लगती है, और इंटरनेशनली फिर दबाव होने लगता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, फोरम में, सबमिट वगैरह में. समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर रखिएगा, आईसीसी के जो जजमेंट जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं. और साथ ही साथ गाइस इसमें बताया जा रहा है, इट कैन ओनली डील विद क्राइम्स कमिटेड आफ्टर 1 जुलाई 2002, यानी कि 2002 के बाद जितने भी क्राइम होंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसी पर ये डील करती है, और 2002 से पहले वाले क्राइम्स पर ये डील नहीं करेगी. उसका रीजन ये है कि 2002 में जो है वो उसको एस्टैब्लिश किया गया था रोम स्टैट्यूट के द्वारा, राइट. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. लीमा 2019 की बात करें तो INS कदमाट जो है गाइस, ये मलेशिया लंकावी में जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है लीमा 2019 में. ये हमारा INS कदमात जो है, और ये लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन है, इसको लीमा हम लोग बोलते हैं गाइस, और हर दो सालों में, सॉरी हर छः छः महीने में जो है ये होता है ये पर्टिकुलर एग्जीबिशन, और 1991 से ये हम लोग को देखने को मिल रहा था. तो इसमें हमारा जो एक नेवल शिप है ये INS कदमात, तो ये गया हुआ है पार्टिसिपेट करना है. एक्सरसाइज अलनागा 3 2019 की बात करें तो थर्ड एडिशन है ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, इंडियन आर्मी और रॉयल ओमान आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, और ये अभी रिसेंटली ओमान में हुई थी. अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 की बात करें तो ये ऑन द मिलिट्री स्टेशन जो पुणे में है वहाँ पर ये कंडक्ट की गई थी, और यहाँ पर गाइस बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन माइन असिस्टेंस एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन का, तो उसके तहत जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, राइट. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव जो है वो मिल गई है हम लोग को, ये डेड सी जो है, डेड सी कहाँ पर है गाइस? डेड सी है इसराइल के पास. आप थोड़ा सा मैप पे जाके इसराइल को देखिएगा, वहाँ पर जो है वो हम लोग को डेड सी देखने को मिलता है. तो वहाँ पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव जो है वो अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है, और इससे पहले वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव का टाइटल या खिताब जो था वो ईरान के पास था, और ईरान के अंदर एक केव थी 3 न्यूड्स ऑफ क्वेशम आइलैंड के नाम से. तो ये जो केव थी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉल्ट या लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव के नाम से जानी जाती थी. अब ये खिताब जो है वो मिल गया है इसराइल को, राइट, उस डेड सी के पास ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव हम लोग को दिखाई दे रही है. मलहम सॉल्ट केव जो है ये माउंट सैडोम में है, कुछ कुछ सॉल्ट केव के नाम भी आपको पता होना चाहिए, राइट, और ये डेड सी के हिस्से में ही है हम लोग को. तो आपसे डायरेक्टली मलहम सॉल्ट केव का नाम पूछ लिया जा सकता है कि ये नाम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव है, 170 मीटर्स जो है सी लेवल से नीचे हम लोग को देखने को मिलती है डेड सी के टिप में, राइट. 10 किलोमीटर लंबी है ये मलहम सॉल्ट केव, ये वाली चीज़ बताई जा रही है. नूर सुल्तान की बात करें, कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल अस्ताना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान जो है वो नाम रख दिया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली नूर सुल्तान नजरबायेव जो है गाइस, ये लीडर जो थे इनके कजाकिस्तान के, तो इन्होंने 30 सालों तक जो है वो यहाँ पर राज किया था, कजाकिस्तान के लीडर थे ये, राइट, और उसके बाद फिर जैसे ही इन्होंने छोड़ा तो उसी समय अस्ताना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान नाम रखा, उनको सम्मानित करते हुए या फिर कमोमरेट करते हुए, राइट. तो ये हो गया अपना पिलर पहला कंप्लीट. दूसरा आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का, कुंभ मेला 2019, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 जो है ये, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है. 3 सेक्टर्स में इसका नाम जो है वो शामिल किया गया है. लार्जेस्ट ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान के तौर पर जो है इसका नाम शामिल हुआ है. बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज यहाँ पर हुई थी, जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए थे उन्होंने मिलकर पेंटिंग करी थी, और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे गाइस. आपको पता होगा कुंभ मेला में लाखों की संख्या में आते हैं, तो प्रयागराज में हुआ था ये कुंभ मेला. और मेला जो है गाइस ये ऑलरेडी 2017 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में भी शामिल है, राइट. तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा. बात करेंगे इस डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स के बारे में, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो रिलीज किया गया, यानी कि मार्टियर्स के लिए जो शहीद हैं हमारे गाइस, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो शहीद हो गए थे, जो सोल्जर्स, जो ब्रेव लीडर्स, तो उनको सम्मानित करते हुए ये डिक्शनरी जो है वो रिलीज की गई है. नवरोज की बात करें तो ईरानियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम लोग को नवरोज के दिन देखने को मिलता है, इसको नवरोज या नवरोज के नाम से भी जाना जाता है, राइट. इंडिया के अंदर जो पारसी कम्युनिटीज हैं गाइस, ये बेसिकली जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं और ये नवरोज को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, राइट. तो याद रखिएगा, नवरोज पूछ लिया जाए तो आपको बताना चाहिए कि ईरान का ये न्यू ईयर कैलेंडर है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर,
एक बहुत बड़ा मैसिव मेकओवर हम लोग को इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। पहली बार ये 1780 AD के बाद ये पहली बार हो रहा है इसका मेकओवर, यानी कि इसको जो है वो सही किया, मरम्मत वगैरह की जा रही है, इसमें मेकओवर किया जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। मराठा क्वीन जो थी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की, काफ़ी फेमस क्वीन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट एग्जाम में। तो इन्होंने इस टेम्पल को रेनोवेट किया था और इनके इस टेम्पल के आसपास के जो एरिया है उसको भी रेनोवेट किया था। उसके बाद फिर अब जाकर इसका मैसिव मेकओवर हम लोग को पहली बार देखने को मिल रहा है 1780 AD के बाद। 50 फीट का कॉरिडोर है ये गाइज, ये डायरेक्टली गंगा की मन्नी करने का और ललिता घाट को जो है वो कनेक्ट करेगा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल से। और यहाँ पर एक न्यूली बिल्ट म्यूजियम भी हम लोग को देखने को मिलेगा, एक नया नया म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है पिलग्रिम्स के लिए, ट्रैवलर्स वगैरह के लिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो भगवान शिव जी का टेम्पल है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ये ज्योतिर्लिंग हम लोग को देखने को मिलता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं देखते हैं, किसको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। नेक्स्ट पिलर आता है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का, स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात की जा रही है। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से आता है जिसमें इक्वी का मतलब होता है इक्वल और नॉक्स का मतलब होता है नाइट। तो इक्वल डे और इक्वल नाइट को जो है वो इक्विनॉक्स जो है वो बोला जाता है कि पूरी दुनिया भर में इस समय बिल्कुल 12 घंटे दिन होता है, यानी कि सूरज निकलता है और 12 घंटे दूसरे साइड पर रात होती है, यानी कि पूरे ग्लोब में जो है वो इक्विनॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ऑलमोस्ट 12 आवर्स एग्जैक्टली। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म है, इसको एक बार पढ़िएगा आप जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, जीसी लियोंग वगैरह पढ़िएगा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की बात करें तो मार्च 23 को ये ऑब्जर्व किया जाता है, 69th एनिवर्सरी हम लोग को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की देखने को मिली है। इसकी थीम है द सन अर्थ एंड द वेदर, राइट, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है गाइस, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर हम लोग को 193 देखने को मिलते हैं, 193 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सा है, यानी कि उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, मेंबरशिप है उनके पास। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 23 मार्च 1950 को और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन फॉर मेट्रोलॉजी की, वेदर और क्लाइमेट के मामले में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है वो काम करती है, राइट। और इसका सेक्रेटेरिएट हम लोग को जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर। बॉम्ब साइक्लोन याद रखिएगा, एक साइक्लोन है जिसका नाम है बॉम्ब, राइट, तो इसने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आ गई थी, बाढ़ वगैरह आ गई थी इस साइक्लोन के चलते। और बॉम्ब साइक्लोन जो है गाइस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हुआ था, यानी कि भवंडर वगैरह जो आया था हम लोग को देखने को मिला था, तो उसके चलते जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके चलते ये बहुत बड़ा बहुत मेजर जो है ये साइक्लोन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। और 24 मिली बार मात्र 24 घंटे में ये जो है वो गिर रहा था, यानी कि बहुत तेज़ी से इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही थी, काफ़ी तेज़ी से, राइट। बस इतना डिटेल में नहीं आएगा इसके बारे में, मेन चीज़ याद रखिएगा कि बॉम्ब साइक्लोन कहाँ पर नोटिस किया गया था, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में। फिलहाल आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो गाइस बताया जा रहा है कि हमारे पहले लोकपाल को अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष के नाम से भी इनको जाना जा रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये फॉर्मर जज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, एक है नाइस एग्रीमेंट, दूसरा है वियना और तीसरा है लोकार्नो एग्रीमेंट। नाइस एग्रीमेंट जो है वो जो रजिस्ट्रेशन जो है गाइस मार्क्स वगैरह के लिए, तो उसको इजी तरीके से आपको समझाऊं तो देखो गाइस जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके IPR का भी एक टॉपिक है, तो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें काफ़ी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, सिंबल हो गया और काफ़ी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आती हैं, पेटेंट्स हो गए, राइट, तो ये उसके बारे में यहाँ पर है। तो देखो अगर किसी को भी एक मार्क को जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है तो उस पर्पस के लिए नाइस एग्रीमेंट होगा इंटरनेशनल लेवल पर, राइट, और वियना एग्रीमेंट होगा जो फिगरेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो कोई लोगो हो गया किसी का या सिंबल हो गया किसी को, अपने सिंबल को या लोगो को जो है वो इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करके रखना है तो उसके लिए वियना एग्रीमेंट है। और तीसरा है लोकार्नो एग्रीमेंट, तो ये इंडस्ट्रियल डिजाइंस वगैरह के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे आईफोन है, आईफोन के पास जो है वो पेटेंट है कि जो मतलब पूरे ओवल टाइप के जो शेप्स होते हैं फ़ोन के उसका उसके पास पेटेंट है, इवन सैमसंग के पास भी पेटेंट है इस प्रकार का। तो ये अलग अलग जैसे पेटेंट नहीं होता कि हमारा फ़ोन जो है वैसा होगा तो उसने पेटेंट करवा के रखा हुआ है, राइट, तो वैसे जो डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं उसका भी पेटेंट एप्पल वगैरह के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो इजी तरीके से एग्जांपल मुझे पता है कि थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल नहीं है, ये आपको क्लियर हुआ नहीं होगा, बट ये चीज़ याद रखो कि इंडस्ट्री में जो भी चीज़ डिज़ाइन की जाती है, जैसे कि कोई बाइक हो गई तो किसी बाइक का डिज़ाइन जो है, जैसे लंबोगिनी हो गई कार, तो उसका डिज़ाइन बहुत शानदार है, राइट, तो लंबोगिनी के पास जो है वो उसका वो होगा मतलब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का पेटेंट होगा, राइट, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को सिक्योर करने के लिए इंटरनेशनली जो है वो लोकार्नो एग्रीमेंट किया जाता है।
राइट. तो ये तीनों एग्रीमेंट को जो है वो अप्रूवल दे दिया है हमारी कैबिनेट ने. इसके बेनिफिट यही होंगे कि इंडिया के अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली चीज़ें जो है वो प्रमोट होंगी काफ़ी ज़्यादा, और हमारे इंडियंस भी इंटरनेशनल लेवल पर अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स को जो है वो बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेंगे. अब गाइस नेक्स्ट पिलर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का. तो PSBLoansIn59Minutes.com तो ये वेबसाइट जो है अभी रिसेंटली रिलीज की गई है, हम लोग को देखने को मिला है, और ये लार्जेस्ट ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग को अब देखने को मिल रहा है, और इसको ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म क्रेडिट स्यूसी के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है राइट, कि ये लार्जेस्ट ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है. तो गाइज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो लोग हैं गाइज उनको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मात्र 1 घंटे के अंदर, यानी कि 1 घंटे से भी कम समय में जो है वो उनको मिल जाएगा. तो ये बहुत शानदार चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है. सिडबी और 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं ये लोन ऑफर करेंगी MSME को राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में जो इन्वॉल्व जो लोग हैं राइट, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं उनको. तो ये इस पर्टिकुलर लोन्स इन 59 मिनट्स के बारे में हमारे जो बजट जो है 2019 का उसमें भी जो है वो बताया गया था हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा. आप जानते होंगे कि बजट के समय पे हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस को जो है वो जॉइंटली एड्रेस करते हैं, और उस समय जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, बताते हैं. तो उसी समय उन्होंने ये इस चीज़ के बारे में बताया था, लोन्स इन 59 मिनट्स के बारे में भी राइट. तो ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है उन्हीं का ही एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है ये, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 करोड़ तक का लोन मात्र 59 मिनट्स के अंदर ही अंदर जो है वो लोगों का हो जाएगा, विद इन 59 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा भी नहीं लगना, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो डिसबर्स हो जाएगा. और पहले के समय पे 25 से 30 दिन तक लगभग लग जाते थे, और अब इस दिनों को जो है वो घटाकर 59 मिनट्स कर दिया है. हालांकि देखो अगर हम लोग एक्चुअल रियल टाइम में देखें तो 1 घंटे के अंदर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हाँ ये कह सकते हो आप कि बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि विद इन 2-3 आवर्स तो हम लोग मान सकते हैं कि इतने घंटों में तो आराम से लोगों का लोन जो है वो हो जाएगा राइट. और लोन जो है वो अगले 7 से 8 दिन में जो है वो डिसबर्स कर दिया जाएगा. तो ये देखो अप्रूवल करने की बात की गई है लोन की. अब लोन जो है वो एकदम अकाउंट में नहीं मिलेगा, अप्रूव होगा लोन, और फिर अगले 7-8 दिन में जो जिसने अप्लाई किया है लोन के लिए MSME ने उनको ये लोन मिल जाएगा. वाइट लेवल ATM क्या होते हैं? जो गाइस एक ऐसे ATM जो कि नॉन बैंक एंटिटीज़ के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, तो इसको वाइट लेवल ATM बोला जाता है. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. अब देखो गाइस जैसे कि आप SBI का आपके पास अकाउंट है मान लेते हैं, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसमें आप जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में जाकर अपना विड्रॉ कर लोगे कैश राइट. बट ऐसा ये वाइट लेवल ATM ऐसे ATM होते हैं वो उन कंपनी के होते हैं जिन कंपनी का कोई बैंक नहीं होता राइट. तो नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा ये ATM सेट किए जाते हैं तो उसको वाइट लेवल ATM बोला जाता है. तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा. RBI जो है गाइज ये इस प्रकार के वाइट लेवल ATM जो है वो हमारी कंट्री में लेकर आएगी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स के बारे में बात करें तो 115 कंट्रीज को जो है वो रैंक किया गया है इस इंडेक्स के अंदर. इसमें फोकस किया जाता है कि कौन सी कंट्री जो है वो पावर को, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जो है वो किस प्रकार से बचा रही है और किस प्रकार से सस्टेनेबल तरीके से पावर का उपयोग कर रही है राइट. और कैसे बचा रही है कि फ्यूचर में जो है वो कैसे इस एनर्जी का उपयोग कर पाएगी. तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान में रखी जाती है कि आज की रेट में कोई कंट्री जो है वो किस प्रकार से पावर को यूटिलाइज कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू वो एनर्जी को जनरेट कर रही है ज़्यादा, या फिर वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट है. और आप जानते हो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि कोयला जलाकर पावर को जनरेट करना, डीजल जलाकर, पेट्रोल जलाकर, तो अब ये जो फॉसिल के माध्यम से जो है वो पावर जनरेट की जाती है तो आप जानते हो कि उससे कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है राइट. इससे हमारे क्लाइमेट चेंज को कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है. तो ये देखती है कि कौन सी कंट्री आज की रेट में जो है वो पावर को जनरेट करने के लिए क्या तरीके निकाल रही है और इन फ्यूचर उनके पास क्या प्लान है पावर को जनरेट करने का राइट, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को जो है वो सस्टेन करने का. तो उसको देखकर ये रैंकिंग रिलीज करती है. इसकी रैंक की अगर हम लोग बात करें, सर्वे की बात करें, तो इसमें स्वीडन जो है गाइस वो उसने टॉप स्थान जो है वो हासिल किया है, उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड और फिर नॉर्वे. 27th स्थान है यूनाइटेड स्टेट्स का, इंडिया का 76th है, इंडोनेशिया का 63 और बांग्लादेश का 90. अब गाइस बात हो रही है मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स सर्वे के बारे में. तो इस मॉन्स्टर इंडिया नाम की एक कंपनी है गाइस, आपने एड्स वगैरह देखे हुए काफ़ी सारे की वेबसाइट बनाई है फ्री में मॉन्स्टर इंडिया में राइट. तो ऐसे ही आपने कई सारे इसके ऐड देखे होंगे, तो ये वही कंपनी है. इसने paycheck.in और IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर जो है वो एक सर्वे किया था, मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स सर्वे के नाम से ये सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इस सर्वे का टाइटल रखा था वुमेन ऑफ इंडिया इन कॉरपोरेशन राइट. तो देखो गाइस ये वुमेन ऑफ इंडिया के ऊपर सर्वे है, यानी कि जो हमारे इंडिया की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर सर्वे है, और इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि हमारे इंडिया में
महिलाओं को मेल के कंपैरिजन में कितनी सैलरी दी जाती है। तो ये गाइज एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को इनके सर्वे में देखने को मिल रहा है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बताया हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर मेल के मुकाबले फीमेल्स को, वुमेन को जो है वो 19% कम सैलरी दी जाती है। राइट, अगर एक घंटे में किसी महिला को कुछ काम करना है और सेम काम जो है वो किसी मेल पर्सन को करना है एक घंटे के लिए, जैसे मान के चले एग्जाम्पल के तौर पर, तो मेल को जो है वो ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे और फीमेल को कम पैसे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है। और जो इंडियन वुमेन जो है गाइस, वो वर्क प्लेस पर 60% वर्किंग वुमेन जो है इंडिया के अंदर, वो वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फील करती हैं। आईटी कॉरिडोर इन चाइना, इंडिया ने लॉन्च किया है तीसरा आईटी कॉरिडोर चाइना के अंदर। पार्टनरशिप हुई है इंडिया और चाइनीज कंपनी के साथ, और इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो नासकॉम जो है गाइस, हमारी इंडिया की कंपनी, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इन्होंने पार्टनरशिप करी है चाइना की जुहाऊ सिटी की एक कंपनी है उसके साथ, और इसी के थ्रू यहां पर एक आईटी कॉरिडोर जो है वो बनाया हुआ है। बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 के बारे में, तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है गाइस, उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 जो है वो अभी रिसेंटली दिया था, और इसमें इंदौर को जो है वो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड का टैग मिला है। अहमदाबाद जो है उसको भी क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड का टैग मिला है विद पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। और उज्जैन जो है गाइज, ये बता रहे हैं कि जो 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो आबादी है उसमें उज्जैन जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वो सामने आई है, और भोपाल जो है ये क्लीनेस्ट कैपिटल के रूप में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश की 3 सिटीज़ जो है गाइज वो इसके अंडर आ गई हैं, भोपाल, उज्जैन और इंदौर, राइट, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के अंदर। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और गौचर जो है गाइज, ये क्लीनेस्ट गंगा सिटी के नाम पर हम लोग को देखने को मिल रही है, नमामि गंगे कैंपेन के अंडर जो है वो उसको सेलेक्ट किया गया है। और छत्तीसगढ़ जो है गाइज, ये टॉप नंबर पर है बेस्ट फॉर परफॉर्मिंग स्टेट्स के मामले में। झारखंड जो है वो दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। तो देखो सिटी वाइज जो है वो अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड बढ़ते हैं, सिटी के परस्पेक्टिव से अलग बढ़ते हैं, आबादी के परस्पेक्टिव से अलग अवार्ड देखने को मिलते हैं, स्टेट के परस्पेक्टिव से अलग देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के अवार्ड ये हम लोग को देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पिलर आता है एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज का। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है गाइज, यहाँ पर ऑटर सेंसस किया गया है। ऑटर गाइज, ये आप देखो उसका ऑटर का फोटो होगा, ये देखो ये आपको ऑटर दिखाई दे रहे हैं, ये हम लोग को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के स्पीसीज देखने को मिलते हैं ऑटर। और इनका सर्वे किया गया था, और ये पहली बार उत्तर प्रदेश में ऑटर का सर्वे हुआ था। ऑटर सेंसस हम लोग को पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और याद रखिएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो न्यूज़ में ये जितने भी आते हैं उन पर थोड़ा ध्यान रखना है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है कि नेपाल के साउथ में। अगर आप नेपाल को देखोगे, नेपाल के साउथ में आपको दिखाई देगा, हिमालयस के फुट हिल्स में। लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाइगर रिजर्व है, राइट। यहाँ पर वेरियस स्पीसीज हैं, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, एलिफेंट्स हो गए, और भी कई सारे स्पीसीज हैं, मंकी के, डियर के, रेप्टाइल्स भी बहुत सारे हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल हैं, राइट। और ऑल्टर का याद रखिएगा कि IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ये पहली बार 2012 में किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 मार्च जो है ये डिसाइड किया था कि इस दिन डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और 2019 की थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, लर्न टू लव फॉरेस्ट। हम्प बैक्ड मशीर, आप देखो ये मछली देखो कितनी बड़ी मछली, 4 लोग इस मछली को जो है वो पकड़े हुए हैं, राइट, यानी कि एक आदमी से ये मछली पकड़ाएगी नहीं, इतनी बड़ी मछली जो है वो हम लोग को मिली है। इस मछली का नाम है हम्प बैक्ड मशीर, राइट। तो ये कावेरी नदी पर जो है वो पाई गई है, और IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस की ये मछली हम लोग को देखने को मिलती है। और लार्ज फ्रेश वाटर फिश है ये, और इसको टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ ये कावेरी रिवर बेसिन पर पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ कावेरी रिवर बेसिन पर, और साथ ही साथ केरला के पाम्बार, काबिनी और भवानी रिवर्स पर भी ये हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट मोस्टली जो है वो कावेरी रिवर बेसिन जो है ये केरला के अंदर ये जो नदियाँ हैं यहीं पर ही मिलती है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है ये, और टाइगर से ज़्यादा थ्रेटेंड है, यानी कि टाइगर से ज़्यादा इन मछलियों को जो है वो खतरा है, इस पर्टिकुलर मछली को, राइट। और इसका साइंटिफिक नेम जो है ये है तोर रामा देवी, नाम याद रखिएगा, राइट। तो इसका ये साइंटिफिक नेम है। 229 स्पीसीज जो है गाइज वो अभी रिसेंटली ऐड की गई है रेड लिस्ट के अंदर, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, और उनमें से एक ये स्पीसीज हम लोग को देखने को मिली है। और भी काफ़ी सारी स्पीसीज हैं जिनको ऐड किया गया है, जैसे हॉर्नबिल हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हॉर्नबिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इसको अभी डाला गया है, पहले जो था ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में था,
राइट, और इसको वृत्त हॉर्नबिल जो है ये हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि इस वृत्त हॉर्नबिल जो है इसका नाम है, राइट, और इसको लीस्ट कंसर्न से वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो हॉर्नबिल एक बार देखिएगा आप, हॉर्नबिल एक चिड़िया हम लोग को देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये, राइट, तो इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को, इसकी थीम थी लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड, राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करेंगे इस जनरल साइंस पिलर की, तो वेस्ट नाइल वायरस की यहाँ पर बात हो रही है। 7 साल का एक छोटा सा बच्चा है गाइस केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में, उस बच्चे को जो है इस वेस्ट नाइल वायरस हुआ है, और मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है, एक मॉस्कीटो के काटने से होता है, और ये मॉस्कीटो जो वायरस फैलाता है वो फ्लेविवायरस जीनस का बिलोंग करता है, राइट, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये ज़्यादातर रिपोर्ट किया जाता है ये वेस्ट नाइल वायरस, और इस वायरस से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और इवन डेथ तक हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ये वायरस है, और कॉमनली अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया में देखने को मिलता है। चिड़िया और मॉस्कीटोज़, जो मच्छर वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, और चिड़िया और इन मच्छरों के, मॉस्कीटोज़ के बीच में जो है ये वायरस ट्रांसमिट होता है, बट उसके अलावा ह्यूमन हॉर्सेस और भी कई सारे मैमल्स को ये इन्फेक्ट कर देता है। रेयर डिजीज़ डे की बात करें तो 28 फरवरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है गाइस, और रेयर डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है क्रॉनिक डिजीज़ को ख़त्म करने पर, रेयर डिजीज़ को ख़त्म करने पर, राइट, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। 28 फरवरी को जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एबल प्राइज़ की बात करें गाइस तो कैरन ओलेनबेक जो है ये अमेरिकन मैथमेटिशियन है, ये पहली महिला बन गई है जिनको एबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। एबल प्राइज़ की बात करें तो नील्स हेनरिक एबल गाइज ये नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन है, 19वीं सेंचुरी के, इन्हीं के नाम पर जो है ये अवार्ड का नाम जो है वो रखा गया है, एबल प्राइज़ है, एबल अवार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। ओस्लो गवर्नमेंट ने 2002 में इस प्राइज़ को जो है वो इस्टेब्लिश किया था, और हर साल ये प्राइज़ जो है वो मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। साथ ही साथ फील्ड मेडल्स दिया जाता है, फील्ड मेडल्स जो होते हैं गाइज ये हर 4 सालों में एक बार दिए जाते हैं, ये कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा दिए जाते हैं, IMU के द्वारा, और ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस मैथ्स प्राइज होता है, फील्ड्स मेडल, राइट, और अभी तक सिर्फ एक ही महिला को फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है मरियम मिर्जा खानी, ये ईरान से बिलोंग करती हैं, और 2014 में इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में बात करें तो 3 रिसर्चर हैं, योशुआ बेंजियो, जियोफ्रे हिंटन और यान लीकन, तो ये 3 रिसर्चर्स हैं, इनको 2018 का ट्यूरिंग अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड जो है गाइज ये नोबल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग या ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की या कंप्यूटर मशीनरी की जो फील्ड होती है उसी की एक्सेलेंस के तौर पर जो है वो इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा दिया जाता है, और एक इंडिविजुअल को दिया जाता है जो मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर फील्ड में जो बहुत शानदार अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, टेक्निकल कंट्रीब्यूशन वगैरह, मेजर टेक्निकल इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनको ये दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ की बात करें तो 2016, 17 और 18 का ये प्राइज़ जो है वो अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। ये अवार्ड जो है वो नेशनल साइंस डे के दिन दिया जाता है, और ये अवार्ड जो है गाइज ये 7 कैटेगरीज में दिया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, राइट, तो ये 7 अलग अलग डिसिप्लिन हैं, कैटेगरीज हैं जिसमें इस अवार्ड को दिया जाता है। प्राइस के बारे में बात करें गाइज तो CSIR के द्वारा ये प्राइस दिया जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, राइट, तो यानी कि CSIR जो है ये नाम देती है, और उसके बाद फिर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है फिर उन अवार्डीज को जो है इस प्राइस से सम्मानित करते हैं। अब गाइस ये बताया जा रहा है कि ये जो फाउंडर थे शांति स्वरूप भटनागर, तो उन्हीं के नाम पर ये प्राइस का नाम है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइस, राइट, तो ये जो थे वो CSIR के फाउंडर थे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फाउंडर थे, और इन्हीं के नाम पर जो है ये प्राइस का नाम रखा गया, और पहली बार 1958 में इस प्राइस को दिया गया था। और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो इंडियंस हैं गाइस जो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करते हैं साइंस की फील्ड में, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं जैसे कि MS स्वामीनाथन, CNR राव, ये भी इस अवार्ड के रेसिपिएंट हो चुके हैं, यानी कि इनको भी ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है। अब बताया जा रहा है कि ब्रिटिश रॉयल मिंट जो है गाइस उन्होंने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग को श्रद्धांजलि देते हुए 50 पेंस का कॉइन जो है वो लॉन्च किया है, राइट, और इस कॉइन में हम लोग को ब्लैक होल्स देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक होल्स गाइज आप जानते हो कि स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की थ्योरी के बारे में बताया था, ब्लैक होल्स के बारे में बताया था, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टीफन हॉकिंग बता चुके थे, इवन एलियंस के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करी थी, उसके बारे में भी बताया था, और भी काफ़ी सारी इनकी
जो है वो रिसर्च हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इनका नाम भी इस कॉइन में लिखा हुआ है, स्टीफन हॉकिंग करके, तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए इस कॉइन को रिलीज किया है। अब और भी मिसलिनियस न्यूज़ की बात करें तो आई पे की यहाँ पर बात की जा रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने लॉन्च किया है IRCTC आई पे। तो गाइज आप देखो IRCTC के अंदर जैसे कि फूड वगैरह हम लोग को ऑर्डर करना पड़ता है, यानी कि ट्रेन में खाना मंगवाना पड़ता है, राइट। तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप ट्रेन की टिकट्स वगैरह अपनी डाल देते हो, यानी कि PNR नंबर डालते हो, अपना सीट नंबर डाल देते हो, तो आपका खाना जो है वो आपके सीट तक आ जाता है। तो उसके लिए जो पेमेंट जो है वो गाइज अब ये IRCTC आई पे के माध्यम से किए जा सकेंगे। और इवन जैसे कि हम लोग जब IRCTC पे ट्रेन की टिकट्स वगैरह बुक करते हैं तो उसमें भी आप खुद का IRCTC आई पे के माध्यम से जो है वो पेमेंट रिसीव होगा IRCTC को, राइट। तो ये IRCTC आई पे याद रखिएगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को। 1962 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने पहली बार कंज्यूमर राइट्स की डेफिनेशन दी थी, और इसीलिए 15 मार्च को जो है वो इस दिन से ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन की थीम यानी कि 2019 की जो थीम थी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की, तो ये थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया की बात करें कीफी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने प्रोविजनल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है कूडो को, यानी कि कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया को, कीफी को, और ये नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब बात करें स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट के बारे में, तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट ने दुनिया भर के 100 बेस्ट एयरपोर्ट के नाम जो है वो शामिल किए हैं, बताए हैं, राइट। और इसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड किंगडम की एक कंसल्टेंसी फर्म के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है स्काईट्रैक्स, जो कि अपनी वेबसाइट में दुनिया भर की एयरलाइन कंपनीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको रिव्यू करती है और उनको रैंकिंग ऑफर करती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है ये दुनिया का बेस्ट एविएशन हब है, और लगातार 7 बार से, यानी कि 7 सालों से आप बोल सकते हो, लगातार 7 बार से सिंगापुर का ये चांगी एयरपोर्ट जो है ये टॉप नंबर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और न्यू दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, इसकी रैंक 59 है, तो हमारा इंडियन एयरपोर्ट जो है वो भी इसमें जो है वो शामिल हो चुका है। अब हम लोग मेंस के करंट अफेयर्स की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को। तो पहले हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में। तो पहला पिलर आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। इडुकी मारायूर जैगरी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिल गया है। मारायूर जैगरी, जैगरी यानी कि गाइस गुड़ होता है, राइट। तो ये इडुकी डिस्ट्रिक्ट जो है केरला के अंदर, ये वहां पर ये गुड़ जो है वो बनाया जाता है, राइट। जैगरी जो है वो बनाई जाती है ट्रेडिशनल तरीके से, और हैंडमेड ये जागरी होती है, हाथों से बनाते हैं इस गुड़ को, राइट। और इसका टेस्ट भी काफ़ी शानदार होता है, काफ़ी अलग होता है, तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिल गया है। तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। मारायूर जागरी की बात करें तो मारायूर जो है ये एक बेसिकली टाउन है इडुकी डिस्ट्रिक्ट में केरला की, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, और वन ऑफ द स्वीटेस्ट जागरी है ये, राइट, जो कि इडुकी में प्रोड्यूस होती है। इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं मिलावट होती, यानी किसी भी प्रकार के केमिकल्स को मिलाया नहीं जाता है इसको बनाने के लिए गुड़ को, राइट। आप देख सकते हैं इसकी फोटो गुड़ की, और ये मात्र और मात्र शुगर केन से बनता है, और ये अपने ट्रेडिशनल तरीके से इसको बनाते हैं, और ना ही ये कोई फैक्ट्रीज वगैरह में बनता है, ये बिल्कुल हाथ से जो है वो यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो उसको बनाते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पोर्शन में से एक हम लोग को देखने को मिलता है जनरल स्टडीज पेपर 3 में, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, राइट। और मैं काफ़ी बार आपको जो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ तो उसमें मैंने आपको पढ़ा चुका है, और आज की डेट में मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है ओनली करंट अफेयर्स के नाम का, वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस किया करता था, अब मैंने वहाँ पर वीकली एनालिसिस शुरू कर दी है, और उसमें काफ़ी डिटेल में मैं पूरी की पूरी न्यूज़ को बताता हूँ, हर एक चीज़ हम लोग कवर करते हैं उसमें, और एक बार आप जाके उसको देखिएगा। और स्पेशली वो लोग जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर जाकर ओनली करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा कि सर सब्सक्राइब्ड। अब देखिए एरिक नट की बात की जा रही है, इसको हम लोग सुपाड़ी बोलते हैं, जिसको बीटल नट्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सुपाड़ी जो है तो एक सिरसी सुपाड़ी है, इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है। पहली बार किसी सुपाड़ी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, और इस सुपाड़ी का नाम है सिरसी सुपाड़ी, राइट। तो ये सिरसी सिद्धापौर येला पुर तालुक जो है उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, ये हम लोग को देखने को मिल रही है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पर ये सुपाड़ी जो है वो बनाई जाती है, राइट। वहाँ पर उगती है बेसिकली ये सुपाड़ी, तो इसीलिए इसको जो है वो, यानी कि एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग उन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मिलता है जो प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लोकेशन पर ही उगते हैं, या उनका प्रोडक्शन होता है, या उनको बनाया जाता है वहाँ पर, ठीक है।
तो ये कर्नाटका के अंदर एक उत्तर उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये वहाँ पर ये एक सिसरी नाम की एक जगह है, राइट। अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है, तीन चार जगह हैं, तो वहीं पर से ही ये सुपारी जो है वो उगती है और वहीं से ही इसका प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और कर्नाटका से 7% सुपारियों का प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में, और सीरी सी सुपारी देखो ये दिख रही है आपको, राइट। और इंडिया का, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सुपारी के मामले में, और साथ ही साथ कंज्यूमर भी है, काफ़ी सारे लोग पान में सुपारी को लगाकर खाते हैं। अब गाइस ये सुपारियाँ जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादातर कर्नाटका में, केरला में, असम, तमिलनाडु, मेघालय और वेस्ट बंगाल में कल्टीवेट की जाती है। बिहार दिवस मार्च 22 को ऑब्जर्व किया जाता है, 107वां फाउंडेशन डे था ये बिहार का मार्च 22 को, और पहली बार ये लार्ज स्केल में 2010 को सेलिब्रेट किया गया था, राइट। तो बिहार के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानिएगा कि बिहार जो इसका ओरिजिन हुआ है, और जो लोग बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा थोड़ा। अब बात करेंगे इस गोरखास के बारे में, तो देखिए ब्रिटिश आर्मी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक नई स्पेशलाइज इन्फेंट्री बटालियन जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें वो 800 नेपाली गोरखास सर्विस पर्सन को रिक्रूट करेंगे इस साल, 800 से ज़्यादा। और गोरखास ब्रिटिश आर्मी के अंदर 3% लगभग हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि 3% जो सोल्जर्स हैं ब्रिटिश आर्मी में वो गोरखास हम लोग को देखने को मिलते हैं। गोरखास बेसिकली नेपाल के अंदर हम लोग को एक कम्युनिटी देखने को मिलती थी, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया था गाइस, तो उसी समय का पीरियड है 1814 से 16 का, इस समय एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था, और इस एंग्लो नेपाली वॉर में गोरखास शामिल थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है वो गोरखास थे, और गोरखास की मदद से ही नेपाल, एंग्लो नेपाली वॉर जो हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विक्टोरियस हुई थी, यानी कि उसने जीत हासिल कर ली थी, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने उसी समय फिर डिसाइड किया कि अब से गोरखास जो होंगे वो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ेंगे, और क्योंकि इंप्रेस हो गए थे काफ़ी ज़्यादा उनके जो गोरखास जो थे गाइज, उनकी स्किल्स काफ़ी शानदार थी, मार्शल आर्ट स्किल्स थी उनके अंदर, राइट। इवन आज भी काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, राइट, फाइटिंग्स वगैरह में, राइट, बटालियंस वगैरह में, लड़ाई झगड़े में, तो ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से इंप्रेस होकर ब्रिटिश आर्मी ने डिसाइड कर लिया था कि अब से ये गोरखास को रेगुलर बेसिस पर ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट करेंगे, राइट। और इवन वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में भी गोरखास जो है वो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़े थे। और इसके अलावा क्या हुआ था गाइस कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली फिर 1947 में, तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया कि जो गोरखास के जो 10 रेजिमेंट इतने ब्रिटिश आर्मी ने बनाए हुए थे, तो वो किस प्रकार से जो है वो काम होगा उसका। तो इसमें ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल का एक एग्रीमेंट हुआ था, इन तीनों कंट्रीज़ का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th और 10th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट जो है वो इंडिया को दे दिया गया था, 2nd, 6th, 7th और 10th रेजिमेंट ब्रिटेन को दे दिया था। और 1948 में इंडिया ने एक और 11वां गोरखा राइफल्स रेजिमेंट जो है वो बनाया, राइट। और ये क्यों बनाया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे गोरखास थे जो जिन्होंने इनकार कर दिया था ब्रिटिश आर्मी में जाने से, तो ये 11th गोरखा राइफल्स में वो थे हम लोग को देखने को मिला था, वो गोरखास जो कि जिन्होंने इग्नोर, यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया था वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी के पास आने से। और ब्रिटिश आर्मी जो है गाइस, इनके पास थे 4 रेजिमेंट जो मैंने भी आपको बताया, 2nd, 6th, 7th और 10th, तो ये ब्रिटिश आर्मी के पास थे ये 4 रेजिमेंट, और इनको मिलाकर ब्रिटिश आर्मी ने रॉयल गोरखा राइफल्स रेजिमेंट जो है वो बना दिया। और रॉयल गोरखा रेजिमेंट जो है गाइस, ये हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्रिटेन की तरफ से जितनी भी एशिया की कॉलोनीज है वहाँ पर तैनात थे ये, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, राइट, और वहाँ वहाँ पर इनको तैनात कर दिया गया था। और इसके अलावा इवन आज भी नेपाल के अंदर जो ब्रिटिश रॉयल कैंप या ब्रिटिश आर्मी कैंप जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर गोरखास जो है वो तैनात हैं और इनको रिक्रूट भी किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक और नया स्पेशलाइज इन्फेंट्री बटालियन जो है ये क्रिएट कर रही है ब्रिटिश आर्मी, जिसमें और भी ज़्यादा नेपाली गोरखास सर्विस पर्सन को जो है वो रिक्रूट करेगी है। और इतने ज़्यादा इंप्रेस थे गाइज ये गोरखास से कि हम लोग को देखने को मिला कि अभी तो हर साल ये रिक्रूट करते ही हैं, मतलब ब्रिटिश गोरखा कैंप में, जो कि पोखरा की बात की जा रही, पोखरान तो गाइज हमारे इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है, पोखरान आपको याद होगा, पोखरान स्माइलिंग बुद्धा, हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो पोखरान में कंडक्ट किया गया था, तो एकदम से आ गया था, मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। तो क्वीन एलिजाबेथ टू जो थी गाइज ब्रिटेन की, उनके पास 2 पर्सनल गोरखा ऑफिसर्स भी थे, यानी कि इतने ही ज़्यादा इंप्रेस थे ये गोरखा से कि ब्रिटिश की क्वीन ने अपने पास 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो है उनको गोरखा को रखा था, राइट। तो ये काफ़ी शानदार थे ये, क्योंकि इनकी टैक्टिकल स्किल्स बहुत शानदार थी। रामकृष्ण परमहंसा के बारे में बात हो रही है गाइज, तो देखिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रामकृष्ण मठ या और रामकृष्ण मिशन जो है, इन्होंने अपनी एज ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को जो है वो तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब से रामकृष्ण जी की बर्थ एनिवर्सरी पर जो ये पहले फायरवर्क डिस्प्ले किया करते थे, अब उसको जो है वो डिस्प्ले नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेप जो है वो इनके द्वारा लिया गया है।
रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बात करेंगे। तो इनका नाम आपने स्वामी विवेकानंद जी के साथ सुना होगा, राइट। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है ये रामकृष्ण मत को जो है वो फाउंड किया था, राइट, फाउंडेशन रखा था इनका। और आप कई सारे रामकृष्ण आश्रम वगैरह देखते होंगे, राइट, न्यू दिल्ली में भी है। तो ये वही है पूरा, रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो स्वामी विवेकानंद जी से लिंक्ड है। जब भी स्वामी विवेकानंद जी की बात होती है तो रामकृष्ण जी की बात डेफिनेटली होती है। तो 19th सेंचुरी के बंगाल के अंदर ये एक साधु थे और काफ़ी सारे रिलीजियस ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस से जो है ये प्रभावित हुए थे, राइट। और उसी के बाद फिर इन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर दिया था, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो काफ़ी सारी चीज़ करना शुरू करी थी और अपनी लाइफ को जो है वो पूरी स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव प्रैक्टिस पर जो है वो छोड़ दिया था, इन्वॉल्व कर लिया था। अब देखिए सोशल इश्यूज़ की बात हो रही है, नेक्स्ट पिलर पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 की बात करें तो इंडिया के अंदर पोलियो इरेडिकेशन को सस्टेन करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है 2019 का, और जिसका मकसद यही है कि जो पोलियो जो डिजीज़ है उससे हमारे चिल्ड्रंस को, बच्चों को जो है, इंडियन चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करके रखना। और इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे इंडिया के लिए मास पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। दो कैंपेन्स ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और जिसमें पोलियो की ड्रॉप्स जो है वो पिलाई जाती है, अवेयरनेस की जाती है लोगों के बीच में कि पोलियो अपने बच्चों को पिलाएं, राइट। अमिताभ बच्चन जी भी आकर और वेरियस सेलिब्रिटीज़ वगैरह आकर जो है वो प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अब देखिए पोलियो ड्रॉप्स के अलावा एक इंजेक्शन भी लगाया जाएगा, इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसका नाम रखा गया है, और इसी को इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है ये पोलियो गाइज, और याद रखिएगा 2014 में इंडिया जो है वो पोलियो फ्री कंट्री जो है वो बन चुकी थी, राइट। और पोलियो फ्री रखने के लिए ही इंडिया को जो है वो ये पोलियो के प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ग्लोबल MPI 2019 रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। MPI क्या है गाइज, तो ये MPI का मतलब है मार्जिनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट। तो इसकी यहाँ पर बात हो रही है, राइट। और अब इस ये रिपोर्ट जो है ये प्रिपेयर करी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। इंडिया में बताया जा रहा है कि 2015 और 16 में 364 मिलियन पुअर पीपल जो है वो हम लोग को देखने को मिले थे, और 2005 और 6 के मुकाबले जब उस समय 635 मिलियन पुअर हुआ करते थे उनसे काफ़ी कम जो है वो गरीब हम लोग को इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। ये धीरे धीरे करके इंडिया में गरीब की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, जो गरीब जो है वो इनकम अर्न कर पा रहे हैं और वो सस्टेन कर पा रहे हैं, राइट। और बिहार जो है वो 2015-16 में पुअरेस्ट स्टेट के तौर पर हम लोग को देखने को मिली थी, और बिहार के अंदर आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में है, गरीबी में है। और इंडिया के चार पुअरेस्ट स्टेट हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ पर बताया जाता है कि जो मार्जिनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत जो पुअर पीपल्स हैं गाइस उनकी पॉपुलेशन 196 मिलियन है, राइट। और पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया की बताया जाता है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं स्टेट्स से बिलोंग करती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पुअर पीपल यहाँ पर बताए जा रहे हैं, राइट। झारखंड जो है गाइस वहाँ पर हम लोग को ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिला, झारखंड के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट था पुअर खत्म करने का, गरीबी खत्म करने का, पुअर खत्म करने का नहीं, गलत मत लेना, गरीबी खत्म करने का। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड नागालैंड, ये इसके बाद ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर गरीबी को खत्म करने पर फोकस किया गया है। अब बात करेंगे इस ग्लोबल MPI 2018 रिपोर्ट के बारे में। MPI का फुल फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो गाइज एक रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। तो गाइज इसमें पाया गया है कि इंडिया के अंदर अभी भी 2015 और 16 के अंदर, यानी कि इसको हाईलाइट किया गया है ईयर 2015-16 को, तो बता रहे हैं कि आज भी इंडिया के अंदर 364 मिलियन गरीब लोग जो है वो शामिल हैं। 2005 और 6 में इंडिया के अंदर 635 मिलियन गरीब लोग थे, और उससे ये हालांकि आंकड़ा जो है, फिगर जो है वो कम हो गया है, बट देन टू हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन जो है वो बताई जा रही है। बिहार जो है वो पुअरेस्ट स्टेट बताया जा रहा है 2015 और 16 में, जहां पर बोल रहे हैं कि बिहार की जो पूरी पॉपुलेशन है उससे, उस पॉपुलेशन में से आधे से ज्यादा लोग जो है वो गरीब हैं, राइट। पूरे बिहार में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है पूरे बिहार की वो गरीबी के अंदर आती, पॉवर्टी के अंदर। और चार पुअरेस्ट राज्य हैं हमारे इंडिया के, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां पर बताया जा रहा है कि आज भी 196 मिलियन गरीब लोग जो है वो शामिल हैं, राइट। और ये जो पर्टिकुलर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो ये चार स्टेट्स हैं, ये यहाँ पर इंडिया के आधे से ज़्यादा गरीब जो है वो हम लोग को इन चार स्टेट्स में ही देखने को मिलते हैं। इम्प्रूवमेंट की बात करें कि गरीबी कहाँ कहाँ पर कम हुई है, इम्प्रूव हुई है, तो ये झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और नागालैंड में कम हुई है। 2018 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हमने बात कर ली गई।
ये आप चाहे तो ये फ्लो चार्ट वगैरह से कुछ और चीज़ें भी स्टडी कर सकते हो डिटेल में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड ने टॉप किया है लगातार दूसरी बार। यूनाइटेड स्टेट्स की रैंक आई है 19। यूनाइटेड स्टेट्स गाइस वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, बट देन टू हैप्पीनेस के मामले में ये जो है वो काफ़ी कम है, यानी कि इतनी हैप्पीनेस कंट्री नहीं है ये। इंडिया जो है वो 148th प्लेस पे है और पिछले साल के मुकाबले 7 स्पॉट्स जो है, यानी कि 7 स्थान जो है वो हम लोग नीचे आ गए हैं। साउथ सूडान जो है ये मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है, मोस्ट अनहैप्पी कंट्री। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो 156 कंट्री की ये रैंकिंग रिलीज करती है, एनालाइज करती है कि कौन सी कंट्री के अंदर लोग बाग कितने खुश हैं या नहीं है, उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट बनती है। और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का हम लोग को देखने को मिलता है, तो उन्हीं के द्वारा ये रिलीज किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें तो मार्च 8 को हर साल ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की थीम है बैलेंस फॉर बेटर मोर पावरफुल टुगेदर, राइट। तो ये थीम्स जो हैं वो स्ट्रेस कर रही हैं कि जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट जाया जाए, यानी कि फाइट किया जाए जेंडर इनइक्वलिटी होगा यार, फाइट अगेंस्ट जेंडर इक्वलिटी की जो बात हो रही है और फेमिनिज्म की बात हो रही है, तो फाइट अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी होगी और फेमिनिज्म होगा। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट फाइट वो तो गलत होगा, जेंडर इनइक्वलिटी के अगेंस्ट फाइट जो है वो थोड़ा सही होगा, राइट। तो ये वही है बात हो रही है कि जेंडर इनइक्वलिटी जो आज की डेट में हम लोग फोकस कर रहे हैं, राइट, तो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट किया जाए और वुमेन को जो है वो और पावरफुल जो है वो बनाया जाए, फेमिनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए, राइट, प्रमोट किया जाए। मार्च 8 को ही क्यों इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो गाइस उसका रीज़न यह है कि सोवियत रशिया जो है यूएसएसआर जो था वहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था कि 1917 में महिला जो है वो खड़ी हुई और उन्होंने वोटिंग पावर्स जो है वो डिमांड करी और फिर उनको ये वोटिंग पावर मिली। तो रशिया के अंदर, सोवियत रशिया यूएसएसआर के अंदर 1917 में हम लोग को देखने को मिला कि राइट टू वोट जो है वो दिया गया था महिलाओं को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्ट्रेटजीज निकाली हैं कि कैसे फ्लू पैंडेमिक्स से लड़ना है, फ्लू वगैरह से लड़ना है। और इन्फ्लुएंजा जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। आप देखते होंगे बर्ड फ्लू हो गया या जो भी फ्लू जब होता है तब उससे कितने सारे लोग जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। पूरी दुनिया भर में बताया जा रहा है कि 1 बिलियन केसेस जो है वो हम लोग को देखने को मिले हैं और 3 से 5 मिलियन लोग जो है वो सीवियर तरीके से इन्फेक्ट हुए थे फ्लू के कारण, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि 2,90,000 से लेकर 6,50,000 इन्फ्लुएंजा रिलेटेड रेस्पिरेटरी डेथ हुई थी, यानी कि इतने सारे लोग आप बोल सकते हो कि 3 लाख से लेकर लगभग 7 लाख लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी इन्फ्लुएंजा के कारण, राइट। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है इन्फ्लुएंजा एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन को, और ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है इन्फ्लुएंजा से लड़ने का, यानी कि वैक्सीन को इन्होंने जो है वो रिकमेंड किया है कि वैक्सीन की मदद से इन्फ्लुएंजा से जो है वो लड़ा जा सकता है। जैसे कि पोलियो है, पोलियो वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है, तो वैसे ही इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए हर साल वैक्सीनेशन अगर करवाया जाएगा तो लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है और लोग को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है स्ट्रैटेजी 2019 से लेकर 2030 तक की कि कैसे इन्फ्लुएंजा से जो है वो लड़ना है, राइट। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा की बात करें तो 9 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक्स हम लोग को पिछले 300 सालों में देखने को मिले थे। अब इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक का मतलब एक इन्फ्लुएंजा ऐसा फैला कि वो ना ही सिर्फ राज्यों तक फैल गया, यानी कि जैसे कि राजस्थान की अगर हम लोग बात करें, कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा फ्लू जो है वो फैल रहा है, तो वैसे ही जैसे राजस्थान के बाद उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश गुजरात वगैरह, तो जैसे स्टेट टू स्टेट तो फैलता ही है बट कंट्री टू कंट्री फैलता है। साउथ अफ्रीका से कोई फ्लू जो है वो फैलना शुरू हुआ तो ये इसने साउथ अफ्रीका के जितने भी अफ्रीकन नेशन उसके आसपास के सभी को इन्फेक्ट कर दिया, राइट। इवन दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुँच गया, यूरोप तक पहुँच गया, एशिया तक आ गया, राइट। तो इस प्रकार से जो पैंडेमिक होता है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है इन्फ्लुएंजा हम लोग को देखने को मिलता है। तो 2009 में जैसे स्वाइन फ्लू फैला था, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तेज़ी से फैला था ये, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, काफ़ी बड़े पैमाने में लोग जो है वो उससे इन्फेक्ट हुए थे, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब लैंसेट कमीशन ऑन ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो गाइस ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस फ्री वर्ल्ड जो है वो बनाना है। और 3 हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित 3 कंट्रीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं, इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना। और कंपेयर किया जाए 2015 के डेटा के साथ तो एस्टिमेशन ये बताया गया है कि 2045 तक 57% रिडक्शन हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस में, और 72% मृत्यु जो होती है ट्यूबरकुलोसिस के चलते उसमें रिडक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है 2045 तक, राइट। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 10 मिलियन
नए ट्यूबरकुलोसिस के केसेस जो हैं ये रिपोर्ट किए गए थे पूरी दुनिया भर में 2017 में, और ये बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर 2.74 मिलियन केसेस जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के हम लोग को देखने को मिले, यानी कि 10 मिलियन से अगर आप 2.74 को राउंड ऑफ करके 3 मिलियन भी कर लो तो हम देख रहे हैं कि 30% पूरी दुनिया भर के ट्यूबरकुलोसिस के केसेस जो है वो इंडिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इंडिया जो है वो काफ़ी वल्नरेबल है ट्यूबरकुलोसिस के मामले में, इसलिए इंडिया जो है वो काफ़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, हाई बर्डन कंट्री की कैटेगरी में आ गई है इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना, राइट। तो इस प्रकार से थोड़ी एनालिसिस किया करो, इससे क्या होगा कि मेन्स आंसर राइटिंग में और अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। मार्जिनल रिडक्शन हुआ है 2016 की अगर हम लोग बात करें तो 2.79 मिलियन ट्यूबरकुलोसिस के केस थे हम लोग को देखने को मिला था, और 2.74 हुआ, यानी कि बहुत ही कम रिडक्शन हुआ है, राइट, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस को जो है वो खत्म करना है 2030 तक, ये गोल है, और इंडिया का याद रखिएगा इंडिया का गोल है ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का पूरी तरह से 2025 तक, यानी कि इंडिया फोकस कर रही है कि इंडिया के अंदर 2025 में ही ट्यूबरकुलोसिस इराडिकेट हो जाए। बट गाइस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि ये एम्बिशियस तो है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस गोल हमने ले लिया है, हम लोग जो है वो 2015 से लेकर अभी तक जो है वो कुछ ही केसेस जो है वो कम कर पाए, यानी कुछ हज़ार केसेस कम कर पाए लाखों की जगह, राइट, यानी कि 27 लाख केसेस में से आप कह सकते हो राउंड ऑफ तरीके से 27 लाख केसेस में से या 28 लाख केसेस में से आपने 28 लाख केसेस में से आपने मान लो कि आपने 60,000 केसेस जो है वो बस खत्म किए हैं, और आने वाले कुछ ही सालों पे आपको पूरी तरह से खत्म करना है ट्यूबरकुलोसिस को, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एम्बिशन, आपने एम्बिशन बहुत बड़ा बना लिया है, एम्बिशन इतना बड़ा है आपका कि आप एक महीने पढ़ के जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हो, तो ये एम्बिशन जो बड़ा होता है ये एम्बिशन अनरियलिस्टिक भी होता है। जैसे आप जानते हो कि एक महीने में कोई भी इंडिविजुअल सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक कर सकता, कोर्स बहुत वास्ट होता है, राइट, करने वाले फिर कर भी लेते हैं क्योंकि अब वो ऐसे करते हैं क्योंकि उनने पहले से बहुत सारी पढ़ाई करी होती है, टॉपर होते हैं 97-99% वाले लोग जो होते हैं, राइट। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो लोग कंपेयर करने लगे, नहीं सर पॉसिबल है एक महीने में ये करना वो करना, नहीं, उस जिसने भी क्रैक किया है उसके एक बार बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेना, कोई इंडिविजुअल ने जो है वो बिना कुछ पढ़े, ऐसे कोई एवरेज स्टूडेंट है बेचारे की परसेंटेज आ रहे हैं 50%, 55%, वो एक महीने पढ़ के सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर सकते, दैट इज द बेयर ट्रुथ, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आते हो तो एक्सेप्ट करो कि आपको एक साल डेढ़ साल तक कंटिन्यूअसली डेली 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ने हैं अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। तो 10% इंडिविजुअल हैं गाइज जिनकी ट्यूबरकुलोसिस के चलते जो है वो मृत्यु हुई थी, और ये भी बताया जा रहा है कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो है ये खत्म हो सकती है बीमारी, बट देन टू इसमें लोगों की मृत्यु हो रही है, राइट। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर है, इंडिया में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, राइट, काफ़ी ज़्यादा। इस पर जो है वो रिसर्च भी कंडक्ट की जा रही है, एक हब भी जो है वो अभी रिसेंटली क्रिएट किया गया है, राइट, एक ऐसा हब जो कि एशिया के पूरे जितने भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के जो केसेस होते हैं और ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, मेडिसिन वगैरह जो होती हैं, उस पर काम करेगा, रिसर्च करेगा, वो इंडिया के अंदर ही हम लोग को एक हब देखने को मिल रहा है, एशिया का हब। इंडिया को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है गाइज अपने डायग्नोसिस में, अपने ट्रीटमेंट में, और इवन ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बर्डन है पूरे दुनिया भर में ट्यूबरकुलोसिस का, इसके बारे में हमने बात करी। अब लैंसेट की बात करें जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, तो ये क्या करती है गाइज, ये हम लोग को देखने को मिलता है, एक बेसिकली वीकली जर्नल है ये, यानी कि एक मैगजीन है, वीकली मैगजीन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करती रहती है। तो इसी में ये ट्यूबरकुलोसिस को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के चलते होता है, एक बैक्टीरिया होता है ये, इसके चलते होता है, और ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है। क्यूरेबल भी है ये, प्रिवेंटेबल भी है, बट देन टू लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि लोग बाग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है हवा के माध्यम के थ्रू। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा ट्यूबरकुलोसिस का फॉर्म है जो कि एक ऐसे बैक्टीरिया से होता है जिस बैक्टीरिया को फर्स्ट लाइन एंटी ड्रग एंटी टीबी ड्रग जो है वो असर नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पेट दुख रहा है, आप दवाई खा रहे हो, तो क्या होगा गाइस, आपका पेट दुखना बंद हो जाएगा। बट यहाँ पर एक ऐसा टीबी की बात की जा रही है, एक ऐसे टीबी की बात की जा रही है जहाँ पर आप दवाई भी खा रहे हो बट देन टू आपका टीबी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा इशू हो गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का। अब देखिए 8 कंट्री है गाइस पूरी दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें जहाँ पर 2/3 केसेस हम लोग को ट्यूबरकुलोसिस के देखने को मिलते हैं, तो ये है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, तो टॉप 3 कंट्रीज़ तो हमने ऊपर भी बात करी थी थोड़ी देर पहले, और इसके अलावा फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये टॉप 8 कंट्रीज बताई जा रही हैं जहाँ पर 2/3 केसेस जो है वो हम लोग को पूरी दुनिया भर के ट्यूबरकुलोसिस के नजर आते हैं। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब गाइस बताया जा रहा है कि NABL ने लॉन्च करी है क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम को, जिसके माध्यम से बता रहे हैं कि जो छोटी छोटी पैथोलॉजिकल लैब्स वगैरह होती हैं हम लोग को देखने को मिलता है कि गाँव क्षेत्रों में या जो
छोटे इलाके होते हैं, टाउन्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर जो पैथोलॉजी लैब्स वगैरह होती हैं जहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग लैब्स में अलग अलग जो रिपोर्ट जो होती है उसमें वेरिएशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद से भी अगर आप जैसे किसी लैब में जा रहे हो उसमें अगर आप ब्लड टेस्ट अपना दे रहे हो और सेम टाइम पर अगर आप दूसरी लैब में जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको देखना कि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ वेरिएशंस डेफिनेटली दिखाई देगा, राइट। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए एक वॉलंटरी स्कीम जो है वो लॉन्च करी है NABL ने, और इस स्कीम का नाम है क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम, राइट। तो ये चीज़ पर फोकस किया जा रहा है जैसे कि डॉक्टर्स को रिलायबल मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके रिपोर्ट्स वगैरह में। और इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगले 5 सालों की बात की जा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो है वो लाए जाएंगे 5,000 से ज़्यादा लेबोरेटरीज में, राइट। इस पर फोकस किया जा रहा है कि हर जगह हमारी कंट्री में कहीं पर भी अगर आप टेस्ट वगैरह करवाएं तो आपको रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम मिलने चाहिए, राइट। एक्यूरेसी मिलनी चाहिए जिससे कि डॉक्टर जो होगा वो भी आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट जो है वो दे सके। कई बार क्या होता है कि लैब्स वगैरह में जब रिपोर्ट्स वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं तो उसके चलते डॉक्टर्स जो होते हैं गाइस वो मिस डायग्नोसिस कर देते हैं किसी चीज़ को, किसी बीमारी को। यानी ये आपने ब्लड टेस्ट कराया तो डॉक्टर को लगेगा कि फॉर एग्जांपल कि डेंगू टेस्ट मलेरिया टेस्ट आपने करा लिया, राइट। तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह को देख के अगर डॉक्टर को लगता है कि अरे हाँ यार इनको तो डेंगू हो गया तो वो आपका क्या डेंगू का ट्रीटमेंट करते रहेंगे, बट क्या पता आपको डेंगू ना हो, राइट। तो ये वाला एक इशू है। तो हालांकि मैंने एग्जाम्पल खराब दिया, डेंगू में तो ऑलरेडी प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाती है, सामने वाले की हालत बेचारे की खराब हो जाती है, राइट। बट देन टू मैं उसी तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी लैब्स को जो है वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जितनी भी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, राइट, तो उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि वहाँ पर हम लोग को एक्यूरेट फिगर्स जो है वो देखने को मिले रिपोर्ट्स वगैरह में। तो इस पर NABL जो है वो आज की डेट में काम कर रही है। NABL का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो जितनी भी हमारी लैब्स हैं इंडिया के अंदर तो उनको ये टेस्ट करती है, मॉनिटर करती है, देखती है कि वहाँ पर प्रॉपर क्वालिटी वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। वहाँ पर जो मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है क्या वो वेरीफाइड मशीन्स हैं, अच्छी मशीन्स हैं कि नहीं, राइट। तो उस पर फोकस किया जाता है, राइट। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये बोर्ड हम लोग को देखने को मिलता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, राइट। तो क्वालिटीज़ वगैरह को चेक करता है। अगर नेक्स्ट पिलर आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, तो यहाँ पर बात की जा रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो अभी हुआ क्या है इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये स्टोरी आपके काम की नहीं है। तो देखिए शिलोंग टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर हम लोग को देखने को मिलता है, शिलोंग के अंदर हम लोग को एक न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है पैट्रिका मुखीम। तो इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको 2,00,000 रुपये भरने पड़ेंगे क्योंकि मेघालय हाई कोर्ट के खिलाफ जो है उन्होंने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिखी थी अपने आर्टिकल्स वगैरह में, स्पेशली जो रिटायर्ड जजेस होते हैं और जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनके पर्क्स और फैसिलिटीज़ को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें लिख दी थी जो कि उनकी डिग्निटी के खिलाफ था, राइट। तो इसी को लेकर जो है वो इनको दोषी ठहराया गया और इनको कहा गया कि इनको 2,00,000 रुपये जो है वो जुर्माने के तौर पर भरने पड़ेंगे। और ना ही सिर्फ इनको, पेपर के जो पब्लिशर हैं शोभा चौधरी, इनको भी 2,00,000 रुपये जो है वो देना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की देखने को मिली। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखा है, तो देखो डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट यस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की यानी कि जो ये हम लोग देखते हैं तो ये कानून के थ्रू आता है, ये 1971 का एक कानून है उसके थ्रू बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मेंशन है। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 129 में हालांकि डायरेक्ट नहीं लिखा बट ये भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है और उसके पास सभी प्रकार की पावर है, राइट। इवन उसके पास ये भी पावर है कि कोई भी कोर्ट की तोहिन करता है, राइट, कंटेम्प्ट करता है कोर्ट को, कोर्ट की तोहिन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर तो है ही है, प्रोटेक्ट करता है, न्याय देता है, जस्टिस देता है, बट साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, राइट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, कानून देखने को मिलता है 1971 का, जिसमें दो प्रकार के कंटेम्प्ट शामिल किए गए, दो प्रकार की तोहिन शामिल की गई है, एक है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। पहले बात करें सिविल कंटेम्प्ट की, तो विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या फिर किसी भी प्रोसेस जो होती है कोर्ट की, राइट। तो जिसको जो है वो मतलब कोई मानता नहीं है, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सामने वाले इंडिविजुअल को पेश होना है सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्डर पास किया और सामने वाले इंडिविजुअल ने नहीं माना, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक को जो है वो दोषी ठहरा दिया, राइट, और दोषी बोल रहा है कि भाई मैं दोषी नहीं हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं चाहिए सज़ा, राइट। अगर इस प्रकार की कोई हरकतें करने लगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई पालन नहीं करता है, विलफुल डिसोबीडियंस यानी कि खुद से वॉलेंट्री बेसिस पर खुद की इच्छा पर अगर कोई इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं करता है तब उस इंडिविजुअल के खिलाफ सिविल कंटेम्प्ट का चार्ज जो है वो लगाया जाएगा। अब आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कि आप यही समझ रहे हो कि कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कुछ बोलता है कार्रवाई, यानी कि वर्ड्स के थ्रू बोल कर, लिख कर, साइन दिखा कर, राइट, कार्टून्स वगैरह बनाकर सुप्रीम कोर्ट की तोहिन करता है, राइट राइट, या फिर किसी भी न्यायालय की तोहिन करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जाता है, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, स्कैंडलाइज, टेंड्स टू स्कैंडलाइज यानी कि सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडल करने की कोशिश करता है,
राइट, तो इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है, या किसी भी कोर्ट को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सिर्फ चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी ये शिलोंग टाइम्स की जो ये जर्नलिस्ट हैं और पब्लिशर जो है, राइट, तो इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं कंटेंप्ट के, क्योंकि क्रिमिनल कंटेंप्ट के चार्जेस हम लोग को इसमें देखने को मिले। अब हालांकि गाइस देखो, ये कानून जो था 1971 का, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसको 2006 में जो है वो अमेंड किया गया था। अब देखो 2006 में अमेंड में हम लोग को ये देखने को मिला कि कोई भी इंडिविजुअल अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ चीज़ लिखता है या लिखती हैं गुड फेथ के तौर पर, राइट, यानी कि खुद की किसी चीज़ को सही करने के तौर पर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है गाइस वो एक कमेटी बैठाएगा, वो कार्रवाई करेगा और फिर उसके बाद फिर उसको जो है वो जजमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि एक तरह से उसको पहले बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा आपने क्यों लिखा, और उसका अगर इंटेंशन सही है लिखने का कोर्ट के आदेशों के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ, तब पूरी चीज़ जो है वो देखी जाएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होती है तभी उसको जो है वो बरी किया जाएगा, वरना फिर पनिशमेंट मिलेगी कंटेम्प्ट की, राइट। तो एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ गया। पहले क्या था, पहले ही ऑप्शन नहीं थे, पहले सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अरे पेपर में ऐसा लिखा है, चलो उठाओ इनको, तुरंत बंद करो, जेल में डालो। बट अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया जाएगा, सामने वाले को भी मतलब पूछा जाएगा कि आपने जो किया है वो क्या क्या इंटेंशन था आपका, फिर उस चीज़ को समझा जाएगा, कमेटी वगैरह बैठेगी, राइट, पूरी रिसर्च होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसके बाद फिर सामने वाले को दोषी ठहराया जाएगा। हालांकि अभी भी होता है, बट इन्वेस्टिगेशन उतनी नहीं होती अभी इस मामले में, बट 2006 के बाद से करना शुरू किया था, पहले नहीं किया जाता था, पहले नहीं किया जाता था। मिजोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर बिल 2019 की बात करें तो गाइस ये देखो, ये बिल जो है वो मिजोरम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, मिजोरम असेंबली के द्वारा इस बिल को पास करा दिया गया है। इस बिल का मेन पर्पस क्या है गाइस, कि यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल हैं जो कि इल्लीगल तरीके से मिजोरम में डिटेक्ट हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए, राइट, तो इस पर जो है वो बेसिकली फोकस था यहाँ पर। और इसमें यह बोला गया है कि जो मिजोरम के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो लोग रह रहे हैं मिजोरम के अंदर, राइट, जिनका घर वगैरह है, परमानेंट रेसिडेंट है जो मिजोरम के, तो वो अथॉरिटीज़ को जो है वो अपना नाम देंगे, डिटेल्स देंगे, फोटोग्राफ्स देंगे, राइट, जो भी प्रूफ मांगती है अथॉरिटीज़ वो उनको प्रोवाइड कराएंगे, राइट। और इस पर फोकस यही है कि जितने भी इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाए और उनको अपने देश पर डिपोर्ट किया जाए। जैसे कि नेशनल रजिस्टर सिटीजन की प्रोसेस जो आसाम में चली है, राइट, कंप्लीट हो चुकी है, तो उसी के बेसिस पर मिजोरम ने भी ये बिल लाया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की जा रही है, अटर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट करी है कि क्रिमिनल एक्शन किया जाए उन लोगों के खिलाफ जो लोग रफाल डील के अंदर जो डॉक्यूमेंट जो है जिन्होंने चुराए हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। तो ये अटॉर्नी जनरल जो है हमारे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, राइट। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है गाइस, तो जो भी हमारे इंडिया की जासूसी करता है, राइट, इंडिया के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अगर किसी को सप्लाई करता है, उसकी जासूसी करता है, स्पाई करता है, एस्पियोनेज, यानी कि स्पाई और एस्पियोनेज का मतलब होता है कि जासूसी करना, तो सेक्शन 3 जो है इस कानून का हम लोग को देखने को मिलता है। उस कानून के थ्रू जितनी भी चीज़ें सेक्शन 3 में लिखी हुई है उन चीज़ों पर अगर कोई इंडिविजुअल निगरानी रख रहा है, हमारे इंडिया की स्पाई कर रहा है, तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा आता है कोई भी इंडिविजुअल हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहीं और किसी कंट्री को डिस्क्लोज कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ऑफिशियल कोड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, स्केच हो सकते हैं, प्लान हो सकता है, ब्लूप्रिंट, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में आती है। और जो भी इंडिविजुअल किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी जाएगी, बट जो ले रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि करप्शन के केस में होता है, करप्शन देना भी गुनाह है, लेना भी गुनाह है, राइट, तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो वैसे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है और ये इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 एक कानून था। ये उस समय ब्रिटिश टाइम पर लॉर्ड कर्जन जो थे वाइसरॉय, इनके द्वारा जो है ये लाया गया था, लागू किया गया था, राइट, 1904 में। तो ये लाने का पर्पस यही था कि जितने भी हमारे इंडियन लीडर्स जो थे गाइस, ये क्या कर रहे थे, ये चेक कर रहे थे कि कैसे जो है वो ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब करनी है, राइट, तो उस पर ये फोकस कर रहे थे, इसलिए ये लेकर आए थे यहाँ पर। बट हाँ, ये कानून जो है वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी हम लोग को देखने को मिला था, राइट, तो वो इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि रीज़न भी कि हमारे जो इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कहीं लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कानून बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सेंटर ने अलाउ कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एनिमी प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक यूज़ के लिए रख सकती हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डर 2018 ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो गाइस, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है पहले तो ये याद रखो। तो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ था, फिर इंडो चाइना वॉर जिसको हम लोग सीनो इंडिया वॉर के नाम से भी जानते हैं, जो चाइना के साथ हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान के थे या फिर जिन लोग की प्रॉपर्टीज इंडिया में थी, जिन पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी इंडिया में थी, और वॉर के समय पर जो है वो, वॉर होने के टाइम पर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ छाड़ के जो है वो भग गए थे अपने देश में, सेम विद द केस ऑफ चाइना ऑल्सो, कि इंडिया चाइना वॉर में जो भी चाइनीज की प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर थी, राइट, प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज्वेलरी हो सकती हैं, शेयर्स हो सकते हैं,
बिल्डिंग्स हो सकती है, राइट, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, राइट, एक जगह हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, लैंड हो सकती है. तो ऐसी जो लोगों की प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर, चाइनीज की और पाकिस्तानीज की, राइट, तो इन प्रॉपर्टी को जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है. और एस्टिमेशन लगाया गया है कि पाकिस्तानी की 9,280 ऐसी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है और चाइनीज की 126 ऐसी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है जिसको हम लोग एनिमी प्रॉपर्टी के नाम से जान रहे हैं, और इनकी कीमत 1,00,000 करोड़ रुपए लगभग बताई जा रही है. तो अभी सेंटर ने ये ऑर्डर पास किया है और इसमें बताया है कि अलाउ कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट इनकी प्रॉपर्टीज को पब्लिक यूज के लिए ले सकते हैं. इस न्यूज में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट की इस यानी कि गवर्नमेंट का काम है स्कीम्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, फ्रेमवर्क बनाना. आप जानते हो कि लेजिस्लेचर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना, स्कीम बनाना, राइट, ना कि कोर्ट का. कोर्ट का काम क्या होता है, न्याय देना. तो अभी देखने को मिला कि जस्टिस एएम सापरे जो है गाइस, इनकी एक बेंच जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया उत्तराखंड हाईकोर्ट को. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ प्लान्स वगैरह बनाए थे, काफी सारी चीजें उन्होंने फ्रेमवर्क यानी कि रूल्स रेगुलेशंस कुछ बनाई थी, इन्होंने रिलीज करी थी. तो इन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को कहा है कि हाईकोर्ट या कोर्ट्स का काम जो होता है वो न्याय देना होता है, जस्टिस प्रोवाइड कराना होता है, ना कि रूल्स रेगुलेशंस लेजिस्लेशन बनाना, राइट. तो इसको लेकर जो है वो एक बड़ी बात सामने आई थी. और कोर्ट जो है वो सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है, ना कि वो रूल्स रेगुलेशन या किसी स्कीम को फ्रेम कर सकती है, क्योंकि ये कोर्ट का काम नहीं है, दैट इज द वर्क ऑफ काम ऑफ लेजिस्लेचर्स, राइट. लेजिस्लेशन के अंदर वो हम लोग को देखने को मिलता है, ना कि जुडिशरी के अंदर. जुडिशरी का काम है जस्टिस प्रोवाइड कराना, या फिर अगर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया गया हो जो कि इंडिया के लिए सही ना हो, इंडियन सिटीजन के लिए खराब हो, राइट, तो इंटरवीन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट जो है वो खुद ब खुद लॉज रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाएगी. और ये गलती करी थी हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की, तो इसलिए क्रिटिसाइज किया गया और ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 थोड़ा सा पढ़िएगा, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी जाती है कोर्ट को हमारी, जिसमें मेंशन है कि कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है गवर्नमेंट को, राइट, रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम या फ्रेमिंग ऑफ एनी गाइडलाइंस और रूल्स, ठीक है. बट खुद ब खुद कोर्ट का काम नहीं है ये बनाना. राजस्थान के अंदर हम लोग को बताया जा रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये 5% रिजर्वेशन गुज्जर को देंगे और 4 और नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं इनको जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाएगा. एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट में, जिसमें चैलेंज किया गया है इस राजस्थान के कोटा बिल को, राइट. और इसमें 4 अलग अलग कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, बंजारा, गडिया, लोहार, रायका और गदरिया. तो ये 4 कम्युनिटीज़ के नाम याद रखिएगा. ये कम्युनिटीज़ के नाम आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि ये फलाना कम्युनिटी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो यू शुड बी एबल टू नो कि ये राजस्थान में थी, राइट, एबल टू मार्क द आंसर कि ये राजस्थान में थी. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रिलीज किया जाता है कुछ गाइडलाइंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की. ये एक तरह की गाइडलाइंस है, यानी कि इलेक्शन होने से पहले जो इलेक्शन कमीशन जो है हमारी वो गाइडलाइंस ऑफर करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे कंडक्ट करना है, यानी कि क्या क्या काम करने हैं, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली कि डूज एंड डोंट्स इसमें होते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना है और क्या नहीं करना है. उसकी पूरी गाइडलाइन जो है वो इलेक्शन कमीशन रिलीज करती है इलेक्शन होने से पहले, कि जिससे कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो इंडिया में. हमारे कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भिड़ने लगती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कई ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लगती हैं जिससे कि पब्लिक के बीच में जो है वो तनाव डेवलप हो जाता है, राइट, लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति जो है वो डेवलप हो जाती है उनकी स्पीच के दौरान. तो यही इस गाइडलाइंस में मेंशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक एमपी जो है या कोई भी जो कैंडिडेट जो है जो खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, तो वो अपोजिशन पार्टी को पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, उसकी पार्टी के खिलाफ कोई पर्सनल बातें नहीं करेगा और कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोलेगा जिससे पब्लिक के बीच में जो है वो एग्रेशन की भावना आ जाए, राइट, और दंगे वाली स्थिति डेवलप ना हो, तो इस पर फोकस किया जाता. और भी काफ़ी सारे इसमें प्रोविजंस हैं, जनरल कंडक्ट, मीटिंग्स, प्रोसेशंस, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, ऑब्जर्वर्स, पार्टी इन पावर, इलेक्शन मैनिफेस्टोस, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें. इलेक्शन मैनिफेस्टोस यानी कि प्रचार वगैरह कैसे करना है. अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है गाइस वो एक दूसरे, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्रिटिसाइज करती हैं कैसे नहीं करती हैं, और ये ब्राइब नहीं कर सकती, और बेसिक यानी कि गाइडलाइंस होती हैं. इतना आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो उसको, वीडियो को पॉज वगैरह करके, राइट. बाकी सिंपली चीज़ याद रखिएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन होने से पहले. अब देखिए सेक्शन 33 का सब सेक्शन 7 हम लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का देखने को मिल रहा है. अब देखिए गाइस ये ओडिशा सीएम जो है नवीन पटनायक जी, ये दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो लड़ने वाले हैं. तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी कैंडिडेट जो है ये इलेक्शन लड़ सकता है अप टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, यानी कोई भी किसी भी इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री, स्टेट असेंबली, बाइनियल काउंसिल, बाय इलेक्शन, तो किसी भी इलेक्शन में एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए हकदार होता है,
राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी बस ध्यान में रखनी है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में इस प्रोविजन को, राइट। तो ये वाली चीज आप थोड़ी ध्यान में रखिए। अब बात करें ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के बारे में, तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफाई किया है ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 को, जिसका मकसद ये है कि क्लिनिकल रिसर्च को जो है वो इंडिया में प्रमोट करना, क्लिनिकल रिसर्च को। नए रूल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी एक मेडिसिन होती है, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर, कोई मेडिसिन बनाने वाला कोई कंपनी है, राइट, जैसे उनने एक कोई मेडिसिन बनाई, तो मेडिसिन बनाने के बाद उनको वेट करना पड़ता है कि मेडिसिन जो है उसकी क्वालिटी अप्रूवल कब तक मिलेगी, राइट, और इसमें काफ़ी समय जो है वो लग जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अब एक इसमें ये चीज़ आई गई है कि कोई भी मतलब क्वालिटी पर्पस के लिए किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को जो है वो उसकी एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल जाएगा 30 दिन के अंदर ही अंदर, और जो मतलब डोमेस्टिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स कंपनी होंगी, और जो कंट्री के बाहर की जो कंपनीज होंगी, मेडिसिन कंपनीज, उनको 90 दिन के अंदर जो है वो अप्रूवल दे दिया जाएगा, राइट, क्वालिटी अप्रूवल। और इसमें बताया जा रहा है कि कंपनसेशन जो है वो बकायदा स्पेसिफाई किया गया है कि अगर मेडिसिन को खाने के बाद किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई भी इंजरी होती है, तो कंपनसेशन यहाँ पर मौजूद है। ट्रायल भी मौजूद है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल जो होंगे उनके सामने पेशी होगी, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ही डिसाइड करेंगे कि क्या कंपनसेशन होना चाहिए, राइट, ट्रायल्स वगैरह के बाद, पेशी वगैरह होने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी मेडिसिन जो है, अगर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, तो इन जगह पर किसी भी मेडिसिन कंपनी को जो है वो अगर अप्रूवल मिल गया होगा, तो दोबारा से इंडिया में उस कंपनी को जो है वो इंडियन मार्केट्स में बेचने के लिए फिर से क्वालिटी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। तो ये वाली चीज़ भी बड़ी आ रही है सामने, और इसको स्पेसिफाई करेंगे ड्रग कंट्रोलर जनरल, राइट। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना, और पेशेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये नए रूल्स जो है वो लाए गए हैं। आधार एंड अदर लॉज ऑर्डिनेंस 2019 की बात करें, तो आधार एक्ट 2016 को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 और इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 को अमेंड किया गया है। तो गाइस, आधार का जो मिसयूज हो रहा था, हर जगह आधार लग रहे थे, हम लोग को देखने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, राइट, डेटा सिक्योरिटी को लेकर, प्रिवेसी को लेकर, कि कहीं पर भी जैसे मोबाइल फ़ोन की सिम खरीदनी है तो उसके लिए आधार कार्ड देना पड़ता था, आधार नंबर डिस्क्लोज करना पड़ता था। और आप जानते हैं कि आधार जो है वो हमारे हर जगह से लिंक हो गया है, बैंक से लिंक हो गया है, पैन कार्ड से लिंक हो गया है, और इस चीज़ का मिसयूज जो है वो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, किसी भी हैकर के द्वारा। तो ऐसा ना हो, तो उसी के लिए अब ये अमेंडमेंट किए गए हैं। अब ये बोला गया है कि जब तक पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, तब तक कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो आधार को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो नहीं मांग सकती, आधार नंबर को। और जिसको भी आधार अपना नंबर देना है, वो अपनी स्वयं की इच्छा से वॉलंटरी बेसिस पर दे सकते हैं। और इवन ऑप्शन दिया है चिल्ड्रन को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, यानी कि जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, कि वो एडल्ट जब हो जाएंगे, 18 साल की उम्र के हो जाएंगे, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने आधार नंबर को जो है वो हटा सकते हैं, राइट, अपनी खुद की इच्छा से आधार को जो है वो ये मतलब बंद करवा सकते हैं अपना। और ये एक बताया गया है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, UIADI फंड जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, राइट। तो ये एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। और इसमें इवन ये भी बोला गया है कि जो भी इंडिविजुअल आधार एक्ट का वॉयलेशन करता है, तो उसके खिलाफ सिविल पेनाल्टी जो है वो की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी बोला गया है कि आधार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट इसके कुछ चीज़ों को जो है वो स्टक डाउन कर दिया, यानी कि हटा दिया है। बट हाँ, आधार जो है वो वैलिड है, आधार इनवैलिड ऐसा कहीं नहीं बोला है, आधार वैलिड है, बट इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो हर जगह आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता था, तो उस चीज़ को जो है वो हटा दिया गया, उस प्रोविजन को, राइट। और ये फोकस किया गया है कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर काम किया जा रहा है, और अभी एट प्रेजेंट जो है वो डेटा प्राइवेसी को लेकर भी एक नया कानून लाने की बात की जा रही है। अब बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड की यहाँ पर बात हो रही है। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको लॉन्च किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ये कार्ड गाइस बैंक के द्वारा इशू किया जाएगा एज अ डेबिट, क्रेडिट या फिर प्रीपेड कार्ड की तरह हम लोग को देखने को मिलेगा, और बैंक इस कार्ड को इशू करेगी। इस कार्ड की मदद से कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, बस ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, टोल टैक्सेस के लिए, पार्किंग चार्जेस के लिए, शॉपिंग पर्पस के लिए, और इवन पैसे भी विड्रॉ किए जा सकते हैं इस कार्ड की मदद से। और ऑलमोस्ट 25 बड़े बैंक्स जो होंगे गाइस, वहां पर ये कार्ड हम लोग को अवेलेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर्म 16 में अमेंडमेंट करने की यहां पर बात हो रही है। लॉ मिनिस्ट्री ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उनको अपने ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है पिछले 5 सालों के, वो रिवील करने पड़ेंगे। अपने ऑफशोर एसेट्स यानी कि दूसरी कंट्री में उनके क्या क्या ऑफसेट्स हैं,
एसेट्स हैं सॉरी, मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो वो बतानी पड़ेगी उनकी भी और साथ ही साथ उनकी वाइफ की या उनके हस्बैंड की, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है और उनके डिपेंडेंट्स की यानी कि उनके बच्चों वगैरह की, और भी डिटेल्स उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और ये अमेंड किया गया है फॉर्म 26 को और उसी के थ्रू ये पॉसिबल हो पा रहा है। फॉर्म 26 की बात करें, एक फॉर्म होता है गाइस जिसको जब एक कोई भी इंडिविजुअल खड़ा होता है इलेक्शन के लिए तो उसको एफिडेविट के साथ जो है ये फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें पूरी चीज़ मेंशन होती है, उनके डिटेल्स पूरी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बेसिक डिटेल्स जो पूरी होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड है कि ये भी उनको मैंडेटरी है भरना, अपनी डिटेल्स देना। जिससे क्या होगा, जिससे लोगों को पता लगेगा कि जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है वो मतलब क्या है, मतलब जैसे कि उसके कोई ऑफशोर एसेट्स वगैरह है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि पहले भरने के लिए पहले इसलिए बोला है कि जो इंडिविजुअल खड़ा होता है उसके बाद फिर जब वो अपनी यानी कि मिनिस्ट्री वगैरह में होता है या फिर जो भी पद वो संभाल रहा होता है तो उसके बाद जो है उनके काफ़ी सारे एसेट्स जो है वो बन जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो रोकने के लिए ये चीज़ यहाँ पर लाई गई है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है जिसमें अमेंड किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। तो देखो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है, आर्टिकल 370 के बाद हम देख ही रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गया है। तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें फोकस किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन लोगों को, राइट। उसी के लिए ये आर्टिकल को जो है वो हम लोग को देखने को मिला कि अमेंड किया गया था। और अभी आर्टिकल 370 जो है वो खत्म हो चुका है, हम लोग देख ही रहे हैं कि रिवोक हो गया, उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर दो अलग अलग यूटी जो है वो बन के आ गई हैं। तो ये थोड़ा सा पुराना है बट आप चाहो तो एक बार इसको जो है वो रीड कर सकते हो। अब गाइस नेक्स्ट पिलर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इटली पहली G7 कंट्री बन गई है जिसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का है, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको ज्वाइन कर लिया है। देखो गाइस चाइना क्या कर रही है, चाइना का जो एंशियंट सिल्क रूट है चाइना से जो गुजरता है यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़ को जो कनेक्ट करता है और साथ ही साथ जो मैरीटाइम रूट्स हैं यानी कि दो ये रूट्स हैं तो जिनको जो है वो स्ट्रेंथन कर रही है चाइना, और इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से ये हम लोग को देखने को मिल रहा है या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसमें क्या हो रहा है कि चाइना तीन कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है और इससे ना इंडिया खुश है ना यूएसए खुश है। अब इंडिया खुश इसलिए नहीं है क्योंकि गाइस इस इनिशिएटिव के थ्रू चाइना जो है वो अपनी मोनोपोली डेवलप कर लेगी साउथ एशियन कंट्रीज़ में, और यूएसए इसलिए खुश नहीं है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सुपर पावर हम लोग को देखने को मिलती है तो उसकी पावर जो है वो शायद रिड्यूस हो सकती है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के आने के बाद। और इवन चाइना के ऊपर एक और आरोप है कि चाइना इस इनिशिएटिव के थ्रू अपनी मिलिट्री बेसिस वगैरह जो है वो अलग अलग जगह तैनात कर सकती है, यानी कि अपनी मोनोपोली तो वो बनाएगी इस रूट के थ्रू, राइट, यानी कि अपने मार्केट को एक्सपेंड कर देगी, ड्यूटी फ्री मार्केट को एक्सपेंड कर देगी, यानी कि जिस भी कंट्री के अंदर चाइना से जो भी सामान जा रहा है उस पर ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ हम लोग को देखने को ये मिलेगी, चाइना अपने मिलिट्री कैंप्स वगैरह जो है वो यहाँ पर तैनात कर देगी, राइट। तो इससे क्या हो सकता है कि चाइना अपनी मोनोपोली जो है वो जमा सकती है इस रूट में, और यूएसए इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि मोनोपोली जमा लेगी तो एक तरह से सुपर पावर का खिताब जो है वो फिर चाइना को इन फ्यूचर मिल सकता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो 65% जो पूरी दुनिया भर की पॉपुलेशन है वो इस रूट में कवर हो रही है, ये वाली चीज़ बताई जा रही है। 60% पूरी दुनिया भर की GDP जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगी और 70 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो इस कॉरिडोर का हिस्सा बन रही हैं, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, चाइना इस पर $1 trillion $1 trillion जो है वो लगभग खर्चा कर रहा है, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था, हम लोग ने भी ऊपर डिस्कस भी किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो मलेशिया जो है गाइस ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा बन गई है, यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग के बारे में यहाँ पर, रीजनल डायलॉग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सेकंड एडिशन हुआ है ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का न्यू दिल्ली के अंदर। इस पर फोकस यही है मैरीटाइम्स कनेक्टिविटी को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर, तो ये सब फोकस हम लोग को इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का देखने को मिला है। और पहली बार 2018 में ये कंसेप्चुलाइज हुआ था और कंडक्ट किया गया था, राइट। इसकी परमानेंट थीम एक ही है कि इंडो पैसिफिक रीजन को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि उसकी लाई जाए इंडो पैसिफिक रीजन में, और चैलेंजेस जितने भी हम लोग को इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलते हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, हर साल ये मीटिंग बैठती है, डायलॉग यहाँ पर होता है। अब बताया जा रहा है कि इंडिया का पहला TIR शिपमेंट जो है वो आ चुका है छाबर पोर्ट के रूट के थ्रू। तो आपको गाइस पता होगा कि इंडिया ने छाबर पोर्ट जो है, अरे यहाँ पर मैप नहीं है सॉरी, एक बार मैप में देखिएगा कि इंडिया ने ईरान के अंदर एक छाबर पोर्ट जो है वो बनाया है जिसकी मदद से वो अफगानिस्तान से कनेक्ट कर रही है। तो इंडिया का पहला शिपमेंट जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया जो है वो पहुंच चुका है,
और ईरान पर हमने चाबहार फोर्ट बनाया हुआ है, ये वाली चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, राइट। टीआईआर कन्वेंशन एक हम लोग देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कस्टम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कवर ऑफ टीआईआर कार्नेट्स, राइट। तो ये 15 जून 2017 को ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था, जिसमें इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, राइट। तो इसकी मदद से अफगानिस्तान से इंडिया में जो है वो लाया जा रहा है सामान, और ये पहला शिपमेंट जो है वो आ चुका है, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में। गाइस, गोलन हाइट्स काफ़ी बार न्यूज़ में थी पहले भी, अभी फिर से आ गई है, तो याद रखिएगा आप, क्योंकि यूपीएससी में गोलन हाइट्स से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली चीज़ तो इसकी लोकेशन आप देख लो, तो इसराइल के पास में हम लोग को ये देखने को मिलती है गोलन हाइट्स। आप देखो, इसराइल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सी ऑफ गली आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर ही हम लोग देखते हैं एक डेड सी को भी, राइट, जहाँ पर हम लोग को वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव नजर आई थी, तो यहीं पर इसी रीजन पे आपको गोलन हाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो गोलन हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, राइट, फर्टाइल जगह है ये, यानी कि इस लोकेशन काफ़ी अच्छी और काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इसमें इसकी एक स्ट्रेटजिकली मिलिट्री लोकेशन भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसराइल जो है इसने गोलन हाइट्स पर जो है वो अपना कब्जा कर लिया था 1967 में, और डोनाल्ड ट्रंप जो है गाइस इन्होंने अभी रिसेंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है इस गोलन हाइट्स को, कि गोलन हाइट्स जो है वो इसराइल का पार्ट है, राइट, इसराइल का हिस्सा है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, इसलिए टॉपिक न्यूज़ में था, राइट। थोड़ी सी अगर आपको मौका मिले तो इसके बारे में पढ़िएगा कि सीरिया और गोलन हाइट्स के बीच में जो वॉर हुआ था, राइट, मिडिल ईस्ट वॉर के नाम से जिसको हम लोग जनरली जानते हैं 1967 का, इसमें इसराइल ने जो है वो गोलन हाइट्स को सीज कर लिया था, उसके बाद दोबारा से सीरिया ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर 1973 वॉर के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये पूरी एक वॉर की प्रोसेस हुई थी, जिसमें आज की डेट में गोलन हाइट्स जो है वो इसराइल का हिस्सा है, और गोलन हाइट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है, एक टाइप का पहाड़ टाइप का है ये, राइट, जिसके ऊपर से आसानी से इसराइल की जो मिलिट्री है वो अटैक कर सकती है चारों तरफ सभी लोगों को, क्योंकि इसराइल के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं गाइस वो सबकी सब इसराइल की दुश्मन है, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए, और यहाँ पर सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें तो 7th RCEP इंटर सेशनल मिनिस्टेरियल मीटिंग अभी रिसेंटली कंबोडिया में हुई थी, इसलिए ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिली है। 16 कंट्रीज हैं गाइस इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, इंडिया और चाइना जो है इन्होंने एग्री कर लिया था कि जो जितने भी नेगोशिएशंस वगैरह हो रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, कि ये दोनों जो है वो आपस में अपने पूरे जितने भी इश्यूज वगैरह जो है वो रिजॉल्व वगैरह कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ हम लोग को इस समिट में जो है वो देखने को मिली, इंडिया और चाइना आपस में अपने जितने भी इशूज़ हैं वो रिजॉल्व कर लेगा। हालांकि इसके बारे में आपको नवंबर 2018 मंथ की मैगजीन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार आप चाहें तो उसमें जाकर रेफर कर सकते हैं। अब यूएनएससी की बात करें तो फ्रांस जो है गाइस वो प्रेसिडेंट बन गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी कि हेड जो है वो बन गया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रांस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फुल मेंबरशिप जो है वो मिल जाए, और साथ ही साथ जर्मनी और जापान ये दो कंट्रीज और हैं जो कि फोकस कर रही हैं कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूएनएससी में। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक हम लोग को देखने को मिलती है, और ये इनका फोकस है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। पीस कीपिंग ऑपरेशन ये एस्टैब्लिश करते हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं, राइट, और मिलिट्री एक्शन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, और सिर्फ इकलौती यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है गाइस जिसके रेजोल्यूशन जो है वो बाइंडिंग है मेंबर स्टेट्स के लिए, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जनवरी 17th 1946 को पहला सेशन हम लोग को यूएनएससी का देखने को मिला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये क्रिएट हुई थी, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दो वॉर हो गए थे, और तीसरा वॉर अगर होता तो चौथा वॉर जो है वो सिर्फ पत्थरों के बीच में लड़ा जाता, क्योंकि देखो दूसरे वर्ल्ड वॉर में हमने देख लिया था कि कैसे जापान की जो है वो हालत ख़राब हुई और न्यूक्लियर डिजास्टर हम लोग को देखने को मिला था। तो इसलिए सभी कंट्रीज जो है वो खौफ में आ गई थी, और उनको लगा था कि अब जो चौथा वॉर जो होगा वो पत्थरों के बीच में होगा, रॉक्स के बीच में होगा। द रीज़न बीइंग इज क्योंकि तीसरा अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो वो न्यूक्लियर वॉर हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें सभी कंट्री जो है वो ब्लास्ट हो जाएंगी, राइट, यानी कोई ह्यूमन बींग जो है वो नहीं बचेगा धरती में। तो इस चीज़ से डरते हुए यूएनएससी का फॉर्मेशन किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी जो है वो डेवलप करेगी यूएनएससी की, इस प्रकार के वॉर्स वगैरह की स्थिति ना डेवलप हो। सिक्योरिटी काउंसिल जो है गाइस वो इफेक्टिव नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि देखो कोल्ड वॉर का जो समय था वो खत्म हो गया, उसके बाद फिर हमने देखा कि पहले के समय पर ये ठीक थी, बट कोल्ड वॉर आया, फिर उसके बाद फिर आज की डेट में जिस प्रकार के हम लोग देख रहे हैं कि नए नए प्रकार के तरीके हो रहे हैं, राइट, टेररिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूएनएससी को भी चेंज होने की आवश्यकता है। क्योंकि यूएनएससी बनी कैसे गाइस, तो यूएनएससी में जो हमने देखा कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो विजेता बन गया था, यानी कि जो कंट्रीज जो जीती थी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वही उन्हीं कंट्री ने मिलकर जो है वो यूएनएससी बना लिया, बट उसके बाद अब सिनेरियो जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो ये यूएनएससी के कितने मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, राइट, और ये ही 5 ऐसे मेंबर हैं
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरियस हुए थे, जो मैंने भी आपको बताया था, राइट. इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं और ये 2 साल के टर्म्स के लिए इलेक्ट होते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है. और इंडिया अभी तक 7 बार जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो चुकी है. और एक G4 ग्रुप के नाम से नाम को याद रखिएगा, G4 ग्रुप या फिर इसको G4 ब्लॉक भी बोला जाता है, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया आती हैं. ये 4 कंट्री जो कि बहुत समय से डिमांड कर रही हैं कि इंडिया, ये चारों कंट्री को जो है वो यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, राइट. तो ये G4 का प्रपोजल है कि यूएनएससी की मेंबरशिप को 15 से बढ़ाकर 25 जो है वो कर दिया जाए, राइट. तो इस पर जो है वो फोकस, और इसकी परमानेंट मेंबरशिप को भी बढ़ाया जाए. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो जापान ने डोनेट किया है $69 मिलियन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए, राइट. और हम लोग को देखने को मिला कि पहली बार हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो क्रोशिया विजिट किया गया था. क्रोशिया पे आप मैप पे जाकर इसकी लोकेशन देखिएगा. और इंडियन प्रेसिडेंट जो है गाइस, इनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमी स्लैव जो है वो दिया गया, यानी कि ये हाईएस्ट अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया का. और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि यूनिवर्सिटी ऑफ जैग्रेब है, यहाँ पर हिंदी चेयर भी बनाई गई, राइट. इसको भी क्रिएट किया गया, एक इंडोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिला इस यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि अब इस यूनिवर्सिटी में हिंदी जो है वो पढ़ाई जाएगी, राइट. ऐसा सेम विद आइसलैंड ऑल्सो, आइसलैंड के अंदर भी हमने देखा था कि आइसलैंड के अंदर भी हिंदी जो है वो भाषा जो है वो सिखाई जाएगी वहाँ के बच्चों को. वैसे ही यहाँ पर क्रोशिया के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हिंदी चेयर जो है वो बना दी गई है. टूरिज्म की फील्ड में भी एग्रीमेंट किया गया यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला. हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं गाइस, जिन्होंने पैरोगे नाम की एक कंट्री है वहाँ पर विजिट किया, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी. पैरोगे को जाकर एक बार आप लोकेशन देखिएगा इसकी. अच्छा, ये मैप है यहाँ पर, ये साउथ अमेरिका में, ये ब्राज़ील के नीचे बोलीविया आपको दिखाई दे रहा है, उसके साइड में आप देखिए पैरोगे आपको दिखाई देगा, राइट. उसके नीचे है अर्जेंटीना, राइट. तो ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे. अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसमिशन के ऊपर. अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल का पोर्शन है ये, जिसमें बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में 400 लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. और यहाँ पर इस ये जो नेपाल के अंदर जो ये प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, ये इंडिया को जो है वो पावर सप्लाई करेगा, राइट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, राइट. तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है. और ये बताया जा रहा है कि जो पावर जो होगा इस प्रोजेक्ट का, ये एक्सपोर्ट किया जाएगा नेपाल से और ये इंडिया के मुजफ्फरपुर पे हम लोग को मिल जाएगा, राइट. और एक अरुण रिवर भी है, ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा, नेपाल के अंदर 900 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, राइट. तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है. अब गाइस, नेक्स्ट पिलर सोशल जस्टिस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हम लोग को देखने को मिला है. हर 2 सालों में होने वाला ये यूनियन है यूनाइटेड नेशन वुमेन को लेकर. यहाँ पर वुमेन इन पॉलिटिक्स का एक मैप जो है वो लगाया गया है, यानी कि बताया हुआ है इस पर्टिकुलर मैप के थ्रू या फिर एक रिपोर्ट के थ्रू कि जो पूरी दुनिया भर में पॉलिटिक्स के अंदर कितनी वुमेन्स हैं या फिर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पूरे दुनिया भर के पॉलिटिक्स में कितना है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं. तो वुमेन मिनिस्टर जो है गाइज, वो ऑल टाइम हाई हम लोग को देखने को मिल रही है पूरी दुनिया भर की. अगर हम लोग बात करें तो 20.7% हम लोग को देखने को मिल रही है पूरे दुनिया भर में पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का इस समय ऑल टाइम हाई जो है वो बताया जा रहा है. तो ये काफ़ी शानदार चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है. और ग्लोबल शेयर जो है वुमेन एमपी का, यानी कि वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ये 24.3% है. और पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जो है वो 2.4% का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट, पॉलिटिक्स के अंदर. और ये बताया जा रहा है कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है टॉप लेवल लीडरशिप में, उसकी गिरावट यहाँ पर हुई है. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट होती हैं वुमेन, तो उसकी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट में. तो ये 7.2% से 6.6% हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट. तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. और 5.7% जो है इस से गिर कर 5.2% हो गई है हेड ऑफ गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए. तो कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि जो टॉप लेवल की लीडरशिप की जो पोस्ट है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, उसमें गिरावट देखने को मिली है. बट लेजिस्लेचर के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर या फिर मिनिस्टर एज अ वुमेन जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनमें ग्रोथ जो है वो हुई है. और 9 कंट्रीज की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की जा रही है, स्पेन, निकारुगुआ, स्वीडन, अल्बेनिया, कोलंबिया और कोस्टा रिका, रवांडा, कनाडा और फ्रांस. तो गाइज ये 2017 की यहाँ पर बात हो रही है, 2017 से ये कुछ 9 कंट्रीज हैं गाइज यहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि 50% या फिर उससे ज़्यादा वुमेन जो है वो इन पर्टिकुलर कंट्रीज में मिनिस्टेरियल पोजिशन पर हम लोग को देखने को मिलती हैं. इंडियन सिनेरियो की बात करें तो लोकसभा के अंदर
11.8% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग को एज अ वुमेन देखने को मिलती है, यानी कि 542 सीट्स में से 64 सीट्स जो है वो वुमेन हम लोग को सीट्स में देखने को मिलती है, रिप्रेजेंटेशन वुमेन का देखने को मिलता है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर भी 11% है, 245 एमपी में से 27 एमपी एज अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग इस साल बताया जा रहा है 2014 के जनरल इलेक्शन में, और इस साल की भी अगर हम लोग बात करें, अभी कुछ समय पहले एक और रिपोर्ट आई थी तो उसमें फीमेल का वोटर टर्नआउट जो है वो काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू मेल में। तो ये 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं आउट ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यहां पर वुमेन जो है गाइस उन्होंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया वोटिंग प्रोसेस में। और 8 साउथ एशियन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, तो जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तो उसमें हमारी पोजीशन जो है वो लो आई है, यानी कि आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंडिया से ज़्यादा है, राइट। तो इस पर हम लोग को इंडिया को एशियन लेवल पर जो है वो इम्प्रूव करने की आवश्यकता बताई जा रही है। और 1993 जो है गाइज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था कि इंडिया के अंदर 33% सीट जो है वो रिजर्व की गई थी वुमेन के लिए, सभी लोकल बॉडीज के लिए। तो ये एक बेसिकली वाटरशेड मूवमेंट जो है वो हम लोग को वुमेन का देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी शानदार जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो वुमेन के लिए रिलीज की गई थी 1993 में। तो ये वाली चीज़ भी आप अपने मेंस में उपयोग कर सकते हैं, राइट, 1993 का। तो कुछ फैक्चुअल डेटा वगैरह अगर आपको पता होगा, अगर आप रट पाओ, याद कर पाओ, और उसको अगर आप अपने आंसर में जो है वो लिख पाओ मेंस के, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स जो है ये ग्वालियर में सेटअप किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, अप्रूवल मिल गया है कि ग्वालियर में एक हम लोग को सेंटर मिलेगा। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के अंदर जो डिसेबल पर्सन जो होते हैं, यानी कि हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं, दिव्यांगजन जो लोग होते हैं, तो उनको और वेरियस अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। तो उसके लिए एक बेहतर सेंटर जो है वो अलग से, यानी कि इंडिविजुअल सेंटर जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए सेटअप किया गया है, और इसका अप्रूवल जो है वो दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के अंदर लिखा हुआ है कि गाइस की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट डिसेबल पर्सन को स्पोर्ट एक्टिविटीज में और भी कई सारे एक्टिविटीज वगैरह में जो है वो मतलब इंश्योर करें कि वो भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए और उनको अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल पाए, राइट। और ये बताया जा रहा है कि मार्च 2021 तक जो है ये स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा अगले 2 सालों में, ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। तो ये वाली चीज़ आप ग्वालियर की थोड़ी सी याद रखिएगा, ग्वालियर में हम लोग को डिसेबल पर्सन के लिए एक अलग से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो तैयार किया जा रहा है, और ये काफ़ी शानदार चीज़ है। एम्पावरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स में अगर इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो आप ये सब एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, राइट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग मेंस की न्यूज़ कवर कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमी पिलर की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 की यहाँ पर बात हो रही है, और गाइज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 जो है इस, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी का अप्रूवल मिल गया है, और ये डेवलप करेगा इंडिया को एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन के तौर पर, यानी इंडिया को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब के तौर पर जो है ये डेवलप करने की बात की जा रही है, यानी कि इंडिया के अंदर वेरियस इनोवेशंस हो, वेरियस सॉफ्टवेयर्स बने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में के क्रिएशन में जो है वो बढ़ावट हो, यानी कि बूस्ट हो उसमें, राइट। तो इस पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि हम लोग जो है वो वेरियस चीज़ों में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में, स्पेशलाइज स्किल सेट्स वगैरह में जो है वो इनोवेशन लेकर आए, उसको स्ट्रेंथन करें, बढ़ाएं, जिससे कि इंडिया को एज अ सॉफ्टवेयर हब जो है वो बनाया जा सके, राइट। तो इस पर जो है ये नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 जो है वो आई है, तो वेरियस सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो होते हैं वो इंडिया में बनाए जाएं, उस पर फोकस किया जाए, तो इस पर ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, राइट। और ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो इंडिया को 2025 तक जो है वो बनाने, यानी कि इंडिया को ग्लोबल सॉफ्टवेयर हब जो है वो 2025 तक इंडिया को बनाना है, ये इंडिया का टारगेट है। तो ये वाली चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इससे वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स ऊपर बता दिए हैं कि जैसे कि इनोवेशन में बूस्ट होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था वेरियस स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट। और वेरियस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग को इंडिया में देखने को मिलेंगे, इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो भी स्ट्रेंथन होगा, राइट। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आज की डेट में जो प्रॉब्लम चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि एस्टिमेशन है कि लगभग 2025 तक 3.5 मिलियन, आप कह सकते हो कि 35 लाख लगभग लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगी, राइट, इस पर्टिकुलर चीज़ के चलते, इस पॉलिसी के चलते। अब बात करेंगे इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 के बारे में, तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने रिसेंटली उद्घाटन किया है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 का। ये एक एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिला था, जहां पर फोकस किया जा रहा था कि इंडिया के अंदर और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आती हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली,
तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो इंडिया के लिए बेटर है उनको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, राइट। तो इस पर जो है वो फोकस किया जा रहा है कि इसमें बोला गया है कि कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाइज प्रूवन इनोवेटिव एंड ग्लोबल एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन इंडिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन को लेकर यानी कि बिल्डिंग एक्टिविटीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, उस कंस्ट्रक्शन को लेकर जो भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड में है तो उसको हम लोग पहले देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और इवन इंडिया में भी कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनके बारे में नहीं पता होता, राइट। तो ये एक बेसिकली एक्सपो कॉन्फ्रेंस है, एक्सपो में आप देखते होगे पूरी चीज जो है वो डिस्प्ले की जाती है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज वहां पर डिस्प्ले होंगी और जो भी इंडिया के लिए सुटेबल होगी उसको अडॉप्ट करेगी इंडिया, राइट। तो उसका मेजर इनिशिएटिव ये है, मतलब मेजर बेनिफिट इसका ये होगा कि हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो काफी तेजी से ग्रोथ करेगा, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज जो है वो हम लोग डेवलप कर पाएंगे, राइट। और यूथ जो है गाइज ये मेन बेनिफिशियरी होने वाले हैं इस इनिशिएटिव के लिए, और फर्दर आप जानते हो कि और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें आपकी, जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ये हर एक न्यूज में आपको रिपीटेटिवली देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करो कि तीन चार वर्ड्स जो है वो अलग अलग अपने हिसाब से जो है वो सेट करके रखो, जैसे कि मतलब सब चीज आपको कॉमन मिलेगी, जैसे कि जो बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की इस प्रकार की, यानी कि इनोवेशन के ऊपर, स्टार्टअप्स वगैरह के ऊपर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जीडीपी में बढ़ोतरी करना, राइट। तो इनोवेशन की टेक्नोलॉजीज इंडिया को इंडिया में लेकर आना, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना वेरियस थिंग्स में, यानी कि जिस भी से भी रिलेटेड जो पॉलिसी होगी उसके पर्टिकुलर टारगेट्स होंगे। तो आप मेन मेन चीज नोट डाउन करो, मैं भी आपको सिर्फ मेन मेन चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आप हर एक न्यूज पढ़ोगे उसमें रिपीटेटिव चीज है, तो उससे क्या होगा अपना भैया अपना वीडियो जो है वो लेंदी होगा, तो इसलिए आप नोट डाउन कर लो, इससे मैंने आपको एक्सप्लेन कर लेने, तो कल को लोग बोलेंगे सर देखो आप बहुत सारी चीजें बताते नहीं हो, अरे रिपीटेटिव है, कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो कि आपको पता होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बेसिक चीज तो आपको दिमाग में रखनी है, राइट। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो यहां पर मैं चीज आपको बताता हूं, और बाकी आपके सामने स्क्रीन है, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग अगर आप चाहो तो, राइट। तो देखिए कैबिनेट ने, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है कि हाइड्रो पावर सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया जाएगा इंडिया के अंदर, हाइड्रो पावर सेक्टर को। तो देखो हो क्या रहा था, बैकग्राउंड की थोड़ी सी चीज समझो कि गाइस पहले के समय पे हम लोग को देखने को मिलता था कि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो 25 मेगावाट से कम के हैं सिर्फ उन्हीं को ही रिन्यूएबल एनर्जी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था, उन्हीं को रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में रखा जाता था, और जितने भी लोग 25 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं उनको सरकार वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है, राइट। इनके जो पावर वगैरह जो भी जनरेट होता है इससे तो वो डिस्कॉम्स वगैरह को सेल आउट करके ये पैसे बना लेते हैं, बट लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी पहले के समय पे। इसलिए क्या होता था कि लोग बाग जो है वो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे, प्राइवेट सेक्टर्स उसमें नहीं आता था। तो अब थोड़े से यहाँ पर कैबिनेट ने चेंजेस लाए हैं और इस चेंजेस को जो है वो कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है, और इसमें बताया है कि अब से लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो होंगे यानी कि 25 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट्स भी, तो वो भी नॉन सोलार रेन्यूएबल परचेजिंग ऑब्लिगेशन के अंडर आ जाएंगे, राइट। तो इन लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट जो है वो मिलेगा, राइट। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो आप ध्यान में रखो, इतना देखो डिटेल में फिगर वगैरह और ये सब चीज़ आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज़ याद रखो, जर्नलिस्ट अप्रोच जो है वो अपने दिमाग में रखो, क्योंकि आपको हर चीज मगअप नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मगअप करने वाली, दैट आई विल गोइंग टू टेल यू। अब देखिए एक और चीज़ याद रखना, इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को 2022 तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, राइट। उनमें से 100 गीगावाट जो होगा वो सोलार के थ्रू आएगा, और रेस्ट हम लोग को देखने को मिलेगा कि हाइड्रो पावर हो गया और वेरियस विंड पावर हो गया, तो अलग अलग जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया की रैंक जो है वो फिफ्थ है, और साथ ही साथ हाइड्रो पोटेंशियल के मामले में भी इंडिया की रैंक फिफ्थ है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी नदियां हैं, राइट। तो उसके हेल्प से जो है वो हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से हाइड्रो पावर को जो है वो जनरेट कर पाते हैं। नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड स्टोरेज की बात की जा रही है, तो गाइज ये क्या है, ये बैटरी स्टोरेज पर फोकस किया जा रहा है कि इंडिया में ही हम लोग जो है वो बैटरीज बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर बैटरीज, और इंडिया के अंदर ही हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे फेम स्कीम के थ्रू, मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा। तो इंडिया जो है गाइज उसमें हम लोग को प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी, हम लोग तो फेम स्कीम के थ्रू यहां पर इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलती है बैटरी के ऊपर, और बैटरी के लिए हम लोग डिपेंडेंट किसके ऊपर थे, चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर एंड वेरियस कंट्रीज, राइट। तो इस पर हम लोग को देखने को मिला कि ये जो नेशनल मिशन आया है ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज के नाम का, हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जिसको अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने कि इस मिशन को जो है वो सेटअप किया जाएगा, तो इसके माध्यम से हमारे इंडिया के अंदर ही फेज्ड वाइज यानी कि अलग अलग फेसेज में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बैटरीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती है बैटरी, राइट। और उससे क्या होगा, अगर इंडिया के अंदर ही बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हम लोग को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज के ऊपर, इंपोर्ट हमारा कम होगा, इंपोर्ट अगर हमारा कम होगा तो हमारे पैसे काफ़ी ज़्यादा बचेंगे, राइट, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। तो ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी काफ़ी बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स है वो याद रखिएगा। और ये मिशन जो है गाइस ये इंटर मिनिस्टेरियल स्टीयरिंग कमिटी के द्वारा हम लोग को देखने को मिलेगा, और इस कमिटी को जो है वो हेड करेंगे नीति आयोग के CEO, राइट। और अलग अलग फेसेस में ये प्रोग्राम होगा, उतना डिटेल में मत जाओ कि ये प्रोग्राम जो है वो कौन से फेसेस में होगा, क्या होगा, वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके फायदे क्या होंगे, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब रोडों में चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर मतलब अगर ग्लोबल लेवल की पॉल्यूटेड सिटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया भर में कौन सी सिटीज़ पॉल्यूटेड हैं, तो टॉप 10 सिटीज़ में से 7 सिटीज़ इंडिया की हैं टॉप 10 में से, और गुरुग्राम सबसे नंबर 1 पर है एयर क्वालिटी के मामले में, राइट, पॉल्यूशन के मामले में। तो हम लोग को क्या करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा जो टारगेट है उसको हम लोग को अचीव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग को जनरेट करना है, राइट। ईज ऑफ लिविंग भी ये प्रमोट होगा इससे, राइट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होगा, क्योंकि वेरियस कंपनीज आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, यहाँ पर काम करेंगी, राइट, MNCs वगैरह, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेक इन इंडिया स्कीम जो है या प्रोग्राम जो है आप बोल सकते हो, तो उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अब उन्नति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने डेवलप की है एक नेशनल स्ट्रेटजी जिसके थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी को एक्सेलरेट करने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर, और ये उन्नति के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेटजी का नाम है उन्नति, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम पावर को जनरेट करें, कम से कम जो है वो हम लोग पावर को यूटिलाइज करें और उसका मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बल्ब जलाया, राइट, तो बल्ब में आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो और आपको उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिले, रोशनी ज़्यादा मिले, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो, तो इस पर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी पर काम चल रहा है, राइट। अलग अलग इनोवेटिव तरीके ढूंढे जा रहे हैं, राइट, और ये BEE के द्वारा हम लोग को देखने को मिली है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, राइट। तो इन्होंने एक नेशनल स्ट्रेटजी इसको लेकर डेवलप करी है। BEE क्या है, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि ये बॉडी जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैचुटरी बॉडी है, स्पेशली प्रीलिम्स में कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, राइट। अब DSIB के बारे में बात करें तो गाइस डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैटेगराइज किया है IDBI बैंक लिमिटेड को एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक रेगुलेटरी पर्पस के लिए। तो देखो मेन चीज आपको याद रखना है कि ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से होते हैं, तो ये SBI है, दूसरा ICICI और तीसरा HDFC है। ये तीन बैंक के नाम रट लो, ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। ये ऐसे बैंक है कि टू बिग टू फेल इनको बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि ये टू बिग टू फेल है, इतने बड़े बैंक है कि हम लोग जो है उसको फेलियर इसका एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी कि बैंक अगर दिवालिया निकल जाएगा तो हमारी पूरे इंडिया की इकोनॉमी जो है उसमें बड़ा मेजर खतरा बन सकता है। तो इसलिए इनको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स या फिर DSIB के नाम पर जो है वो रखा गया है, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रखिएगा, तीनों बैंक्स के नाम आपको रटे होने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि एक टास्क फोर्स बनाया है जिसमें फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर उषा थोराट जी हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ये क्या करेंगी, ऑफशोर रूपी मार्केट जो है गाइस उसको एग्जामिन करेंगी और उससे रिलेटेड जो है वो अपनी रिपोर्ट्स में बताएंगी कि ऑफशोर रूपी मार्केट्स जो है उसके जितने भी चैलेंजेस हैं, इश्यूज वगैरह जो चल रहे हैं उसको कैसे टैकल करना है। तो ये फिर अपनी पॉलिसी बताएंगी और इन फ्यूचर अभी बताएंगी, तब मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, राइट। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं सब बताया जा रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए। फिस्कल की अगर हम लोग बात करें, जहां पर भी फिस्कल वर्ड सुनो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सरकार जो खर्चा करती है, राइट, तो उसको फिस्कल बोलते हैं, राइट। फिस्कल डेफिसिट अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में है सरकार जो है वो खर्च कर रही है, राइट। अब सरकार किस पे खर्च करती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सैलरी देने पे लोगों को, तो वेरियस उसके खर्चे होते हैं सरकार के। तो ये बोला जा रहा है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे NK सिंह जी, तो इन्होंने गाइस एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी थी। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 2017 की अपनी रिपोर्ट में, एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करी थी, और इस कमेटी के हेड ही थे ये एनके सिंह जी, तो इसमें इन्होंने बोला था कि इंडिया को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली फिस्कल काउंसिल पे काम करे, इस फिस्कल काउंसिल की तरह होना चाहिए, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि फिस्कल पॉलिसी या उनसे डील करे, राइट। तो उस चीज़ को बताया जा रहा है कि ऐसा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि एनके सिंह जी के द्वारा इस प्रकार का हम लोग को एक वो मिलना चाहिए, यानी कि एक काउंसिल होना चाहिए इस प्रकार का, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करेगी सरकार जो है वो कहां पर कितना खर्च कर सकती है। और आर्टिकल 293 के सेक्शन 3 में आप लोग को मिल जाएगा कि स्टेट कैनॉट बोरो और रेज फंड्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स विदाउट सेंटर्स कंसेंट, बिना सेंटर के कंसेंट के, यानी कि बिना
सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के अप्रूवल के, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये ना अपना फंड बढ़ा सकती है, रेज कर सकती है, ना बोरो कर सकती है, राइट. तो इस पर फोकस किया गया कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल जो है वो बनाना चाहिए, जो कि सरकार कितना खर्चा कर रही है, कहाँ से वो अपना फंड रेज कर रही है, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको एनालाइज कर सके, राइट. तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके बारे में. इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है. अब ये दोनों जो है वो अपने कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट जो है वो एक्सचेंज करेंगे. कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट की ईजी तरीके से मैं अगर आपको समझाऊँ तो देखो गाइस, कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो ऐसी जगह पर रजिस्ट्रेशन कराती है अपनी कंपनी का. आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, यानी कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हो गई या फिर जितनी भी हम लोग ई कॉमर्स कंपनीज की स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो ये क्या करती हैं, ये ऐसी जगह पर अपनी कंपनी को यानी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर लेती हैं, रजिस्टर कर लेती हैं ऐसी लोकेशन पर, ऐसी कंट्री में जहाँ पर उनको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े, जहाँ पर उनको कम से कम लाइबिलिटीज़ जो है वो यानी कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़े, यानी कि टैक्सेस कम करने पड़े. सीधी बात, जैसे कि अच्छा एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है, एक इंडियन की है फ्लिपकार्ट, राइट. इंडिया में बहुत माल बेचती है वो फ्लिपकार्ट, हम लोग को देखने को मिलता है. बट फ्लिपकार्ट रजिस्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में रजिस्टर है. तो हो क्या रहा है, ये इशू चल रहा है और ये दुनिया भर में चल रहा है, ना ही सिर्फ इंडिया में. तो यूनाइटेड स्टेट्स की अमेजोन आप जानते ही हो उसको, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने और इंडिया ने जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसमें ये दोनों कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट जो है वो अपनी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. इसमें क्या होगा कि इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक्ट जो है गाइज, उसके तहत जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज से जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा सामान इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो इनसे जो है वो अपने इनकम टैक्स की स्टेटमेंट जो है वो मांगेंगे, राइट. तो और वो उन स्टेटमेंट देने से इनकार नहीं कर सकेंगी, और फिर उसको एनालाइज किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या इशू हो रहा है, और उनको कुछ ना कुछ सेज या फिर टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे, राइट. इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वो माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया में माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, बट वो इनकम टैक्स जो है वो कहीं और किसी और कंट्री में पे कर रहे हैं, राइट, जहाँ पर उनको कम टैक्स लगता है. तो ये ऐसा इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है. बात करें नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में गाइस, तो देखो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूरे के पूरे शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद लेगी, और ये खरीद लिए हैं इनने. अब नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1450 करोड़ रुपए जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नेशनल हाउसिंग बैंक को खरीदने के लिए, राइट. तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो चुकी है पूरी की पूरी, ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा. और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 को अमेंड किया गया था 2018 में, और उसी के थ्रू पूरा का पूरा जो शेयर्स है आरबीआई का नेशनल हाउसिंग बैंक का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया है. नेशनल हाउसिंग बैंक एक एपेक्स एजेंसी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था कि हमारे इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए, कि लोग बाग जो है वो घर खरीदने के लिए लोन्स वगैरह ले लें, उनको घर खरीदने के लिए लोन्स वगैरह मिल जाए, तो इस पर जो है ये ऑपरेट करती है, राइट. अब ओनरशिप जो है वो चेंज हो गई है, अब आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ओनरशिप चली गई है. इसका मतलब ये है कि आरबीआई के ऊपर जो बैंकिंग रेगुलेटर होता है यानी कि एनएचबी के ऊपर जो रेगुलेट करती थी, अब वो रेगुलेट नहीं कर पाएगी. अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस पर कानून नियम बनाएगी, उसको मॉनिटर करेगी एनएचबी को. गाइस अब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इस स्कीम को जो है वो अप्रूवल दे दिया गया है. इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट करने की बात की जा रही है, और फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. अब ये पूरा मामला क्या है, इस चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझो. तो देखो गाइस, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारे जो फ्यूल्स हैं यानी कि जो पेट्रोलियम है, डीजल्स है, इनको बायो फ्यूल्स के साथ मिक्स करने की बात की जा रही है, ब्लेंड करने की बात की जा रही है, और इसमें हम लोग 2G इथेनॉल सेक्टर या फिर 2G इथेनॉल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सेटअप करेंगे, राइट. और इसमें सरकार जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, इंसेंटिव्स देगी ऐसी इंडस्ट्रीज को, ऐसी कंपनी को जो कि 2G इथेनॉल सेक्टर पर काम करती हैं, राइट. और फोकस किया जाएगा कि हम लोग जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस 2G इथेनॉल सेक्टर में जो है वो एनहेंस करें, इंक्रीज करें, और अलग अलग फेजेस में होगी ये, फेज 1 फेज 2 में हम लोग को देखने को मिलेगी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. मेन चीज याद रखो कि इस स्कीम के थ्रू हम लोग बायोफ्यूल को फॉसिल फ्यूल्स के साथ जो है वो मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेंड करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे धीरे धीरे करके. इससे क्या होगा कि हम लोग जो फ्यूल्स वगैरह इंपोर्ट कराते हैं अलग अलग कंट्री से, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ईरान से आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है इंपोर्ट कराना. सऊदी अरेबिया में आपने देखा कि कितना बड़ा अटैक हुआ है, तो उसके बाद हम लोग इंपोर्ट नहीं करा पा रहे हैं उससे भी, राइट. उसने इंपोर्ट नहीं करा पा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि अटैक होने के बाद, यानी कि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो उसके जो मेजर जो प्लांट्स हैं जहाँ पर फ्यूल्स वगैरह ये प्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो उस प्लांट के ऊपर जो है वो अटैक हो गया है, राइट. तो बहुत मेजर अटैक है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो अभी पढ़िएगा इसके बारे में भी थोड़ा सा. तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो फ्यूल्स हम लोग इंपोर्ट कराते हैं तो वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, और उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसी प्रॉब्लम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो सकती है, राइट. और जैसे कि फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जिस रेट में, जिस तेज़ी से, जिस गति से हम लोग आज की रेट में फॉसिल फ्यूल्स का
फ्यूल जनरली फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं उसी तेजी से अगर करते रहे तो आने वाले 40 सालों में पूरे दुनिया भर में से फ्यूल का रिजर्व जो है या फिर फॉसिल फ्यूल्स का रिजर्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम डीजल पूरी तरह से आने वाले मात्र 40 सालों में खत्म हो जाएंगे। इसलिए टारगेट किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों पर इस प्रकार की स्कीम्स के ऊपर कि हम लोग बायोफ्यूल्स वगैरह बना लें, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को तैयार करें जो कि बायोफ्यूल बनाए। इस बायोफ्यूल से क्या फ़ायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, किसानों के जो वेस्ट होते हैं यानी कि जो क्रॉप रेसिड्यूज़ वगैरह होते हैं उसको किसान यहाँ पर भेज देंगे राइट इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहाँ पर बायोफ्यूल बन सकेगा। सेकेंडली कई बार किसान क्या करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, वो अपने खेतों में आग लगा देते हैं और खेतों में आग लगने के बाद क्या होता है कि एक्स्ट्रा पॉल्यूशन होता है। आपको पता होगा पंजाब में हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो रहा था, न्यू दिल्ली पर इसका बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ा था राइट, पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया था। तो ये स्टबल बर्निंग का केस जो है वो कम हो जाएगा, फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। गवर्नमेंट का टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक, तो वहाँ पर भी फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। तो मल्टीपल चीज़ें हम लोग को इंटरलिंक यहाँ पर देखने को मिल रही हैं राइट, अगर हम लोग 2G इथेनॉल सेक्टर को जो है वो एनहेंस कर देते हैं तो राइट, इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भी रिडक्शन होगा। बायोफ्यूल्स होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एनवायरनमेंट को उतना हार्म नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स राइट। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर हम लोग काम कर ही रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ हम लोग को तीन चार चीज़ें भी और मतलब अलग से जो है वो रेडी करने की आवश्यकता है। एनवायरमेंट कंसर्न को एड्रेस करना इसका टारगेट है, हेल्थ जो है सिटीजन्स की उसको इम्प्रूव करना, एयर क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करना राइट, फार्मर्स की इनकम को ये इम्प्रूव कर लेगा जो मैंने भी आपको बताया था। रूरल और अर्बन एरियाज पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट्स के थ्रू राइट, और बायोमास सप्लाई चेन के थ्रू। स्वच्छ भारत मिशन में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो वेस्टेज जो होते हैं यानी कि क्रॉप या एग्रीकल्चरल वेस्ट तो वो खराब नहीं होंगे, उसको हम लोग उपयोग कर पाएंगे राइट। और हाईलाइट की अगर हम लोग बात करें इस स्कीम की, तो सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी CHT जिसको बोलते हैं, ये एक टेक्निकल बॉडी है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है, और ये CHT ही है जो कि इस प्रधानमंत्री जीवन योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है राइट। और ये बताया जा रहा है कि इथेनॉल जो प्रोड्यूस किया जाएगा गाइस, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा जो बेनिफिशरीज के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि जो 2G इथेनॉल सेक्टर की जो कंपनीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी इस स्कीम के थ्रू, तो ये क्या करेंगी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपना बायोफ्यूल जो है वो बेचेंगी, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो इस पर्टिकुलर इनके बायोफ्यूल्स को जो नॉर्मल जो फॉसिल फ्यूल्स है पेट्रोलियम डीजल है उसके साथ ब्लेंड कर देंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये प्रोग्राम चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का, ये 2003 से चल रहा है जहां पर हम लोग इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर रहे हैं यानी कि मिक्स कर रहे हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ पाए। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है गाइस इन ये बता रहे हैं कि ये पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल को ब्लेंड कर सकते हैं, 10% तक इथेनॉल को ब्लेंड कर सकते हैं राइट। इससे क्या होगा, कम से कम पेट्रोल लगेगा और पेट्रोल के रेट्स वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे, आप देख ही रहे हो पेट्रोल के रेट कितनी तेजी से आसमान छू रहे हैं। और ये इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोजेक्ट जो है गाइस या प्रोग्राम जो है ये हमारी कंट्री की 21 राज्यों में और 4 UT में जो है वो इंप्लीमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो रिलीज कर दी है, इनकी रिपोर्ट में पता लगेगा कि कौन सी कंट्रीज के पास कितना गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व है। तो इंडिया जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड के मामले में, इंडिया में सभी लोग को गोल्ड पसंद है, पप्पी लहरी जी आप जानते ही हो, और सभी लोग मतलब बहुत पसंद करते हैं गोल्ड को, हर कोई चाहता है कि उसके गले में सोने की चेन हो, वुमेन जो है वो चाहती है कि उनके पास बड़े बड़े बैंगल्स हो राइट, नेकलेस हो गोल्ड के, तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया के पास फेवरेबल हम लोग को देखने को मिलता है। बट इंडिया जो है वो 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है पूरी दुनिया भर में, इंडिया गोल्ड रिजर्व के मामले में 11वें नंबर पर आती है, और हमारे टेंपल्स में आप जानते हो कितना सारा गोल्ड है, बट देन टू वर्ल्ड लेवल की यहाँ पर बात हो रही है तो 11वें नंबर पर इंडिया है, ये चीज़ याद रखिएगा। 607 टन हमारे पास गोल्ड है, इतना ये टन वन याद मत रखो, बोल सकते हो कि मोर देन 600 टन जो है वो हमारे यहाँ गोल्ड है, तो ये राउंड फिगर में याद रखो, एग्जैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है, एग्जैक्ट लिखोगे और क्या पता मेंस में गलत लिख दिया और बाई चांस आपके आपके जो कॉपी चेक कर रहा है उसने चेक कर लिया एग्जैक्ट डेटा, तो आपके वो मार्क्स काट सकता है, तो उनको मौका मत दो मार्क्स काटने का। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये तीसरे नंबर पर आती है गोल्ड रिजर्व के मामले में, 2814 टन IMF के पास गोल्ड है। टॉप नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, इनके पास 8133.5 टन गोल्ड है। इसके बाद आती है जर्मनी 3369.7 टन की। और एशिया की अगर हम लोग बात करें और इंडिया से एशियन कंट्रीज को कंपेयर करें तो चाइना और जापान के पास हमसे ज्यादा जो है वो गोल्ड है, प्रीशियस मेटल हमसे ज्यादा है राइट। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो इनका मकसद यही होता है कि यानी कि पहली बात तो याद रखना कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहां पर गोल्ड माइनिंग्स होती हैं यानी गोल्ड माइन जहां जहां पर जिस जिस कंट्री में होती है उस कंट्री के मेंबर्स जो होते हैं वो इस काउंसिल में हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस काउंसिल का एम ये होता है कि गोल्ड को सस्टेनेबल तरीके से और मतलब उसकी डिमांड जो है वो सस्टेनेबल तरीके से रहे और उसके प्राइजेस भी जो है वो एकदम से बढ़े नहीं घटे नहीं, तो इस पर ये काम करती है राइट कि गोल्ड की डिमांड जो है वो सस्टेन तरीके से इसकी डिमांड जो है वो मेंटेन रहे राइट।
अब इंडिया जो है गाइस, इसने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, 250 मिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया है। इस 250 मिलियन यूएस डॉलर से फायदा यह होगा कि जो है फोकस किया जा रहा है कि जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं, जो महिला हैं जो गांव क्षेत्रों में रहती हैं, तो उनको जो है वो वेरियस अलग अलग चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए क्रिएट किया जाएगा जहां पर उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सके, राइट, जहां पर वो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग प्रोडक्ट्स पर जो है वो काम कर सके, उनकी एंटरप्रेन्योर वगैरह बन सके और ऐसे इंटरप्राइज या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ओपन करने की बात की जा रही है। हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहे तो फरवरी 2019 की मंथली मैगजीन में हमारी देख सकते हैं आप। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की बात करें तो गाइस ये पॉलिसी आ गई है, इंश्योर ये किया जा रहा है इस पॉलिसी के थ्रू कि जो माइनिंग सेक्टर जो है उसका डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से चले, राइट, माइनिंग जो है वो सस्टेनेबल तरीके से हो, इस पर फोकस हो रहा है ये। और 2008 की जो नेशनल मिनरल पॉलिसी थी गाइस, इसको ये रिप्लेस कर रही है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, राइट, क्योंकि इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी वो 2008 की थी। फोकस किया जा रहा है कि माइनिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, बेटर रेगुलेशन हो, बेटर मॉनिटरिंग हो, बेटर इन्फोर्समेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, राइट, मैंने कि जो भी जो सरकार की तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स आते हैं तो उसको बेटर तरीके से इन्फोर्स कर सकें, उस नॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर सकें। सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में बैलेंस हम लोग को देखने को मिले, साथ ही साथ सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग प्रैक्टिस हो, तो इस पर ये फोकस करती है। तो इसमें माइनिंग सेक्टर को बूस्ट करने पर ये पॉलिसी जो है वो लाई गई है इंडिया के अंदर, इंकरेज किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को, इसका स्पेशल बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं हाईलाइट जो है इसका स्पेशल मेजर जो हाईलाइट है वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर है। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो माइनिंग एक्टिविटीज में आए और इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिलैक्स की गई हैं। अब इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर जब माइनिंग एक्टिविटीज में आएगा तो हमारी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी जो है वो भी इम्प्रूव होगी, राइट, और इसमें प्राइवेट अट्रैक्ट किया जा रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वेरियस इंसेंटिव्स के थ्रू सरकार के द्वारा, राइट, तो इस पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बात हो रही है फाइन के बारे में, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो ये क्या है गाइज, तो पहले तो समझ लो फाइन के बारे में। फाइन जो है गाइज एक इनिशिएटिव है जो कि राष्ट्रपति भवन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया भी के एसोसिएशन के साथ जो है ये ऑर्गेनाइज होता है। अभी हम लोग को रिसेंटली देखने को मिला था कि गुजरात गांधीनगर के अंदर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उद्घाटन किया था फाइन का, और साथ ही साथ इन्होंने 10th बाइनियल नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड भी प्रेजेंट किया। तो एक ऐसा फेस्टिवल है ये जहां पर हमारी कंट्री के जितने भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी इनोवेशंस होते हैं, वो यहां पर डिस्प्ले किए जाते हैं और उनको देख कर जो भी बेस्ट इनोवेटिव चीज़ होती है उसके ऊपर जो है ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि जिसने भी वो इनोवेशन बनाया हो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ईज रिफॉर्म इंडेक्स की बात की जा रही है, ईज का फुल फॉर्म है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस रिफॉर्म इंडेक्स। तो गवर्नमेंट ने इस ईज रिफॉर्म इंडेक्स को जो है वो रिलीज किया है। ईज इंडेक्स जो है ये प्रिपेयर किया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब गाइस यहां पर फोकस क्या किया जा रहा है कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको बूस्ट करने की बात की जा रही है, उनको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है और उनको रैंक किया जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज में, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट ऑफ टेक और डिजिटलाइजेशन, ये अलग अलग कैटेगरीज में उनको रैंकिंग दिया जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि इनको अलग अलग कैटेगरी में जो रैंक मिलेगी उस रैंक को वो देखकर जो है वो अपने आप में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें क्या आया है, इसमें बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है ये टॉप लिस्ट में है और उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ये कुछ चार आपको बैंक मिल रहे हैं जो कि टॉप लिस्ट में हम लोग को इसके देखने को मिल रहे हैं, यानी कि काफी अच्छे बैंक हैं ये, राइट, सर्विसेज के मामले में। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की बात करें, जीएसपी की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से जो है वो हटा दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों और ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो गाइस देखो ये अमेरिकन बिजनेस प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अमेरिका का है। इस प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका क्या करता है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज, उनको जो है ये ड्यूटी फ्री इनके प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने पास ले लेता है। आप देखो गाइस कभी भी किसी भी कंट्री में कोई प्रोडक्ट भेजना होता है तो जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट जाता है वो कंट्री जो है वो अपनी बॉर्डर पर उस प्रोडक्ट को रोकती है और उससे कस्टम ड्यूटीज जो है वो चार्ज करती है, राइट, तब जाकर वो प्रोडक्ट जो है वो किसी कंट्री में एंटर होता है। यहां पर काफी कम ड्यूटीज लगाई जाती हैं इस जीएसपी प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि इंडिया से कोई सामान जा रहा है तो इंडिया के जो सामान होते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं उन पर सब्सिडी नहीं लगती थी, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया है कि ये जीएसपी को जो है वो इंडिया के लिए टर्मिनेट कर देगा, यानी कि अब इंडिया से जो यूएसए में सामान जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, उस पर ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अर्लियर वन। अब यहां पर जो ड्यूटी फ्री है इसमें आप ये मत समझना कि बिल्कुल जीरो सब्सिडी लगेगी, फ्री में सामान चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। एज कम्पेयर टू जैसे कि जो उनके रूल्स होते हैं, जैसे कि उनके रूल्स में मान लो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अंदर आ रहा है तो उस पर 8% जो है वो सब्सिडी लगेगी, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो 8 की जगह 4 लग जाएगी, तो ऐसा होता था, राइट, बट अब ऐसा नहीं है।
इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। तो ये जीएसपी आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। और जीएसपी जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1976 को ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के थ्रू, राइट। और इंडिया और यूएसए के ट्रेड की बात करें गाइस, तो इंडिया जो है वो फेवरेबल साइड पे है, यानी कि हमारे पास ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ 27.3 बिलियन US डॉलर का, यानी कि हम लोग को फायदा मिलता है यूएसए के साथ ट्रेड करने से, राइट। और 2017 में 126 बिलियन US डॉलर का हमारा ट्रेड हुआ था यूएसए के साथ, और यूएसए हमको एक्सपोर्ट करता है 49.4 बिलियन US डॉलर का प्रोडक्ट, और हम जो है वो यूएसए और वो इम्पोर्ट करता है हमसे 76.7 बिलियन US डॉलर का प्रोडक्ट। अब आप देखो 46 वो एक्सपोर्ट कर रहा है, 76 इम्पोर्ट कर रहा है, तो सिंपल से के तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया को इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि कंट्री को कैसे फायदा होता है जब कंट्री एक्सपोर्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा। ईजी तरीके से याद रखो चीज़ों को। अब देखो इंडिया यूएसए को क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल, फ्रूट, वेजिटेबल, हैंडीक्राफ्ट, केमिकल, फिशरीज प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अमेरिका क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, मशीनरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, आईटी प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव व्हीकल्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अब देखो अब हम लोग को जानेंगे कि कैसे ये क्यों ये यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि इंडिया को जीएसपी की लिस्ट से हटा दिया जाएगा, यानी कि इस प्रोग्राम का बेनिफिट इंडिया को अब नहीं मिलेगा। तो उसका रीज़न है हार्ली डेविडसन, लिटरली हार्ली डेविडसन उसका रीज़न है। अब देखो क्या हुआ था गाइस, ये इसके 3-4 रीज़न है, पहले तो जो दिखा रहे हैं ये रीज़न उसको हम लोग समझेंगे और जो हिडन है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखो गाइस पहली चीज़ तो आप जानो कि अभी तो ये बताया जा रहा है कि अब जो है वो आने वाले समय में जब हम लोग यूएसए को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग के ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगेगी, ये तो कंफर्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। और केमिकल प्रोडक्ट्स जो है बताया जा रहा है कि उनके ऊपर 5% तक ड्यूटी जो है वो बढ़ सकती है केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अमेरिका ने कई 25% टैरिफ जो है वो इंडियन स्टील और 10% टैरिफ एल्यूमिनियम पर इम्पोज कर दिया था। अब ये ट्रेड वॉर की कहानी है अमेरिका और चाइना की, उस बीच में इंडिया फंस गई थी, अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। अब यूएसए ने क्या किया, और भी काफ़ी कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड वॉर कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड वॉर किया, इंडिया के साथ ट्रेड वॉर किया स्टील और एल्यूमिनियम में। तब क्या किया इसने, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ जो है वो इंक्रीज कर दिया। हमने क्या किया यूएसए के लिए, हमने इनके 100% टैरिफ जो है वो हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर जो है वो लगा दिया। यानी कि अगर हार्ले डेविडसन की बाइक जैसे मान लेते हैं 2 लाख रुपए की आ रही, हालांकि महंगी आती है, और 2 लाख रुपए की बाइक हम लोग को जो मिल रही है हार्ले डेविडसन की और जिसको हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, जैसे कि यूएसए में वो बाइक आपको 2 लाख की मिलेगी, अब उसी बाइक को जब आप इंडिया में खरीदोगे तो वो 4 लाख की मिलेगी। 100% टैरिफ जो है उसमें इंक्रीज कर दिया था, 100% टैरिफ, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब देखो इससे यूएसए चढ़ गया, यूएसए ने बोला कि नहीं ये तो गलत है, और इसीलिए यूएसए ने इस चीज़ से हटा लिया। अब ये तो दिख रहा है, राइट, बट जो नहीं दिख रहा है उसकी बात करें तो यूएसए लेकर आया है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को। आज की डेट में यूएसए का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अमेरिकन को देखेंगे, हम दूसरी कंट्रीज को नहीं देखेंगे, हम अमेरिकन के फायदे को देखेंगे। यूएसए ने स्ट्रेटेजिकली सोचा कि इंडिया जो है वो जस्ट आप देख सकते हो कि लगभग डबल टाइप का, जैसे कि 40 अभी हमने बात करी थी कि 40% 49% और 76% आप कह सकते हो जस्ट डबल, राइट, कि जितना यूएसए इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करती उससे डबल जो है वो इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट कर देती है। तो इससे यूएसए ने देखा कि यार हमारे जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, काफ़ी मतलब जो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लॉस है इनके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, तो उनको जो है वो इनको बढ़ाना है। तो ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भी आप इसमें घुसेड़ सकते हो इस आंसर में। अब यहाँ पर टीएमए की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, इन्होंने एक स्कीम को नोटिफाई किया है जिस स्कीम का नाम है टीएमए, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। अब ये बताया जा रहा है कि ये स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो लाई गई है ये स्कीम। मतलब क्या है इसका, तो इसमें फोकस किया जा रहा है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें किसानों को नुकसान होता है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में। जब किसान को किसी प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो उसमें उसका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने पे ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये टीएमए स्कीम के थ्रू जो कई सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, यानी कि इसकी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, कि उन प्रोडक्ट्स को जब एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर कम से कम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट चार्जेस जो है वो लगेंगे, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है और उस पर गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी और उससे फार्मर को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूपी डॉलर स्वैप ऑक्शन टूल के बारे में। तो देखो गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसों का सर्कुलेशन सही तरीके से चलते रहे, इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहे, तो इसलिए उसके लिए वो अलग अलग टूल्स का उपयोग करती है, जैसे कि रेपो रेट हो गया। रेपो रेट कम ज़्यादा करके जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर या फिर इकोनॉमी के अंदर कंट्री के अंदर जो है वो पैसों का सर्कुलेशन सही तरीके से रहे, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ना हो, राइट, स्टेबल रहे इकोनॉमी, तो उस पर जो है ये काम करती है। और भी काफ़ी सारे इनके टूल है जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें वो बॉन्ड्स वगैरह परचेज करके जो है वो फंड वगैरह को जो है वो रेज करती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो इस प्रकार के टूल्स आरबीआई के पास है, उनमें से एक इनका टूल है वो है रूपी डॉलर स्वैप ऑक्शन। तो इसमें क्या होता है गाइस, अभी ये बताया जा रहा है कि पहली बार फर्स्ट टाइम इस टूल को आरबीआई जो है वो यूज़ कर रही है
इस टूल के माध्यम से ये क्या कर रही है, 35,000 करोड़ रुपए इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो है वो मतलब इन्फ्यूज कर रही है, यानी कि डाल रही है। अब इससे क्या कर, मतलब इसका कहना मतलब क्या है, मतलब यानी कि ये हो क्या रहा है रुपी डॉलर स्वैप ऑप्शन के चलते। तो देखो जितने भी हमारे बैंक से गाइज उनके पास रखा रहता है कुछ डॉलर, राइट, उनके पास रिजर्व रहते हैं कुछ डॉलर्स का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतने डॉलर्स उनसे परचेज करेगी और उन पर्टिकुलर बैंक्स को जो है वो यानी कि डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करके रुपी करेंसी जो है वो उनको दे देगी। और ये टोटल 3 सालों के लिए है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 3 ईयर्स के लिए ये हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि जो इस टूल का इस्तेमाल जो है वो मतलब 3 सालों के लिए करेगी। और 3 सालों के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि जितना भी डॉलर RBI के पास जमा है उस डॉलर को जो है वो वापस बैंक को जो है वो दे दिया जाएगा और उनसे रुपीज ले लिया जाएगा। तो ये 3 ईयर्स के लिए किया जा रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर आज की डेट में पैसों का सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, काफी सारे बैंक जो है वो NPA हो चुके हैं, इकोनॉमी हमारी जो है वो स्लो डाउन की स्थिति में है और पैसों का सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए या फिर आप कह सकते हो 5 बिलियन US डॉलर जो है वो मार्केट में इन्फ्यूज किए जा रहे हैं या फिर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज किए जा रहे हैं RBI के द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि लगभग मार्च 2022 तक जो है ये इनका खत्म हो जाएगा और उसके बाद मार्च 2022 में जितने भी बैंकों ने RBI को जो डॉलर्स दिए थे वो मतलब वो बैंक जो है वो उनको वापस लेना पड़ेगा, राइट, यानी कि मार्केट में कुछ समय तक पैसों को रोटेट करके जब स्थिति सही हो जाएगी तब RBI वापस रिजर्व जो है वो अपना मेंटेन कर लेगी। तो ये एक फोकस हम लोग को देखने को मिला और ये पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट कैटेगरी के ही बैंक को अलाउ किया गया है इस टूल के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए। बताया जा रहा है कि इंडिया का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो आ चुका है और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट टूल है गाइज जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चलो इसको ईजी तरीके से समझो। देखो आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं गाइज, लोग प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, राइट, वेट करते हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, वेट करते हैं और जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देते हैं, राइट, ऐसा हो रहा है मार्केट में, सभी लोग देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। बट आज की रेट में और आज से 10 साल पहले को अगर आप कंपेयर करो तो आपको नोटिस होगा कि एकदम से प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, जो मिडिल इनकम स्लैब के जो लोग हैं, राइट, तो उन लोग क्या हो पा रहे हैं, वो महंगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे और आज की रेट में सभी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ चुके हैं। तो और इसका मकसद ये है बेसिकली इस REIT के आने का कि मार्केट के अंदर पैसों का रोटेशन हो, राइट, कि लोग बाग के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं बट लोग बाग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसा कम है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि 40 लाख का एक प्लॉट है, अब एक मिडिल इनकम स्लैब वाला इंसान 40 लाख के प्लॉट में थोड़ी ना इन्वेस्ट कर पाएगा और अगर वहीं अगर 2-3 लाख रुपए की बात होती तो मे बी शायद वो इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इसीलिए ये REIT को लाया गया, इंडिया के अंदर पहली बार ये आया हुआ है और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो अलग अलग कंट्रीज में ये ऑपरेट होता है। तो अब ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें कि कहीं एक्चुअल में प्रॉपर्टी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जैसे कि हम लोग जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह परचेस करते हैं ये उसी प्रकार का होगा, इसमें मिनिमम 2-3 लाख रुपए का स्लैब है, उतना याद मत रखो, बट हाँ मिनिमम 2-3 लाख का स्लैब मतलब यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलता है कि उससे कोई भी इंडिविजुअल जो है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे उनको जो है वो डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये 2 तरीके से ऑपरेट करते हैं, एक इनका इक्विटी के थ्रू होता है और दूसरा होता है मॉर्गेज के थ्रू। इक्विटी के थ्रू यानी कि ये REIT क्या करती है गाइस, ये तो REIT के पास आप पैसा जमा कर दोगे इन्वेस्ट कर दोगे। RTI क्या करेगी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेगी, उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देगी, उस रेंट से जो पैसा आएगा फिर वो बांटेगी लोगों में, राइट, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करे यानी कि रिटर्न करेगी उनके पैसों को। तो ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा है, अच्छा। सेकेंडली क्या होता है, मॉर्गेज तरीके का एक प्लान होता है इनका और तीसरा प्लान होता है हाइब्रिड का। ये अभी इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं, हालांकि इतना डिटेल में रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहो तो कहीं भी लिख लो, इनके 3 प्लान्स हैं, एक इक्विटी, दूसरा मॉर्गेज और तीसरा हाइब्रिड। इक्विटी का मैंने आपको बता दिया कि रेंट वगैरह से जो है वो पैसे रिटर्न होते हैं तो फिर वो इन्वेस्टर्स को मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा मॉर्गेज होता है, जैसे कि जो REIT जो है ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, एक बड़ा कमर्शियल मॉल खरीद लेगी, बिल्डिंग खरीद लेगी, कुछ समय के बाद उसको बेच देगी, राइट, तो ये क्या हो गया, मॉर्गेज कर दिया अन्य, राइट, तो ऐसी चीज़ होती है। और सेकेंडली हम लोग को देखने को मिलता है कि कई सारे लोग जो होते हैं यानी कि मॉल वगैरह खरीदने वाले, ये REIT से पैसे उधार ले लेते हैं और ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर लेते हैं। जैसे किसी को अगर मॉल खोलना है, मॉल बनाना है अपना, राइट, उसके लिए अगर उनको पैसा चाहिए तो REIT के पास आएंगे, लोन लेंगे और उनको जो वो लोन रिटर्न करेंगे उस जो इंटरेस्ट जो देंगे वो इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा मतलब यानी बेनिफिट रहेगा उसका, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, ये मॉर्गेज की कैटेगरी में आती है। तीसरा होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड में ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, वो REIT जो होती है वो अपने हिसाब से जो है वो इन्वेस्टर्स को यानी कि टैकल करके कि जहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करती है और उस प्रकार से काम करती है और इन्वेस्टर्स को जो है वो रिटर्न करती है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि इन्वेस्टर्स को जो है वो खुद एक्चुअल में अलग अलग जगह प्रॉपर्टी को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उनको रिटर्न मिलता रहेगा। बट गाइस ये रिस्क भी बहुत है इसमें, रिस्क ये है कि पहली बात तो ये पहली बार ये हो रहा है इंडिया के अंदर और अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पहले का, प्रीवियस रिकॉर्ड की ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप पहले उसकी
तीन साल पाँच साल के रिकॉर्ड देखते हो कि कैसी कंपनी है एटलीस्ट, राइट? क्योंकि आज की डेट में तीन साल पाँच साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारी स्टार्टअप्स खुल गई हैं। वैसे जनरली जो लोग काफ़ी ज़रा जो मतलब जो सीरियस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक कंपनी को जो होता है वो जो पुरानी जो कंपनी होती है काफ़ी समय से चलती आ रही है, 20-30 साल का जिसका रिकॉर्ड है उस पर इन्वेस्ट करते हैं वो, राइट, सेफ रहने के लिए। तो अब क्या होता है कि लोगों के पास रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड को देखकर लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार हो रहा है, लोग का पैसा डूब भी सकता है, इसकी भी श्योरिटी नहीं है, राइट? तो ये एक बड़ा रिस्क है लोगों में, राइट? साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में नए नए ऑफिसेज खुलने वाले हैं, तब क्या होगा कि अब जैसे REIT ने एक बिल्डिंग बना ली, अब उस बिल्डिंग को वो रेंट दे रही है, कुछ समय के बाद आने वाले 10 साल में स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, एक नया मतलब जो है वो सेटअप हो गया, राइट, एक नई प्रॉपर्टी सेटअप हो गई, तो अब क्या होगा, अब पुरानी प्रॉपर्टी पे कोई नहीं जाएगा, लोग बैंक जो है वो नई प्रॉपर्टी पे जाकर अपनी दुकान खोलेंगे, रेंट लेंगे, राइट? तो इससे क्या होगा, जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट जो है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो नहीं मिल पाएगा, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे आने वाले समय में, तो उसका भी उससे भी इन्वेस्टर्स को जो है वो काफ़ी कुछ पैसा कट सकता है। तो ये एक कुछ रिस्क है जो कि जनरल तौर पर आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑरोरा बोरेलिस क्या है, जनरल तौर पर याद रखो ऑरोरा के बारे में, ठीक है? ऑरोरा तो ये इस प्रकार की, फोटो देख लो आप समझ जाओगे, ये देखो गाइस, ये आसमान के ऊपर इस प्रकार की जो शाइनिंग लाइटें होती है ना, तो ये होती हैं ऑरोरा, इनको क्या बोलते हैं, ऑरोरा कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये ऑरोरा, एक ऑरोरा बोरेलिस और दूसरा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरेलिस जो होता है गाइस, ये हम लोग को कनाडा यूएसए के आसपास देखने को मिलता है, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिस से समझ जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर पर हम लोग को ये देखने को मिलता है, या फिर आप सदर्न पोल की अगर बात करो, हेमिस्फीयर कहना सही नहीं रहेगा, पोल की बात करो, यानी कि पोलर एरियाज पर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये जो है ये डिस्प्ले ऑफ लाइट होती है, इतनी शानदार लाइट्स हम लोग को आसमान में देखने को मिलती हैं। ये बनती कैसे है तो अभी भी इसकी क्लियरिटी नहीं है कि कैसे बनती है, ये अलग अलग साइंटिस्ट अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, बट एक्चुअली में ठोर जो सबूत जो है वो किसी के पास नहीं है। बट एक चीज़ कॉमन है कि ये सोलार विंड्स के थ्रू जो है वो बनती है, सोलार विंड्स की मदद से ये बनती है, तो ये कुछ चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। इनको पोलार लाइट्स भी जो है वो बोला जाता है, पोलार लाइट्स क्योंकि पोलार एरियाज पर ये देखने को मिलती हैं। तो अभी एक जियो स्ट्रॉम हुआ था, यानी कि आप कह सकते हो कि सोलार विंड बहुत तेजी से आई थी, राइट? तो उससे कि हम लोग को देखने को मिला था कि एक जियो स्ट्रॉम जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, आप कह सकते हो कि हवा में जो है वो बहुत तेज जो है वो तूफान टाइप का आया था, तो उसके चलते नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में विटनेस किया गया ऑरोरा बोरेलिस, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब ये बनता कैसे है, तो उसमें मतलब इतना ठोर इनका सबूत नहीं है, बट कुछ की चीज़ें कॉमन है, बस वो याद रखिएगा, जैसे कि ये सोलार विंड के थ्रू बनता है, जो सोलार वेव्स आती हैं, सोलार स्टॉर्म्स जो आते हैं उनसे बनता है, और साथ ही साथ इसमें एक बड़ा रोल होता है हमारी मैग्नेटिक शील्ड का, बट अभी तक क्लियर नहीं है कि मैग्नेटिक शील्ड का जो है उसमें क्या रोल है, इसमें आज भी साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट? तो इस चीज़ को आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। प्रिज्मा सैटेलाइट, यूरोपियन वेगा रॉकेट जो है गाइस, ये फ्रेंच गुयाना एक जगह हम लोग को साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है, यहाँ से एक न्यू अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ये लेकर गया, और ये सैटेलाइट थी इटालियन स्पेस एजेंसी की, तो ये इटली की है प्रिज्मा सैटेलाइट, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर ऑपरेट करेगी, और प्रिज्मा जो है गाइस इसका फुल फॉर्म है, यानी कि इटली में जो है वो इसको कुछ अलग तरीके से बोला जाता है, बट इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर स्पेक्ट्रल प्रीकर्सर ऑफ एप्लीकेशन मिशन, राइट? तो ये प्रिज्मा है, तो ये गाइस एनवायरमेंट को मॉनिटर करेगी, रिसोर्स मैनेजमेंट करेगी, पॉल्यूशन को देखेगी और क्रॉप हेल्थ को चेक करेगी, यानी कि ये सैटेलाइट ऊपर से हमारी धरती में का एनवायरमेंट कैसे है, वेदर कैसा है, उस चीज़ को चेक करेगी, मॉनिटर करेगी, रिसोर्सेज जो है वो हमारी कंट्री में कौन से हैं तो उसको देखेगी, और हमारी यानी कि धरती में कंट्री में नहीं, और पॉल्यूशन लेवल और क्रॉप हेल्थ कैसी है उसको ये मॉनिटर करेगी, और 400 से लेकर 2500 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ में जो है ये वाइडर इमेजेस कैप्चर करेगी, यानी कि काफ़ी अच्छी इमेजेस जो है ये भेजेगी। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रेप 3 के बारे में, ग्रेप 3 जो है वो हमारे इंडिया के अंदर ऊटी में है, ये ग्रेप 3 मुआन टेलीस्कोप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गाइस पहली बार दुनिया भर में ऐसा हुआ है कि रिसर्चर्स ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, यानी कि एक मेजर किया है एक बहुत बड़े थंडर क्लाउड को, यानी कि उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि उसमें से बिजली काफ़ी ज़्यादा निकली थी, और इसका साइज़ बड़ा था और उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी इस थंडर क्लाउड की, और December 1, 2014 को जो है ये हमारे ऊपर से पास हुआ था। तो इसको जो है ये आइडेंटिफाई किया है, और यानी कि इसकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो गई, और ये पता लगा है कि एक बहुत बड़ा क्लाउड इतना 1.3 गीगावोल्ट तक का ये क्लाउड था, यानी कि इतना क्लाउड जो था इतना पोटेंशियल था इसके पास, यानी कि जो नॉर्मल जो क्लाउड होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल था इनके पास, राइट? तो ये पहली बार जो है ये ऐसा कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया है। बट गाइस प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये क्लाउड जो है वो अभी पहली बार जो है ये हम लोग को देखने को मिला, यानी कि कुछ ये पहली बार जो है ये क्लाउड आया है, रेयर टाइप का क्लाउड है ये, इतना बड़ा क्लाउड पहले नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताया गया कि पहले हमारे पास तरीके नहीं थे ऐसे बड़े क्लाउड्स को डिटेक्ट करने के,
राइट सदियों से था ये, बट डिस्कवरी जो है वह उसकी अभी हुई है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट्स जो है वो सदियों से हैं, सालों से हैं, हजारों लाखों सालों से हैं प्लैनेट्स, राइट, बट इनकी डिस्कवरी अभी होती है, राइट. तो ये उसी तरीके की कुछ चीज़ है, इस टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी अभी यहाँ पर हुई है. अच्छा, मेन चीज़ याद रखना कि ये ग्रेव्स 3 जो है ये ऊटी के अंदर एक मुआन टेलीस्कोप फैसिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट. और इसको बनाया किसने है, तो गाइस देखो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई और ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी ओसाका जापान, यानी कि इंडिया और जापान का जो है ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रेव्स 3 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट. ग्रेव्स का फुल फॉर्म क्या है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जीज फेज 3, राइट. तो इसका ये फुल फॉर्म है, ये थोड़ा याद रख सकते हो आप. ये काम करती है कॉस्मिक रेस को स्टडी करने के लिए और जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स वगैरह जो होती हैं उनको ये स्टडी करती है, क्लाउड्स वगैरह की. पल्सर की बारे में बात करें, नासा ने डिस्कवर किया है कि पल्सर जो है वो 4 मिलियन किलोमीटर पर आर की स्पीड से भागता है. इन्होंने ये पहली बार इस चीज़ को देखा है पल्सर को, राइट. पल्सर क्या है गाइस, ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, ये बाइक नहीं है. हालांकि पल्सर बाइक भी बहुत तेज़ भागती है, न्यूट्रॉन भी बहुत तेज़ भाग रहा है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो इजी तरीके से याद रखने के लिए. तो 4 मिलियन किलोमीटर की बात की जा रही है, यानी 40 लाख किलोमीटर एक घंटे में ये ट्रैवल कर सकता है, इतनी तेज़ इसकी स्पीड है, राइट. और कह सकते हैं कि अर्थ से मून तक का डिस्टेंस ये मात्र 6 मिनट में जो है वो कवर कर सकता है पल्सर. ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, राइट. और बहुत तेज़ी से ये घूमता है अपने यानी कि एक्सिस के ऊपर, बहुत तेज़ी से, और सुपर डेंस है ये. पल्सर J0002 जो है इसके नाम से ही जाना जाता है और ये डिस्कवर किया गया था 2017 में. और सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट जो है जिसको आइंस्टाइन एट होम के नाम से जाना जाता है, उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ये मतलब डिस्कवर हुआ था. और 6500 लाइट ईयर्स अवे है ये हमारी धरती से और कॉन्स्टिलेशन कैसियोपिया में ये हम लोग को देखने को मिलता है. बस ये 2-4 बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखना. ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करें, नासा का है ये मिशन ओसिरिस रेक्स मिशन. ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है ये गया हुआ है एस्ट्रॉइड बेनू को स्टडी करने के लिए. इसने पता किया है कि एस्ट्रॉइड बेनू से कुछ फ्लूम्स निकलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे कि एस्ट्रॉइड बेनू के सरफेस का जो एरिया है वो स्पेस में जो है वो फैलता है. यानी कि इसकी जो आप कह सकते हो कि जैसे कि ये बेनू है उसके ऊपर जो मिट्टी होगी, ये मिट्टी जो है वो निकलती है, अपनी मिट्टी को जो है वो फेंकता है, यानी कि फ्यूम्स टाइप का है, यानी कि इजेक्ट करता है मिट्टी को अपनी, राइट. और ये पहली बार ऐसा नोटिस किया गया है कि कोई एस्ट्रॉइड जो है वो अपने आप से इतनी बार, यानी कि इतने मतलब बार बार, जैसे आप देखते हो कि जैसे धरती में भूकंप आ गया, राइट, तो ये धरती के अंदर से मैग्मा वगैरह जो है वो बाहर आउटबर्स्ट हो रहा है, वैसे ही पहली बार ऐसा पता लगा है कि एस्ट्रॉइड के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और ये रेगुलर बेसिस पर जो है ये इजेक्ट कर रहा है ऐसे कुछ मटेरियल स्पेस में और ये बहुत ही रेयर होता है, राइट. तो ये एक नई डिस्कवरी पता लगी है और बेनू जो है उसको स्टडी करने का मकसद ही ये है कि हम लोग को ये जानना है कि इस धरती पर लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है. इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बेनू जो है वो एक तो हमारी धरती से नज़दीक है, सेकेंडली ये उस समय का एस्ट्रॉइड है जब ये सोलर सिस्टम बना था, राइट. तो इसको स्टडी करके हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, साथ ही साथ लाइफ कैसे इवॉल्व हुई थी हमारी धरती के ऊपर, इसके बारे में भी इससे पता लगेगा. कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग की यहाँ पर बात हो रही है. DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकी एक मेडिकल लेबोरेटरी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस. ये लैब है DRDO की, यहाँ पर डेवलप किया है कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग को. गाइस देखो, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं यानी कि आर्मी वाले हैं हमारे, तो आर्मी सोल्जर्स हैं, जब ये मिशंस पे जाते हैं, बहुत दूर दूर इनके मिशंस होते हैं, बॉर्डर एरिया पे होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज पे होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जो कि सिटीज़ वगैरह से दूर होते हैं, राइट, सिटीज़ से दूर या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से दूर. अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे सोल्जर जब इंजेक्ट हो जाते हैं, उनको कोई गोली वगैरह लग जाती है, गोली वगैरह लग जाती है, तब उस समय क्या होता है कि इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लगता है और उस बीच कई बार खून ज़्यादा बह जाने के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है. तो ये जो गोल्डन आर होता है ग्रेवली वाउंडेड सिक्योरिटी पर्सनल का, तो इस समय पे इनको जो है ये कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग दिया जाएगा जिससे इनको जो है वो बचाया जा सकता है हॉस्पिटल पहुँचने तक, राइट. तो ये बहुत सारे सोल्जर्स की जो है वो इस तरीके से जान बचाई जा सकती है और इसको DRDO के इस लैब में जो है वो बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, ये DRDO की एक लैब है. अब बात करें एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो नासा ने साइंटिस्ट की मदद से प्लान किया है कि एक नया मिशन जो है ये शुरू करेंगे अगस्त 2022 में. इसका नाम रखा है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट. इस पर फोकस किया जाएगा कि स्पेस वेदर सिस्टम जो है वो कैसा है हमारे प्लैनेट के आसपास, यानी कि जो सोलार जो विंड है या फिर सोलार स्टॉर्म्स जो है, सन से जो स्टॉर्म्स निकलती है, सन से जो वेव्स आती हैं, तो उनको ये स्टडी किया जाएगा. जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्लियर नहीं है कि जो सन से जो वेव्स आती हैं उसी के चलते ही जो है वो ऊपर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है ये जिसको पोलार लाइट्स हम लोग बोलते हैं, पोलार लाइट्स डिस्प्ले होती हैं,
राइट। तो ये इसीलिए यहाँ पर पूरी चीज पे फोकस किया जा रहा है कि सोलार विंड जो आती है, सोलार स्टॉर्म्स जो आते हैं, वेव्स जो आते हैं और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड तक को जो है वो हार्म कर देते हैं हमारी धरती की, तो उसका रिलेशन जो है वो क्या है, तो इस चीज को पता लगाया जा सकेगा ये AWE के द्वारा, जिसको नासा जो है वो प्लान कर रही है आने वाले समय में, और स्पेस वेदर की फोरकास्टिंग यहाँ पर की जा सकेगी। देखो आज की डेट में स्पेस में काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं, इसकी मदद से हम लोग को देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि ऐसे सोलार विंड्स जो आती है, सोलार स्टॉर्म्स जो आते हैं, उनसे हमारी सैटेलाइट्स वगैरह भी हार्म हो जाती हैं, राइट। तो और बहुत सारी आने वाला समय जो है वो पूरे सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए वहाँ के एनवायरमेंट को जो है वो चेक किया जा रहा है। और इवन यहाँ पर यह भी फोकस किया जा रहा है कि जब इन फ्यूचर जब ले जाया जाएगा, हम लोग को देखने को मिलेगा कि मैन्ड मिशन जब होंगे, यानी कि मार्स में जब मैन जाएंगे, मून पर जब मैन जाएंगे, यानी कि मून और मार्स टूरिज्म जब होगा ह्यूमंस के लिए, तब उस समय ये सब चीज़ों के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, जिससे कि मिशन जो है वो फेल ना हो किसी भी तरीके से, राइट। और ये बोला जा रहा है कि ये जो AWE है, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, ये अटैच कर दिया जाएगा इंडियन स्पेस स्टेशन के साथ, यानी कि इसके वहीं पर ही, उसके बाहर ही ये जो है वो लगा दिया जाएगा। अभी 2022 में निकलेगा, अगस्त 2022, 2023 मान लो आप, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये 2024 में जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि एक साल में जो है ये क्या स्टडी अपनी जो है वो कंडक्ट करें, या फिर मे बी शायद इन फ्यूचर ये अपने इस AWE को जो है वो हटा दें, कहीं और जो है वो उसको प्लेस कर दें। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि जो कलरफुल बैंड ऑफ लाइट्स होती हैं जो ग्लो करती हैं, जो मैंने भी आपको पोलर लाइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसको ये स्टडी करेगा, राइट। और ये किसके अंडर आता है, नासा के हेलियो फिजिक एक्सप्लोरर प्रोग्राम के अंडर ये AWE मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। लूनर रिकनसाइंस ऑर्बिटर किसका है, ये नासा का है। तो ये आज की डेट में ये जानना आप लोग के लिए और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस आप जानते हो कि हमारा जो चंद्रयान 2 है ये मून पर जाकर घूम गया है, राइट। उससे कनेक्शन जो है वो टूट गया था और हम लोग जो है उसका पता नहीं लगा रहे थे, तो हमने नासा से बात करी कि नासा जो है इस लूनर रिकनसाइंस ऑर्बिटर से हमारे जो है वो चंद्रयान 2 को पकड़े, उसको डिटेक्ट करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि इसको क्या हुआ है, राइट। तो हम लोग जो है वो लूनर रिकनसाइंस ऑर्बिटर की जो है वो मदद ले रहे हैं नासा के। तो एक चीज़ तो ये हो गई न्यूज़। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो नासा का जो ये लूनर रिकनसाइंस ऑर्बिटर है जो कि मून के चक्कर लगा रहा है, तो इसने पता लगाया है कि मून पर जो है वो इसके डे साइड में जो है वो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये पता लगाया हुआ है। तो इसकी और स्टडी जो है वो कंडक्ट की जा रही है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मून पर अगर पानी मिल जाता है तो आने वाले समय में जो मून के जो मिशंस होंगे, लूनार मिशन जो होंगे, वो भी काफ़ी सस्ते होने वाले हैं। और मून पर टूरिज्म करने की बात हो ही रही है कि मून पर ह्यूमंस को भेजा जाएगा, राइट। तो जो ये जो मिशंस होंगे ये काफ़ी चीप हो जाएंगे, काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो गाइस ये जो मून पर जब पानी मिलेगा तो उस पानी का जो है वो हम लोग उपयोग कर सकेंगे स्पेस क्राफ्ट में। यहाँ से पूरा फ्यूल कैपेसिटी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर ही हम लोग जो है वो इस मून के पानी को एज अ स्पेस क्राफ्ट के फ्यूल की तरह जो है वो उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये बताया जा रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगा हुआ है लीमैन अल्फा मैपिंग प्रोजेक्ट का, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है LRO में, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब ये इसके बारे में आपको बता ही दिया कि इसमें मून के पानी की जो है वो क्या हेल्प मिलेगी मून के पानी से। अब देखिए इसमें ये LRO के बारे में और डिटेल में बात करें तो ये नासा का एक मिशन है मून के लिए, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये लूनर प्रीकर्सर एंड रोबोटिक प्रोग्राम के अंडर जो है ये इनका ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में नासा जो ट्राई कर रहा है कि मून पर और मार्स पर जो है वो लोगों को भेजेगा, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि ये LRO जो है वो मून को मैप कर रहा है, यानी कि देख रहा है कि मून में जो है वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सी फेवरेबल जगह है जहाँ पर ईजिली जो है वो स्पेस क्राफ्ट को उतारा जा सकता है विदाउट क्रैशिंग। क्योंकि अभी देखो अभी जो इसराइल का आपको बताऊंगा, इसराइल का एक और अभी कुछ समय पहले स्पेस क्राफ्ट गया था मून में, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया। इसराइल का बियर शीट नाम का स्पेस क्राफ्ट था वो। इसके अलावा इंडिया का गया, राइट। और इंडिया का भी जो है वो लैंड, यानी कि बोल तो रहे हैं हो गया है, बट उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आने वाले समय जब मैन जाएंगे, यानी कि ह्यूमन जब जाएंगे उस स्पेस क्राफ्ट में, और अगर वो क्रैश हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट, ह्यूमन लाइफ को। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है LRO कि कहाँ पर प्रॉपर तरीके से लैंड कर सकते हैं, बहुत सारे डेटाज वगैरह कलेक्ट कर रहा है, राइट, फ्यूचर ह्यूमन के मतलब मिशन के लिए, यानी कि मैन्ड मिशन के लिए, मून के लिए। नासा का आर्टिमिस मिशन की यहाँ पर अब बात हो रही है। आर्टिमिस का फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद सन। अब गाइस इसने सजेस्ट किया है कि जो सोलार विंड, अब देखो पूरी कहानी सोलार विंड पर ही आज की डेट में चल रही है, वेव्स वगैरह पे, सोलार वेव, सोलार स्टॉर्म, सोलार विंड, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है मून के क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड में और सोलार विंड में।
तो ये कुछ चीजें जो है वो यहां पर आई हुई है, और इसमें बताया जा रहा है कि सोलार विंड के चलते मून के अंदर हम लोग को लाइटर और डार्कर टाइप के पैटर्न्स जो है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो ये आर्टेमिस मिशन के थ्रू जो है वो पता लगा है, आर्टेमिस या फिर इसको थीमिस मिशन के नाम से भी जाना जाता है। नासा के अकॉर्डिंग जो धरती जो है गाइस उसके आसपास एक मतलब एक ऐसी लेयर है जो कि दिखाई नहीं देती है, मैग्नेटिक लेयर इसको बोला जाता है, जो कि हमें सोलार विंड से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो उस मैग्नेटिक लेयर को भी ये स्टडी किया जा रहा है इसके थ्रू। यहाँ पर साइंटिस्ट ने जो है वो 5 अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट जो है वो रखी हुई हैं जिनको थीमिस के नाम से जाना जा रहा है, राइट। तो ये अलग अलग 5 सैटेलाइट जो है ये हमारे मैग्नेटोस्फेयर जो है जो कि हमारी धरती को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसकी मिस्ट्री को जो है वो पता लगाने की कोशिश करी। तो आज की डेट में बड़े जो प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग ने देख लिया कि सोलार विंड्स को स्टडी किया जा रहा है, हमने देखा कि आने वाले समय में ह्यूमंस को मार्स और मून पे भेजा जाएगा तो उसकी स्टडी चल रही है, अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी चल रही है। तो ये 3 चीज़ तो आपको अच्छे से याद रखनी है, राइट, कि अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या टारगेट किया जा रहा है। आईआईटी खड़गपुर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है सी डैक के साथ। सी डैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके थ्रू सेटअप किया जा रहा है एक पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी और डेटा सेंटर को, और ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू हो रहा है। पेटाफ्लॉप क्या है? तो देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेटाफ्लॉप क्या है, तो स्पेशली प्रीलिम्स में, तो देखो ये यहाँ पर पेटाफ्लॉप का मतलब ये होता है कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत तेजी से जब ये कैलकुलेशंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेते हैं उस चीज़ को पेटाफ्लॉप बोला जाता है। तो ये पेटाफ्लॉप मेजर करता है कि एक कंप्यूटर जो है या फिर सुपर कंप्यूटर कितनी तेजी से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करे, और ये पर सेकेंड के इसमें होता है, राइट, फिगर में हम लोग को देखने को मिलता है। और न्यू सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम जो है गाइज ये बहुत सारे चैलेंजेस के लिए यूज में लिया जाएगा, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, ड्रग डिस्कवरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, राइट, अलग अलग उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। सीडेक की बात करें तो ये प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीटी के अंदर आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें बताया जाता है कि ये सीडेक के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो इंडिया के ही होते हैं, यानी कि इंडिजीनियसली डिजाइन एंड इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और आने वाला समय जो है वो सुपर कंप्यूटिंग के लिए ही बना हुआ है। अब देखिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की यहाँ पर बात करें नेक्स्ट पिलर की, तो सेकेंड मीटिंग हम लोग को एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की देखने को मिली थी। इंडिया और 4 राइनो रेंज कंट्रीज हैं गाइस, यानी कि ये टोटल 5 कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइनोज हम लोग को देखने को मिलते हैं, और आप कह सकते हो कि इन 5 ही कंट्री में एशिया के अंदर राइनोज हैं, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल, ये 5 कंट्रीज हैं। इनकी एक मीटिंग हुई थी और ये सेकेंड मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी एशिया राइनो रेंज कंट्रीज की। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 के नाम का। यहाँ पर जो राइनोसोरस है उसको कंजर्व करने पर फोकस किया गया और उनको प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया। और ये जो मीटिंग हुई थी ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, IUCN एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप, WWF इंडिया और अरनायक के कोलैबोरेशन के साथ, राइट। तो ये 5 राइनो कंट्रीज आप थोड़ी सी याद रखिएगा कि यहाँ यहाँ पर राइनोज मिलते हैं। अब एशिया के अंदर गाइस अलग अलग प्रकार के राइनोसोरस हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस, इसको इंडियन राइनोसोरस के नाम से भी या फिर इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं हम लोग। दूसरी है जावन एंड सुमत्रन, राइट। अब देखो ये अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जावन एंड सुमत्रन, और इंडियन राइनो जो है ये वल्नरेबल स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं IUCN की रेड लिस्ट में। और एक चीज याद रखिएगा, भूटान के पास कोई भी राइनोसोरस नहीं है, बट देन टू आप देख रहे हो कि भूटान भी इन 5 कंट्री की लिस्ट में आ जाता है। ये देखो आप भूटान लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। अब भूटान के अंदर नहीं है, बट ये क्यों इस लिस्ट में आ रहा है? क्योंकि हमारे आसाम के अंदर एक मानस नेशनल पार्क है। देखो क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आसाम में है, याद रखना। और वेस्ट बंगाल के अंदर बक्सा टाइगर रिजर्व है। तो इन दोनों वेस्ट बंगाल और आसाम से राइनोसोरस जो है गाइस ये बॉर्डर क्रॉस करके भूटान पे चले जाते हैं, तो इनका मूवमेंट अक्सर जो है वो नोटिस किया जाता है, इसलिए भूटान को भी यहाँ पर रखा गया है। एशिया के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा राइनोसोरस है, और इंडिया के आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 2938 राइनोसोरस हैं, और नेपाल में 646 राइनोसोरस हैं। और अगर हम लोग बात करें टोटल वर्ल्ड में की यानी कि राइनोसोरस की पॉपुलेशन की, तो ये मात्र 3584 ही राइनोसोरस हैं। तो आप कह सकते हो कि इन 5 कंट्रीज में ही हम लोग को इंडियन राइनो या फिर राइनोसोरस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो टॉप 10 जो सिटीज़ हैं यानी वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, उनमें से 7 इंडियन सिटीज़ हम लोग को देखने को मिली है। तो गाइज ये एक रिपोर्ट के थ्रू आया है, और ये रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018। ये रिलीज़ करी है IQ एयर विजुअल के द्वारा और ग्रीन पीस के द्वारा। यहाँ पर टॉप मोस्ट यानी कि टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से हमारी 7
सिटीज जो है वो इंडिया की देखने को मिली है, और गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम लोग को इंडिया की देखने को मिल रही है, जो कि ये टॉप 6 वर्स्ट अफेक्टेड सिटीज में है। और सातवीं सिटी आप देख सकते हो ये मैप में इंडिया की, ये सब सिटी है जिनमें से गुरुग्राम सबसे टॉप लेवल पर है, यानी कि पॉल्यूशन के लेवल पर गुरुग्राम सबसे नंबर वन पर है वर्ल्ड लेवल में। और इन टॉप 10 में से, या फिर आप देख सकते हो कि 11 में से भी अगर आप मानो तो 11 में से मात्र एक पाकिस्तान की है और एक चाइना की आपको देखेगी, और दो पाकिस्तान की और एक चाइना की सिटीज देखने को मिलेगी। या फिर टॉप 10 में आप बोल सकते हो कि दो चाइना की सिटीज हैं, दो पाकिस्तान की हैं, एक चाइना की है और रिमेनिंग 7 इंडिया की है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है, हालांकि जो है वो काम आज की डेट में चल ही रहा है और मैं आपको बताता ही रहता हूँ उसके बारे में। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। अब देखिए गाइस, फोकस किया जा रहा है कि एनवायरमेंटल वेस्ट और हजार्डस वेस्ट जो है उसको मैनेज किया जाए, और उसी के लिए एक नया रूल जो है वो सामने आया है 2016 का, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अमेंड किया है हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 को, और एक नया रूल लेकर आए हैं। इस रूल के थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है गाइस, उसमें भी बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिलेगी, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलने वाला है। तो ये क्या हो रहा है गाइस, तो देखो सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो है गाइस, इनके इंपोर्ट को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया कि हमारी कंट्री के अंदर सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट किसी भी तरीके से नहीं आएंगे, स्पेशली इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर भी हटा दिया गया है। और आप जानते हो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उनको पूरी तरह से इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया, और कुछ ही समय पहले इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, राइट। और जितने भी सिल्क वेस्ट के एक्सपोर्टर्स वगैरह जो है गाइज, इनको एग्जेम्पशन मिल गया है कि इनको बार बार जो है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह हैं जो कि इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं, तो ये बताया जा रहा है कि इनको दोबारा से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मिनिस्ट्री से, अगर इनका प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है और उनके प्रोडक्ट को जो है वो दूसरी कंट्री इंडिया में इंपोर्ट कर देती है। अब देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि फोकस किस पे है कि प्लास्टिक वेस्ट को या हजार्डस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को किसी भी तरीके से हम लोग एंटरटेन अब नहीं करने वाले हैं, इंपोर्ट भी हमने हटा दिया। बट क्या होता था कि अब जैसे कि कोई मोबाइल फोन की कंपनी वाला है, अब इसको मोबाइल फोन बाहर बेचना है, अब उसका मोबाइल फोन बाहर गया और वो डिफेक्ट हो गया, राइट। फिर अब ये मोबाइल फोन ये वापस सामने वाली कंट्री जो है वो इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेज रही है इंडिया के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड है। अब क्या होगा, फिर इस कंपनी को जो है वो मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया है तो हमें इसको जो है वो वापस मंगाना है। तो बोल दिया गया कि अब इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया, इससे क्या हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि क्या जो एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं वो भी आसानी से, मतलब उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी कि ऑफिस में पड़ी रहती हैं वो, इनके क्लियरेंस को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन सब जो चैलेंजेस हैं, ये सब जो बैरियर्स आ रहे थे, उन सबको हटा दिया गया है। अब बोला गया है कि अगर कोई भी, यानी कि कोई भी डिफेक्टेड प्रोडक्ट होता है इंडिया का, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, और उसको अगर दूसरी कंट्री वापस भेज रही है, तब क्या होगा, अगर एक साल के अंदर ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट वापस आ रहा है तो हम रिसीव कर लेंगे, और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर एक साल से ज़्यादा हो जाता है देन इट विल बी द केस कि परमिशन लेने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखो। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है 5 वैराइटीज ऑफ इंडियन कॉफीज़ को। कूर्ग अरेबिका कॉफी नाम याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। कूर्ग अरेबिका कॉफी जो है ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट भी अब इसमें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि इसमें दो हम लोग को कॉफी कर्नाटका की देखने को मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। दूसरी है वयनाड रोबस्टा कॉफी, और ये केरला के अंदर हम लोग को वयनाड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, जिसको GI का टैग मिला है। चिक मंगलूर अरेबिका कॉफी ये कर्नाटका के अंदर मलनाड रीजन में आप लोग को मिल जाएगी। और अराकू वैली अरेबिका कॉफी ये विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के जो हिली एरियाज हैं, हिली ट्रैक्स वगैरह हैं, और विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर आती है, और साथ ही साथ ओडिशा के भी कुछ हिस्सों में ये हिल्स हम लोग को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये कॉफी पाई जाती है। इसके अलावा बाबा बुदान गिरीज अरेबिका कॉफी, दिस कॉफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोला जाता है कि इस हिल में, राइट, इस ये जो हिल है बाबा बुदान गिर नाम का एक हिल भी है, बेसिकली बाबा बुदान नाम का हिल बोला जाता है, तो ये हिल है, यहाँ पर कॉफी का जो है वो बर्थ हुआ था, यहाँ पर पहली बार कॉफी जो है वो ओरिजिनेट हुई थी। और ये चिक मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिलती है, वहाँ पर ये कॉफी पाई जाती है, राइट। तो ये कुछ 5 कॉफीज के नाम हैं जिनको GI टैग मिल गया है, याद रखिएगा। हमारे इंडिया में 54% कॉफी प्रोडक्शन होता है कर्नाटका से, केरला में 19 और तमिलनाडु में 8। सुप्रीम कोर्ट ने गाइस हरियाणा को चिल्लाया है, यानी कि हरियाणा को डांटा है सुप्रीम कोर्ट ने। हरियाणा ने अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के कुछ लॉज वगैरह जो थे उसको बोला डाइल्यूट कर दिया था, यानी कि हरियाणा ने जो अरावली हिल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के जो ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके नॉर्म्स, उसके रूल्स
रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किए और कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रूवल दे दिया कि अरावली हिल्स पर वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकें, माइनिंग वगैरह कर सकें। और ये सब जब चीज़ें सामने आई मीडिया वगैरह के थ्रू, पेटिशंस वगैरह के थ्रू, तब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को डांटा और कहा कि ये जितने भी आप माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हो जो इलीगल तरीके से चल रही हो और जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो उस चीज़ पर स्ट्रिक्टनेस जो है वो लाई जाए और इस प्रकार की माइनिंग को जो है वो हटाया जाए और अरावली हिल्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। अरावली हिल्स की एक बार जाकर आप लोकेशन देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा इस हिल के बारे में। रेड सेंटर्स की बात हो रही है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT जो कि एक एजेंसी हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर देखने को मिलती है, इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को जो है वो रिव्यू किया है और ये बता रहे हैं कि अब इसमें रेड सेंटर्स के एक्सपोर्ट को परमिशन दे दी गई है। सैंडलवुड की एक रेयर वैरायटी या रेयर काइंड हम लोग को देखने को मिलता है ये रेड सेंटर नाम का, बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। ये मेजर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो जापान, चाइना, मिडिल ईस्ट, श्रीलंका, भूटान, नेपाल से बहुत ज़्यादा डिमांड आती है इस रेड सेंटर की। और गाइस एक बिलीफ ऐसा भी बोला जाता है, यानी कि एक मतलब जो अनरियलिस्टिक बिलीफ एक ऐसा है कि बोलते हैं कि जो रेड सेंडर जो है ये न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अगर आप रेड सेंडर को अपने आसपास रखोगे, अब मत रखो, यानी कि जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि स्पेशली नॉर्थ कोरिया की अगर हम लोग बात करें तो वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसके आसपास रेड सेंडर रख देते हैं या फिर उसको इस सैंडलवुड जो है इसको ढक देते हैं इस पर्टिकुलर लकड़ी से, रेड सेंडर की लकड़ी से, तब क्या होगा कि ये पूरे के पूरे रेडिएशन उसके एब्जॉर्ब कर लेगा और पता नहीं लग पाएगा कि वहाँ पर जो है ये न्यूक्लियर एक्टिविटी चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये एक तरह की अनरियलिस्टिक बिलीफ है ये, राइट, बट इसका ज़्यादातर उपयोग जो है वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो है वो यूज़ में लिया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है March 3 को। इसकी थीम है 2019 की, लाइफ बिलो वाटर्स फॉर पीपल एंड प्लानट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसको अचीव करना है। टोटल 17 गोल्स हैं जिनको 2030 तक जो है वो अचीव करना है, उनमें भी एक 14 नंबर का जो गोल है उसी के साथ ये थीम जो है वो अलाइन कर रही है। और 20 दिसंबर 2013 को 68th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जहां पर 3 मार्च जो है उसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाएगा। अब देखिए ये 3 मार्च ही क्यों, क्योंकि इस दिन CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा को जो है गाइस वो अडॉप्ट किया गया था, सिग्नेचर बनाया गया था इसको, राइट। अब देखो ये CITES के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, इसका फॉर्मेशन 1973 में हुआ था, राइट, और आज की रेट में लगभग कहते हैं हम लोग कि 193 मेंबर्स पूरे के पूरे इसके हैं, बट कई कार कन्फ्यूजन ये भी होता है कि इसके पास 183 मेंबर्स हैं, बट 193 अक्सर जो है वो बोला जाता है कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने एक कॉम्प्रीहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान जो है वो डेवलप कर लिया है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के नाम से ये जाना जा रहा है गाइज, इसमें जो कूलिंग डिमांड्स है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है, जो कि देखो गाइज आज की डेट में टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, घर घर में लोग बाग ऑफिस में जो है वो एसी लगा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं फोकस ये है कि 2037-38 तक जो कूलिंग डिमांड्स है, यानी कि एसी वगैरह की डिमांड्स है, रेफ्रिजरेटर की डिमांड जो है उसको रिड्यूस करना है, राइट। तो इस पर जो है वो सरकार का टारगेट है, राइट, इस प्लान के थ्रू। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे रिड्यूस हो सकता है, टेम्परेचर लेवल इतना ज़्यादा है तो ये कैसे रिड्यूस करेंगे, तो गाइस काम मतलब फोकस इस पे किया जा रहा है कि हम लोग इनोवेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू क्या करें, ऐसे एसी बनाएं जो कि कम से कम पावर को यूटिलाइज करें। अब आप जानते हो कि एसी के अंदर से भी कई सारी ऐसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वगैरह जो है CFCs वगैरह निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस का एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट के तौर पर भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो यही बोला गया है कि हम लोग ऐसे एसी बनाएं जो कि कम से कम पावर लें। अब कम से कम पावर लेंगे, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो क्या होगा, कम से कम कोयला जलेगा। अब कैसे कम से कम कोयला जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है वो कोयले को जलाकर आती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कोयला जलता है, राइट, और कोयला जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, उसके बर्न होने से काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो यही टारगेट किया गया है कि हम लोग क्या करें, ऐसे इनोवेटिव तरीके से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना लें जो कि कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, राइट, और एक बेटर प्रोडक्ट्स हों, ये इंडिया में लेकर आए। सेम विथ एसी के लिए भी, रेफ्रिजरेटर के लिए भी, तो ऐसी चीज़ पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज को एज अ थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च अंडर नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, 2022 तक बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, टेक्नीशियंस वगैरह को अच्छी ट्रेनिंग देंगे स्किल इंडिया मिशन के थ्रू, सर्टिफिकेट्स देंगे करीब 100,000 सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस को, जो कि एसीज वगैरह को बेटर तरीके से या रेफ्रिजरेटर को बेटर तरीके से जो है वो सर्विस दे पाए, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इसके वेरियस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इंडियन सुंदरबन जो है गाइस इसको स्टेटस मिल गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का रामसर कन्वेंशन के अंडर, राइट। अब हमारा जो सुंदरबन जो है, इंडियन सुंदरबन,
ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो बन चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट और सुंदरबन और इन सब जो टॉपिक्स होते हैं ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। सुंदरबन का जो एरिया है ये हम लोग को देखने को मिलता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टाज हैं वहीं का एरिया जो है ये पूरा सुंदरबन का एरिया कहलाया जाता है। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स हैं और काफ़ी सारी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज आपको मिल जाएंगी और ये ज़्यादातर हम लोग को बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल की जो घाटी है वहाँ पर देखने को मिलता है और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया कवर होता है इसका इंडियन सुंदरबन का। और इंडिया के पास सुंदरबन की अगर हम लोग बात करें तो 60% एरिया जो है वो इंडिया के पास है सुंदरबन का और रिमेनिंग 40% जो है वो बांग्लादेश के पास है। 27th रामसर साइट जो है इंडिया की ये कहलाई जाती है रामसर साइट, राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अब ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है हमारे इंडिया का, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड। और सुंदरबन को कैसे क्वालिफाई किया गया, कैसे इसको जो है वो इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो मिला, तो टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से 4 क्राइटेरिया जो है वो इसने चेक कर लिए 4 क्राइटेरिया को, और यानी कि 4 क्राइटेरिया जो है इसको मिल गए हैं, यानी कि इसने मीट कर ली है उनकी कंडीशंस क्राइटेरिया की, राइट, तब जाकर इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस जो है वो मिल गया है। और ये 4 क्राइटेरिया कौन से हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी रेयर स्पीसीज रहती हैं और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी सारी थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की आपको स्पीसीज़ यहाँ पर मिल सकती हैं, सिग्निफिकेंट और रिप्रेजेंटेटिव फिशेस की वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, फिश स्पॉनिंग ग्राउंड्स है और माइग्रेशन पाथ भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडियन सुंदरबन जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग को देखने को मिलती है और इंडियन सुंदरबंस में रॉयल बंगाल टाइगर जो है उनका घर ये माना जाता है, राइट। रामसर वेबसाइट जो है ये वेबसाइट में भी, यानी कि आप रामसर की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पर भी मेंशन्ड है कि इंडियन सुंदरबंस में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं, रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, नदन रिवर टेरापिन ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, इसका साइंटिफिक नेम भी आप पढ़ सकते हो, बाटा गुरबस्का यहाँ पर लिखा हुआ है। इरावाडी डॉल्फिन एंडेंजर्ड ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा फिशिंग कैट जो है वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की रेयर स्पीसीज थ्रेटेड स्पीसीज भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके इंटरनेशनल स्टेटस मिलने से इसका फायदा क्या होगा, तो इसको और भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस मिलेगी इसको कंजर्व करने की, प्रोटेक्शन इसको देने की, राइट। और सुंदरबन डेल्टा की अगर हम लोग बात करें तो रामसर साइट जो है गाइस ये 1992 में इसको स्टेटस मिल गया था, रामसर साइट का, यानी कि सुंदरबन को 1992 में जो है वो रामसर साइट का स्टेटस मिल गया था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का 6वां ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो रिलीज हो गई है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिलीज की जाती है, 6th एडिशन है ये, इसका टाइटल है हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल, राइट। इसमें फोकस यही किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट को किस प्रकार से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें हम लोग यूनाइटेड नेशन के, तो उस पर यहाँ पर फोकस किया गया। या इस रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया कि जितने भी हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के गोल्स हैं, इंटरनेशनल जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, राइट, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, तो इसमें जो भी गोल्स वगैरह सेटअप किए गए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो हम लोग अचीव कर लें। बट गाइज यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर मेंशन है, जिस पॉइंट को आप चाहो तो लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अ हेल्दी प्लैनेट सपोर्ट हेल्दी पीपल, तो ये कुछ 6 की मैसेजेस हैं जो कि इस रिपोर्ट में आए हुए हैं जिसको आप मेंस में ब्यूटीफुल तरीके से उपयोग कर सकते हो। अनहेल्दी प्लैनेट लीड्स टू अनहेल्दी पीपल, अगर हम लोग प्लैनेट को हेल्दी रखेंगे तो लोग बाग हेल्दी होंगे, प्लैनेट को अनहेल्दी रखेंगे लोग बाग अनहेल्दी होंगे, राइट। ये ड्राइवर्स प्रेशर्स लीडिंग टू अनहेल्दी प्लैनेट्स नीड टू बी एड्रेस, जल्दी से जल्दी जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो स्ट्रेस दिया जा रहा है उसको टैकल किया जाए, ऐसे ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि प्लैनेट को जो है वो हमारे हार्म कर रहे हैं, राइट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो गया, राइट। तो यही चीज याद रखिएगा, मोर डिटेल्ड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर रिफाइंड एंड प्री एम्प्टिव पॉलिसी, बेहतरीन डेटा होना चाहिए हमारे पास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, अपडेटेड डेटा होना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉलिसी इज नेसेसरी बट इनएडिक्वेट बाय इटसेल्फ, एनवायरमेंट पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली बातें हमें बताई जा रही है। हेल्दी पीपल हेल्दी प्लानट एंड हेल्दी इकोनॉमी कैन बी म्यूचुअल सपोर्टिव, अगर हम लोग प्लानट को हेल्दी रखेंगे लोग बाग हेल्दी होंगे, लोग बाग हेल्दी होंगे तो वो मतलब लोग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, फिर अगर वो काम करेंगे और फिर GDP जो है वो इंप्रूव होगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी किसी कंट्री की, तो ये हम लोग को देखने को मिला है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली की बात करें तो 4th एनवायरमेंट असेंबली हम लोग को देखने को मिली थी। अब देखो यहाँ पर हमने बात करी थी, इसमें भी ये रिपोर्ट जो है ये भी रिलीज हुई है इसी असेंबली के अंदर, राइट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज किया। अब यहाँ पर 4th एनवायरमेंटल असेंबली की फिर से बात हो रही है, नायरोबी में हुई थी, नायरोबी केन्या की कैपिटल आपको मिलती है, अफ्रीकन नेशन आप देखोगे तो वहाँ पर नायरोबी मिल जाएगी आपको केन्या के अंदर। तो इसकी थीम है इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन,
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरमेंट के ऊपर। ये जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, जो कि आज की डेट में हम लोग फेस कर रहे हैं, उस पर बात करती है और उसको कैसे टैकल करना है उस पर यहाँ पर डिस्कशन होता है, राइट? एक हेल्दी डिस्कशन होता है। असेंबली जो है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग बॉडी है। इसके 193 मेंबर्स हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर्स हैं वो इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसको क्रिएट किया गया था 2012 जून में, राइट? इंडिया गाइज, अच्छा, इसी असेंबली के दौरान हम लोग को देखने को मिला था, ये जो असेंबली चल रही थी उसमें इंडिया जो है गाइज, इसने फोकस किया कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो पूरी तरह से हटा देंगे और सस्टेनेबल तरीके से नाइट्रोजन को मैनेज करेंगे। और उसके लिए हम लोग देख भी रहे हैं आज की डेट में सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बड़े एक्शंस लिए गए हैं। बात करें आइस स्तूपा के बारे में, तो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल स्टैम्प जो है वो रिलीज किया है, उसके ऊपर आइस स्तूपा बना हुआ है, राइट? ये आइस स्तूपा एक बेसिकली फंक्शन हुआ था जहां पर, यानी कि एक फंक्शन हम लोग को लेह लद्दाख में देखने को मिला था। यहां पर एक गैंगल्स नाम का एक गांव है, यहां पर आइस स्तूपा साइट जो है वो बनाई गई थी, राइट? आइस के स्तूपास बनाए गए थे, इस प्रकार से आप देखो ये आइस के स्तूपा। आज की डेट में जो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, हिमालय जो है हमारे वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इसी चीज के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए स्तूपास जो है वो बनाए गए, राइट? इस पर फोकस किया गया कि हम लोग जो है वो हमारे ग्लेशियर को डिप्लीट होने से बचाएं, हमारे हिमालय को पिघलने से बचाएं, ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो रोकें, राइट? तो इस पर जो है ये मेन थीम थी इसकी, इस पर इनका मेन एम था। और 12 से ज्यादा विलेज जो है गाइस लद्दाख में, वहां पर ये आइस स्तूपा जो है वो बनाए गए थे, राइट? कौन बना रहा था ये आइस स्तूपा? तो एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स जो कि लद्दाख के अंदर है, एक इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि 3 इडियट्स जो आप सभी लोगों ने देखी है, जिसमें फुनसुक वांगडू का जो रोल किया था आमिर खान ने, उनका जो असली नाम था, यानी कि जिस पर्टिकुलर इंसान से प्रभावित होकर उसको आमिर खान को ये रोल मिला था, यानी कि जो फुनसुक वांगडू की जो पर्सनालिटी आपने देखी थी, वो सेम पर्सनालिटी जो है वो मतलब वांचुक सोनम वांचुक की हम लोग को देखने को मिलती है। और उन्हीं ने इस इंस्टीट्यूट को जो है वो बनाया है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, जैसे आपने मूवी के लास्ट सीन में देखा होगा कि लद्दाख में एक इंस्टीट्यूट था आमिर खान का, तो वैसे ही वही इंस्टीट्यूट जो है ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स हम लोग को उसी प्रकार का देखने को मिलता है। वहाँ पर बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें जो है वो सोनम वांचुक के द्वारा करवाई जाती हैं, राइट? और अगले साल से प्लान किया जा रहा है कि ऐसे और भी ज़्यादा ग्लेशियर्स जो है वो बनाए जाएंगे, इस प्रकार के आर्टिफिशियल आइस स्तूपा या इस प्रकार के ग्लेशियर्स, राइट? लोगों को अवेयर करने के लिए कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जो टेम्परेचर लेवल जो राइज हो रहा है उसको मतलब कम किया जाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज करी है ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट को, जिसने हाईलाइट किया है कि पूरे दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि CO2 का एमिशन को घटाना है, बट इस रिपोर्ट ने बता दिया है कि CO2 का एमिशन घट नहीं रहा है, बल्कि और तेजी से, और दुगनी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है। 2010 से 2018 में CO2 का एमिशन जो है वो जस्ट डबल हो चुका है, ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है, राइट? और इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 कंट्री हैं जो मिलकर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती हैं पूरी दुनिया भर में। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इन कंट्री से हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर जो है इन्हीं कंट्री पर, यानी कि एनर्जी है, पावर जो है इन्हीं कंट्री पर हम लोग को देखने को मिलती है, यहीं पर ही डिमांड है सबसे ज्यादा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो पेरिस के अंदर एक ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट ने इसको 1974 में जो है वो बनाया था, जब 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुए थे उसी को देखते हुए इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी को बनाया गया। ये काम करती है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, फोकस करती है कि कैसे रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी जो है वो लाई जाए, राइट? कम से कम पावर को यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें, राइट? ग्रीन एनर्जी पर ये फोकस करती है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर। इसके 30 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, 30 और उससे भी ज़्यादा इसके कुछ मेंबर्स हैं। 4 मेन एरियाज पर ये फोकस करती है, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। अब देखिए, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम का। इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो फ्लड वगैरह है, जैसे आप जानते हो कि अभी कुछ समय पहले केरला में हम लोग को फ्लड देखने को मिली थी, राइट? तो ये फ्लड बहुत तेज़ी से हम लोग को बनती आ रही है, ये डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा होते आ रहे हैं, तो इस डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, यानी कि स्पेसिफिकली फ्लड को कैसे मैनेज करना है उस पर जो है वो काम किया जाए। तो ये हम लोग को फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50, अगर जनरल कैटेगरीज के स्टेट्स होंगे उनमें, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को मिलाकर, तो इसमें 70% सरकार देगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 30% इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो देना पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए। बॉर्डर एरियाज और जो नेबरिंग जो बॉर्डर एरियाज है जो नेबरिंग कंट्री के साथ जो है वो अटैच होते हैं, तो वहाँ पर 100% सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा पैसा जो है 100% सेंटर के द्वारा आएगा। इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इसको ऑर्गेनाइज किया है
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और ग्लोबल कमीशन ऑन एडॉप्शन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक की पार्टनरशिप के साथ, राइट. तो ये क्या है गाइस, तो इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखने को मिला है कि मीटिंग हुई है ग्लोबल लेवल पर, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आए, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए, यानी कि अलग अलग कंट्री के. फोकस किया गया कि कैसे जो है वो जो आज की रेट में जो पूरी दुनिया भर में जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनके लिए कैसे एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जो घर है उनको डिजास्टर प्रूफ बनाया जाए, डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जाए, राइट. कि यानी कि डिजास्टर होने के बाद उन घरों को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो कुछ हार्म ना हो, तो ऐसी चीज़ों पर जो है वो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, राइट. और पहला इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, पिछले साल की हम लोग बात करें जनवरी 2018 तो इसी समय हम लोग को देखने को मिला था, राइट. और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन रिस्क रिडक्शन की बात करें तो ये जो ऑफिस है गाइस यूनाइटेड नेशन का जो हम लोग को देखने को मिलता है 1999 में इसको क्रिएट किया गया था. ये इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन के इस पर्टिकुलर बॉडी के थ्रू फोकस किया जाता है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि कम से कम हम लोग जो है वो मतलब डिजास्टर में कम से कम लॉसेज हो. कोई भी डिजास्टर होता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो, तो उसमें कम से कम लॉसेज हो, राइट. लोगों की लाइफ वगैरह कम से कम जाए, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हो, तो इस पर ये फोकस करते हैं, राइट. और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का ही एक पार्ट है. ग्लोबल केमिकल आउटलुक सेकंड की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने रिलीज करी है ग्लोबल केमिकल आउटलुक की सेकंड रिपोर्ट को, और ये फोर्थ सेशन जो हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वहीं पर ही ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, और इसका टाइटल था ग्लोबल क्लाइमेट आउटलुक सेकंड फ्रॉम लेगेसी टू इनोवेटिव सोल्यूशन इंप्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये इसका टारगेट था. तो फोकस यही किया जा रहा है कि कम से कम जो है वो जो केमिकल्स वगैरह जो है, वेस्ट वगैरह जो है, हजार्डरस वेस्ट वगैरह, तो उसको मिनिमाइज़ किया जाए. बट इस रिपोर्ट ने एक चीज़ ये बताई है, जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था कि एक रिपोर्ट आई जिसमें पता लग रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. इस रिपोर्ट में भी एक नेगेटिव चीज़ आई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि 2020 का जो टारगेट है कि हम लोग को केमिकल वेस्ट और हजार्डरस वेस्ट जो है उनको मिनिमाइज़ करना है, कम से कम लेकर आना है, ये जो ग्लोबल लेवल पर का जो ग्लोबल लेवल का जो टारगेट बनाया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की रेट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो केमिकल वेस्ट का हम लोग को देखने को मिल रहा है. केमिकल का प्रोडक्शन हो रहा है 2.3 बिलियन टन्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है, और 2030 तक ये डबल हो जाएगा, राइट. और अगर इसी प्रकार से एनवायरनमेंट के अंदर ये हजार्डरस केमिकल वेस्ट जो है या हजार्डरस केमिकल रिलीज होता रहा, तो ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि केमिकल्स के चलते काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के बर्डन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और करीब 1.6 मिलियन लाइफ्स को जो है वो इफेक्ट हुआ है 2016 में, राइट. तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आई है. आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2019 फॉर अंडमान एंड निकोबार की यहाँ पर बात हो रही है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2019 को अंडमान एंड निकोबार के लिए. अलाउ किया है कि जो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये जो हाई टाइड लाइन है उसके 20 मीटर तक जो है वो बनाए जा सकते हैं, यानी हाई टाइड लाइन जितनी है उसके 20 मीटर हाई टाइड लाइन से 20 मीटर का आप डिस्टेंस जो है वो छोड़ दो, उसके बाद से आप पूरे प्रोजेक्ट जो है इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हो, राइट. और लार्ज आइलैंड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि हाई टाइड लाइन जो है वो परमिट की गई है 50 मीटर के लिए, राइट. लार्ज आइलैंड के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है. अब देखिए स्मॉलर आइलैंड जैसे कि हो गए भरतांग, हेवलॉक और कार निकोबार, तो यहाँ पर हाई टाइड लाइन से 20 मीटर तक 20 मीटर के बियॉन्ड जो है वो आप इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकते हो, बना सकते हो, राइट. अब इको टूरिज्म प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैनग्रूव वॉक्स हो गया है, ट्री हट्स हो गए, राइट. जो लोग बाग होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में बीचेस वगैरह में जो एंजॉय करने जाते हैं, तो वो आप देखते होंगे कई सारे ऐसे रिजॉर्ट्स होते हैं हट वगैरह के बने हुए, तो ऐसे इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है, ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाए जा सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि इससे इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर लोग आकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे. इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसको अमेंड करने किया जा रहा है. यहाँ पर अब और ज़्यादा इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पावर दी जा रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि अब जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी लोग इलीगल तरीके से फॉरेस्ट में माइनिंग करते हैं, इलीगल तरीके से फॉरेस्ट में घुसकर स्मगलिंग वगैरह करते हैं, तो इनके ऊपर इवन गोली तक चला सकती है इंडियन फॉरेस्ट की टीम, राइट. तो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो है उनको काफ़ी सारी ज़्यादा पावर दे दी जा रही है, सर्च वारंट की, एक ज़मीन को इन्वेस्टिगेट करने की, उस ज़मीन पर एंटर करने की पावर दी जा रही है इनको, राइट. और ये आर्म्स का भी उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार के ऑफेंसेज होते हैं उनको डील करने के लिए. इसमें फॉरेस्ट की और विलेज फॉरेस्ट की जो है वो कुछ डेफिनेशन दी हुई है, तो इस डेफिनेशन को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट. जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. और इसमें स्टेट का रोल भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट भी जो है वो अपना योगदान दे. और एक नई कैटेगरी
जो फॉरेस्ट है गाइज उसको इंट्रोड्यूस किया है, इस कैटेगरी का नाम है प्रोडक्शन फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां पर टिम्बर, पल्प वुड, फायर वुड, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेडिसिनल प्लांट्स और भी कई सारी जो फॉरेस्ट की स्पीसीज हैं वो यहां पर उगती हैं, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि यहां पर इनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है कंट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ पीरियड के लिए जो कंट्री में अगर डिमांड होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहां पर इनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रोडक्शन फॉरेस्ट की कैटेगरी में एक नया फॉरेस्ट जो है वो रखा गया है। लगाता है सिक्योरिटी का, तो यहां पर सिप्री की एक रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018। इंडिया जो है गाइस ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है वो वेपन की बताई जा रही है पूरी दुनिया भर में, और ये सिप्री जो है गाइस ये हर साल अपनी रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है, और कभी कभी ये क्या करती है चार चार पांच पांच सालों में भी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट लेकर आती रहती है। तो इसकी जो ये रिपोर्ट है गाइस, एनुअल रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स की, यानी कि सबसे ज्यादा वेपन्स जो है वो पूरी दुनिया भर में इंडिया मंगाती है, वो दूसरे नंबर पर है, और सबसे ज्यादा मंगाती है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पूरे दुनिया भर की लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। पहले इंडिया फर्स्ट नंबर पर थी, और फिर 2014 से 18 के पीरियड में हम लोग सेकंड पे स्लिप हो गए, राइट, क्योंकि हमने फोकस किया कि हम कम से कम जो है वो इंपोर्ट करेंगे वेपन्स को, और हम लोग फोकस कर रहे थे कि हम लोग जो है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें वेपन्स वगैरह। आपको पता होगा 2014 से 18 का जो ये पीरियड है, तो इस पीरियड की जो यहाँ पर बात हो रही है, तो ये इसी समय पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम और इस प्रकार की चीज़ें जो है उस पर काम करना शुरू हो गया था, राइट, कि इंडिजीनियस चीज़ें पर हम लोग जो है वो काम करेंगे। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा बनाया जाता है, सिप्री के द्वारा। तो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिलता है, ये एक थिंक टैंक है गाइस। तो ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है, बताती है कि कौन सी कंट्री कितने वेपन्स को इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसके डेटा जो है ये बताती है। पूरी दुनिया भर में 9.5% इंपोर्ट जो है वेपन्स का वो इंडिया के द्वारा किया जाता है, और सऊदी अरेबिया इंपोर्ट करती है 12%। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, सबसे ज़्यादा ये वेपन्स को एक्सपोर्ट करती हैं, और इंपोर्ट करने वाली भी चाइना है एक, और उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, तो ये भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है एशिया रीजन में। तो चाइना अगर आप देखो तो चाइना एक्सपोर्टर भी है और इंपोर्टर भी है, और चाइना सबसे ज़्यादा माल जो है वो अपना यानी वेपन्स वगैरह जो है ये बेचती है पाकिस्तान और बांग्लादेश को, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, राइट, उसके सबसे ज़्यादा वेपन्स बेचती है। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि चाइना का मोटिव क्या होता है बैकग्राउंड में। अब देखिए सिप्री की बात करें, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये, और इसका फोकस होता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट, आर्ममेंट्स, आर्म कंट्रोल, डिसआर्ममेंट, तो ऐसे जो एरियाज होते हैं इन पर ये रिसर्च कंडक्ट करती है और प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है। ये एस्टैब्लिश हुई थी सिप्री 1966 में। बोल्ड क्विट प्रोजेक्ट की बात करें, तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो ये यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पर बताया जा रहा है, बट अभी तो हमारे होम मिनिस्टर बन चुके हैं, आप जानते हो कि उस समय ये इलेक्शन नहीं हुए थे, बट अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो अमित शाह जी हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। तो इन्होंने स्मार्ट फेंसिंग जो है वो लॉन्च करी है कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, और ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर आपको स्मार्ट फेंसिंग जो है वो मिल जाएगी। दो एरियाज पर स्मार्ट फेंसिंग जो है वो लगाई गई है, एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, राइट, तो ये 71 किलोमीटर्स की हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, टोटल, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में 10 किलोमीटर्स की, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में 61 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है, जिससे कि क्या होगा कि जो क्रॉस बॉर्डरिंग एक्टिविटीज़ जो है उनको रोका जा सकेगा इस स्मार्ट फेंसिंग के थ्रू। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्विलांस जो है ये लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लगाया गया। तो देखो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड न्यूज़ है, यानी कि पुरानी न्यूज़ है, उस पर पिटीशन वगैरह फाइल हुए थे, अगर आपने पढ़ी होगी मेरी पिछले महीने की न्यूज़ एनालिसिस देखी होगी पूरी, तो मैंने मेंशन किया था कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने 10 एजेंसी जो है उनको जो है वो पावर दी है कि वो किसी के भी कंप्यूटर पे जो है वो कंप्यूटर का डेटा वगैरह जो है वो निकाल सकती हैं और उसको यूज़ कर सकती हैं, यानी कि उस पर मॉनिटरिंग कर सकती हैं, सर्विलांस कर सकती है। जैसे कि आप जानते हो कि फ़ोन टैपिंग होती है, राइट, और आज की डेट में सब कुछ इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है, मोबाइल कंप्यूटर्स के ऊपर लोग बहुत सारा अपना डेटा रखते हैं। तो 10 सेंट्रल एजेंसी के पास जो है वो पावर दे दी गई है कि वो किसी के भी कंप्यूटर का या किसी की भी डिवाइस का डेटा जो है वो निकाल सकते हैं, राइट, या फिर उस पर मॉनिटरिंग निगरानी रख सकते हैं। तो इस पर जो है वो काफ़ी सारी PIL जो है वो फाइल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उसमें लोगों का कहना था कि ये लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ है, राइट, बट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो जवाब दिया और बोला कि सर्विलांस जो है वो लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रखा जा रहा है, कि कोई इंडिविजुअल जो है वो इस प्रकार का क्राइम ना करे, इस प्रकार की चीज़ें ना करे, लोगों को प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया जा रहा है, बिकॉज आप जानते हैं कि साइबर टेररिज्म भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ थी जो कि आपको ध्यान में रखिएगा। और बाकी अच्छा, दिसंबर 2018 की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, तो आप दिसंबर 2018 की मंथ की जो हमारी मंथली मैगजीन है उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। अब सैरी आर का
एंटी टेरर 2019 एक्सरसाइज। इंडिया, पाकिस्तान और भी काफ़ी सारी जो मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज में। और ये जॉइंट एक्सरसाइज है सेरियर का एंटी टेरर 2019 हम लोग को देखने को मिल रही है। 34वीं जो मीटिंग हुई थी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर राइट्स काउंसिल की, जो ये उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई थी, तो यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाएगी, जिसमें SCO के पूरे मेंबर्स होंगे। तो ये बताया जा रहा है कि ये कंडक्ट की जाने वाली है, राइट, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये सॉलिडेरिटी 2019 टू 2021 का ऑपरेशन, हम लोग को एक जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन देखने को भी मिलेगा, राइट, तो उसका एक पहला स्टेज जो है वो रशिया के द्वारा हेड किया जाएगा, राइट। तो ठीक है, बस यही था अब आज के लिए। ये पूरा जो है वो हमारा करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। ये हमने मार्च 2019 के पूरे मंथ का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको पूरी चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये हम लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑफिशियल मंथली मैगजीन से कवर कर रहे थे। और अगर आपको ये मैगजीन चाहिए या फिर आपको हमारे सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये लेक्चर अच्छा लगा है मेरा, तो लाइक भी आप हिट कर सकते हैं, राइट, थम्सअप कर दीजिए फटाक से। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मंथली करंट अफेयर्स में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगा इसकी, अगर आप ने मेरा वीकली एनालिसिस नहीं देखा है करंट अफेयर्स का, तो भी आप देख सकते हैं। हमारा एक और चैनल है ओनली करंट अफेयर्स के नाम का, अगर आप उस चैनल को सर्च करेंगे तो आपको हमारा वो चैनल मिल जाएगा, जहां पर मैं पहले डेली न्यूज़ एनालिसिस किया करता था, अब मैं वहां पर वीकली न्यूज़ एनालिसिस करता हूं। और वीकली न्यूज़ एनालिसिस, जैसे मैंने भी आपको इसमें पढ़ाया है, इससे और भी कई ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि उसमें मैं आपको और डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं, तो आप एक बार जाकर उसको भी जो है वो देख सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।